ओके तो वेट वेट चल रहा था यहाँ पर तो काफी ज्यादा। ठीक है तो आप मुझे सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दो, ऑडियो वीडियो अगर ऑल राइट है, बिल्कुल डन है ये सब चीजें, तो फिर हम आज कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे और सिर्फ आज हम स्टडी करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि ये जो राइटर हैं आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप कभी लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये सभी जगह हेल्पफुल होगा। काफी लेंदी क्लास हो सकती है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, इंटरेस्ट अपना, ये नहीं कि इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो, ठीक है नहीं इंटरेस्ट आ रहा नो इशू, आपको क्या पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू कांट अवॉइड इट, है ना, और ट्राई भी मत करना अवॉइड करने का। तो बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, ठीक है तो हाँ गुड इवनिंग। हाँ आज मैं सूट में हूँ, मुझे पता था कि आज मैं ये पहन के जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग कमेंट करेंगे ही, बट आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लूँ। विलियम शेक्सपियर को हम पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा मूड पहले से रिफ्रेश होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अलग आउटपुट आज थोड़ा सा अपना लिया है। ठीक है ओके तो हाँ कोई इशू तो नहीं है वॉइस वगैरह में, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, बहुत ज्यादा अच्छी कमेंट्स आप ऑलरेडी करते रहते हो। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके आ जाएं सभी लोग, विलियम शेक्सपियर को हम पढ़ने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे लीजिए कहीं पर भी। अच्छा ये बताना ब्राइटनेस लेवल वगैरह सब ओके है ना, मतलब ब्राइटनेस में भी कोई इशू तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। ओके मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है एंड वेरी हैप्पी, है ना, और अपनी परफॉर्मेंस से भी मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड आपके रिस्पॉन्स से भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तो दोनों कंडीशंस मेरे साथ में हैं तो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर पाऊँ और साथ में रिवीजन, ये रिवीजन है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा समझाने वाली हूँ बट फिर भी कोशिश करूंगी कि कोई पॉइंट ऐसे ही ना निकल जाए। ठीक है आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। चलिए अगर रेडी है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर को यहाँ देख लीजिए, वैसे मेरा मन ये कर रहा था ब्लैक थोड़े से हेयर इनके बना देते ना तो थोड़ा सा ठीक रहता, मतलब वैसे तो हैंडसम लग रहे हैं बट अगर हम क्या करते थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा और इस तरह से ना तो ज्यादा खूबसूरत लगते ना ये, मतलब और भी ज्यादा लुक अच्छा लगता है, जैसे इनका नाम है विलियम शेक्सपियर, ओके तो ज्यादा अच्छा लगता है, देखा ना आप भी ठीक लग रहे हैं ना। चलिए तो मजाक की बात है, ऐसा नहीं हम करते, प्रोवोक नहीं करेंगे सर को, वेरी रिस्पेक्टेड सर। ओके पेन हमें रेड लेना होगा। ठीक है विलियम शेक्सपियर नाम तो आपने सुना ही होगा, गली गली में गूंजता है ये नाम विलियम शेक्सपियर, ठीक है इनकी कोट्स हमें पता भी नहीं है कि शेक्सपियर की है बट हम फिर भी बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। चलिए वन शॉट रिवीजन है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं और कुछ जो आ सकते हैं वो सब के सब। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स हैव अ लुक हियर, शेक्सपियर सबसे ऊपर ही लिख दिया है मैंने, द बार्ड ऑफ एवन एंड यू कैन से द स्वान, ठीक है स्वान ऑफ एवन, एवन मीन्स रिवर और बार्ड मीन्स होता है राइटर कवि, ठीक है तो एवन जो रिवर है वहां पर स्ट्रेटफोर्ड जो इनका विलेज है कस्बा कह सकते हैं टाउन है तो वो एवन रिवर पर है वहां पर सिचुएटेड है, इस वजह से इन्हें वहां के क्योंकि उन्होंने फेमस किया है उस स्पेशल रिवर को भी आप कह सकते हैं, ठीक है एंड वो जो शहर है सिटी है तो उसको भी फेमस किया और बिकॉज ऑफ हिज ट्रिमेंडियस राइटिंग कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने राइटिंग में भी कमाल ही किया है। सारे फैक्ट्स को लेते हुए चलेंगे, बहुत ही खास हैं आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर, ठीक है विलियम शेक्सपियर सबसे पहला ध्यान रखना है, इनको हम किस नाम से और जान सकते हैं या फिर हम इनके लिए क्या वर्ड जो है स्पेशली आप कह सकते हैं यहाँ पर मैटोनिमी यूज कर सकते हैं, ठीक है तो द बार्ड ऑफ एवन, ओके वेरी फर्स्ट पॉइंट और ये आता भी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाम में क्या रखा है गुलाब को, कोई भी नाम दे दो वो महकेगा तो एक गुलाब की तरह ही, हाँ ये बात ठीक है, ये जो जूलियट है वो अच्छा सही बोल रही है वो ये भी क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान है इस बात से
कि दोनों की जो ऑलरेडी फैमिलीज हैं तो वो लोग आपस में एनवियस हैं काफी ज्यादा, बट ऐसा नहीं है। नाम में भी बहुत कुछ होता है, जैसा हमारा नाम होता है जब हम डेली उस चीज को सुनते हैं, ओके कि जैसे मेरा नाम है अंशु, नाम है तो अंशु का मतलब होता है रेज ऑफ सन, यानी कि किरण, सूरज की किरण बोलते हैं इसको। तो जब भी मैंने इसको, जब से मैंने वर्ड ये यूज किया, तो देट मीन्स मुझे फील होता है कि हाँ मैंने उसी वे में काम भी किया है, यानी कि मैं दूसरों के लिए किरण का काम बनी हूँ, कि मतलब किरण की तरह काम कर रही हूँ, दूसरों को होप दिलाती हूँ, ठीक है, उनके लिए है या नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये होता है, नाम में बहुत कुछ होता है, बट फिर भी ये कोट है जो कि जूलियट ने बोली थी, ठीक है। चलिए, शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं आपके राइटर? तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ये एलिजाबेथन एज से, यानी कि 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। स्पेशली रेनेसा मूवमेंट की हम जब बात करते हैं, मैंने आपको सारे मूवमेंट्स पढ़ाए हैं, है ना, तो ये सारे मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि किसके बाद, मेडिवल के बाद रेनेसा आता है, रेनेसा के बाद आपका न्यू क्लासिकल वगैरह, और उसके डिविजन जो है मेजर, वो भी आपको पता होने चाहिए। गुड इवनिंग भाई, हो गया गुड इवनिंग, और कितना, हाँ ठीक है, आज मैं बस थोड़ा सा अलग से डिस्कशन नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी। आपको पता है ना कि मैं ज्यादातर आजकल काफी फिलोसॉफिकल हो रखी हूँ, तो फिर पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लग जाऊंगी, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर स्टिक रहना चाहती हूँ टॉपिक पर। तो आप भी रहिए ही, कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोलिए बिल्कुल भी, कोई आवाज में इश्यू हो, कुछ भी ऐसा इश्यू हो तो आप यहाँ पर कॉमेंट कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर मेरा मन भी करता है आंसर करने का, है ना, ज्यादा होता है ना कि लड़कियों को आदत होती है ऐसी, तो मैं भी तो एक गर्ल ही हूँ। तो शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, कौन सी एज से है, ये चीज पॉइंट ध्यान रखना है, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज दोनों में कंसिडर करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ इन्होंने जो प्लेज हैं, जैसे इनके जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं, वो जैकोबियन टाइम पीरियड में लिखी गई हैं, आफ्टर 1603, बट फिर भी आप इन्हें कंसिडर करेंगे किससे, अगर दोनों आ रही हैं ऐसे लिखी हुई तो अलग बात है, लेकिन एलिजाबेथन एज को आप फॉलो करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों में जा रहा है, बट ऐसा नहीं करना है आपको, फिर भी आप एलिजाबेथ में कंसिडर करेंगे इनको, एंड 16th सेंचुरी। रेनेसा मूवमेंट ध्यान रखना है, मूवमेंट बाई चांस ऐसा हो कि एज ना पूछी जाए, आपसे कोई मूवमेंट पूछ लिया जाए, है ना, रेनेसा के अंदर सारी एजेस आती हैं, जैसे एलिजाबेथन एज आती है वेरी फर्स्ट, उसके बाद जैकोबिन एज आती है, फिर कैरोलिन एज आती है, एंड उसके बाद में आती है कॉमनवेल्थ एज। तो फोर मेजर डिविजन्स हैं किसमें, रेनेसा के अंदर। तो इसमें से जो फर्स्ट टू हैं उसके अंदर हमारे कौन आते हैं, विलियम शेक्सपियर आते हैं, लेकिन फिर भी आप जब काउंट करेंगे इनको कहां ब्रेड करेंगे, एलिजाबेथन एज में, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए, मैं आंसर नहीं कर रही हूं आपके पास एक्स्ट्रा कमेंट्स का, ठीक है। हाँ ये चीज देखना, एक क्वेश्चन ऐसी हिस्ट्री में आ जाता है, रेनेसा को हम क्या कह सकते हैं, तो रेनेसा को द अर्ली मॉडर्न पीरियड, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, द अर्ली मॉडर्न पीरियड, है ना, अर्ली मॉडर्न पीरियड है, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड को आप पढ़ते हैं, है ना, ये सब मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमारा पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। इंग्लिश पोएट हैं, हम इन्हें पोएट के पोएट भी कह सकते हैं, क्योंकि 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, नैरेटिव पोएट्री भी इन्होंने लिखी है, थ्री मेजर हैं इनकी, तो वी कैन कंसीडर हिम एज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। प्ले आप देखते हैं कि आज भी परफॉर्मेंस होती है, कॉलेजेस में परफॉर्मेंस होती है, तो ये ड्रामेटिस्ट भी हैं एंड एक्टर भी हैं, तो तीनों ही एक्टर, यानी कि इन्होंने अपने ही प्ले के अंदर परफॉर्मेंस भी दी थी। ओके लेट्स move to the next point, he also enriched yani ki bharpur kis cheez mein, the english language with hundreds of words and phrases such as, dekhiye aap bahut baar bahut sare common phrases ka use karte hain, but aapko ye pata hai kya ye shakespeare ne invent kiye hain, such as break the ice, okay, aap jante hain na jab hamare beech hum do log anjaan baithe hote hain, theek hai, aur बिल्कुल साइलेंस है वहाँ पर, हम लोग दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ हमें क्या है कि जब हमें कोई वर्ड बोलने होते हैं उसके लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द साइलेंस, है ना, जो ब्रेक द आइस बोलते हैं, यानी कि साइलेंस को ब्रेक करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिखाई भी जाती हैं कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना कि आप जो है ऐसे मोमेंट को भी हैप्पी मोमेंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हार्ट ऑफ गोल्ड है, वाइल्ड गोज चेज है, टू बी और नॉट टू बी, वेरी फेमस यहाँ पर कोटेशन है, असाइड है, स्पेशली नहीं सोलिले की भी बोलेंगे इसको, तो सोलिले की है टू बी और नॉट टू बी, समटाइम इसको असाइड भी कंसिडर कर दिया जाता है,
who knows, but फिर भी ये कुछ words हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप कह सकते हैं लगभग hundreds of words इन्होंने यहाँ पर इनका उनको origin दिया, खुद से बनाए हैं. कितनी बड़ी बात है. इसीलिए तो उन्हें माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर बोला है. किसने बोला ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग टाइप करके बताएंगे. ठीक है मैम, गाजीपुर में आंधी आ गई है तो अब मैं क्या करूं बताओ. मैं गॉड से पहले बैठ के प्रेयर करूं कि आपकी यहाँ पर आंधी को बंद कर दें? कोई बात नहीं, कल देख लेना क्लास. बट फिर इतनी लंबी क्लास आप ठीक से देख नहीं पाओगे, आपको इश्यू आएगा, है ना. बहुत लेंथी क्लास होने वाली है तो आप लोग उसको देखने में आपको बोरियत होगी तो दिक्कत हो जाएगी. ऑल टुगेदर शेक्सपियर्स वर्क इंक्लूड 37 प्लेज. इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है कभी कभी. समटाइम विकिपीडिया पे देखेंगे तो 39 प्लेज वहां पर लिखे होते हैं. अदर साइट्स पे आप जाएंगे या बुक्स में, बुक्स तो खैर वहीं से ही कॉपी पेस्ट होती है, विकिपीडिया और सम जो होते हैं, तो 37 प्लेज हैं, कहीं पर 38 मिल जाएगा. बट जो मेजरली इनके ही काउंट होते हैं, ठीक है, तो वो 37 प्लेज हैं. थ्री नैरेटिव पोएम्स में भी टू जो है बिल्कुल है कि हाँ टू मानी जाती है. मैं बताऊंगी आपको, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट. तो यहाँ पर थ्री नैरेटिव पोएम्स हैं इनकी स्पेशली, लेकिन टू कंसिडर की जाती हैं जो स्पेसिफिकली इन्हीं की हैं. बाकी में कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है कि अदर पोएट्स ने, अदर राइटर्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इसलिए कंसिडर नहीं की जाती हैं. 154 सोनेट्स स्पेशली हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि 154 सोनेट आपको ध्यान रखने हैं. इनका डिविजन मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, जस्ट वेट. अब हम बात करते हैं स्पेशली यहाँ पर बायो की. बायो डाटा देखेंगे सर का पहले, क्योंकि बायो डाटा से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, स्पेशली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. वैसे ये क्वेश्चंस आपको, ये जो फैक्ट्स हैं बहुत अच्छे से पता होंगे, लेकिन आर मोटिव इज रिविजन. सो हम रिविजन कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट को देखेंगे, चाहे ईजी हो चाहे टफ हो. 23rd of April 1564 में सर का जन्म हुआ, ठीक है. ऐसा कंसिडर किया जाता है क्योंकि 26 को इनका नाम दर्ज है, जो चर्च में इनको नामकरण किया गया था, इनको बैप्टाइज्ड किया गया था. तो 23rd of April 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, अपॉन ही मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, ठीक है. इस बात पे मेरे साथ इश्यू नहीं करेंगे आप, बहस नहीं करेंगे. ये मेरा जो लॉजिक है किसी को देख के नहीं है कि मैंने विकिपीडिया से या यहाँ से, हाँ ठीक है मैंने वहां से पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, बट नहीं. गाजवर्दी है, गाजवर्दी का आप बायोडाटा चेक करेंगे जाके, तो वहां भी स्पेशली आप मुझे बताएंगे कि उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो क्या है, ठीक है. तो वहां पर भी आप पाएंगे कि अपॉन ही लिखाया गया है, लेकिन वहां पर देयर वॉज नो इशू देयर, ठीक है. वहां पर कोई भी इशू नहीं है इस चीज को लेकर, तो हम यहाँ पर इशू क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे इशू. तो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, एवन नदी पर स्ट्रेटफोर्ड जो आपकी सिटी है, टाउन है मतलब स्पेशली, तो वहां पर हमारे सर का जन्म हुआ था. वेर ही वॉज बैप्टाइज ऑन 26 अप्रैल 1564. तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में कि जन्म के 3 दिन बाद में नामकरण किया जाता है, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि 23rd को सर का जन्म हुआ है. ओके, ओके, ठीक है. क्लास ज्वाइन करना है, फी बता दीजिए. आज नहीं बताऊंगी मैं कुछ भी, ठीक है. मैं यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसको पढ़ाने आई हूँ बस, ठीक है. पेरेंट्स जॉन शेक्सपियर, आपको जो भी पता करना है बी इनक्रेडिबल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको दिख जाएगा. ओके पेरेंट्स, मुझे इंगेज मत कीजिए इन एक्स्ट्रा कॉमेंट्स में. पेरेंट का नाम देख लीजिए, फादर का नाम एज इट इज आप ध्यान रखेंगे जॉन शेक्सपियर, एंड जो मदर है उनका नाम स्पेशली पूछ लिया जाता है तो मैरी आर्डन. याद करो फिर से, मैरी आर्डन क्या है, सर की मदर का नाम है. एंड टुगेदर दे हैड 8 children. ओके, ब्लेम किया जाता है, अभी जनसंख्या बढ़ रही है, अभी जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करो. बट ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स हैं उन्होंने कमाल कर रखा है. किसी के 8 हैं, अभी भी स्टिल आप देखेंगे, आपकी दादी को अब देख पूछना कितने, मतलब आपको पता ही होगा कितने थे कितने नहीं थे. तो आप देखिए कि कहाँ उन लोगों ने पॉपुलेशन को इतना हाई कर दिया कि हम लोगों को मेंटेन करके सबको चलना पड़ रहा है. ओके, ये तो चलिए छोड़िए, मजाक की बात है. ओके, नेक्स्ट फैक्ट इज विलियम शेक्सपियर वुड हैव लिव्ड विद हिज फैमिली इन देयर हाउस ऑन हैनले स्ट्रीट. तो जब ये 18 के तब तक नहीं हुए थे, अंटिल लिखा हुआ है ही टर्न्ड 18, तब तक ये कौन सी स्पेशली स्ट्रीट की अगर हम बात करें तो हैनले स्ट्रीट में रहते थे, ठीक है. नेक्स्ट, ओके, व्हेन ही वाज
When he was 18, जब वो 18 years के हुए, तब क्या हुआ? बहुत ही important fact है, ये बार-बार पूछ लिया जाता है, at the time of marriage, जब Shakespeare की शादी होती है, तो उनकी एज कितनी थी? तो Shakespeare married Anne Hathaway. तो जो Anne Hathaway है, या फिर you can say Annie भी कह सकते हैं, तो Annie ही अदर नाम होते हैं लोगों के. तो Anne Hathaway जो है स्पेशली वो इनकी वाइफ बनती है, बट यहाँ पर फैक्ट ये भी आ जाता है समटाइम की वो कितने ईयर्स की थी, तो दोनों में कितना डिफरेंस था यहाँ पर, देखिए 26 की थी मैम उस टाइम पर जब इन लोगों ने शादी की. एंड एक और फैक्ट है यहाँ पर, उस टाइम वो ऑलरेडी ही प्रेग्नेंट थी जब इन लोगों ने शादी की थी. टुगेदर दे हैड 3 चिल्ड्रन, दोनों के 3 बच्चे होते हैं. फर्स्ट उनका जो होती है तो ठीक है, वो बेटी होती है, इनकी डॉटर है जिनका नाम है सुजैना. एंड इसके बाद में वॉज बॉर्न 6 मंथ्स आफ्टर वेडिंग, यानी कि शादी के 6 मंथ्स बाद ही क्या हो गई थी, सुजैना का जन्म हो गया था. एंड वॉज लेटर फॉलोड बाई ट्विंस हैमलेट एंड जुडिथ, इसके बाद में 2 ट्विंस होते हैं इनको, तो जिनका नाम क्या है यहाँ पर, हैमलेट और हैमलेट बोलेंगे यहाँ पर, हैमलेट नहीं है, हैमनेट है, हैमनेट एंड जुडिथ. हैमनेट इज अ बॉय या वॉज अ बॉय एंड जुडिथ इज अ गर्ल, ठीक है, गर्ल है ही. वैसे जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं, देर इज नो इश्यू विद दैट. हैमनेट डाइड, देखिए हैमनेट जो है स्पेशली उनको क्या हुआ, इनके जो बेटे थे 11 ईयर ओल्ड थे उस टाइम पर, जिस टाइम एक अजीब सी, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, बट इनकी डेथ हो गई थी. समटाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी मतलब ये फैक्ट ध्यान रखना है आप लोगों को कि हैमनेट जो था इनका जो बेटा था, एकमात्र बेटा, तो उसकी डेथ हो गई थी जब वो 11 ईयर्स का था. आई होप कि ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हुए होंगे. हाँ, लेट्स हैव अ लुक हियर. सबसे पहली चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ओके, हैमलेट वॉज डाइड, ओके, ठीक है, हाँ, ओके. तो यहाँ पर देखते हैं ही रिटायर्ड इन 1613, ठीक है, कितने में, 1613. रिटायरमेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं भी बायो करा रही हूँ सबसे पहले, तो इसलिए बायो की वजह से मैंने लिखा है. तो ही रिटायर्ड इन 1613, 1613 में, 1613 में एक इंसिडेंट हुआ था. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा इंसिडेंट था इनके थिएटर से रिलेटेड? आई थिंक ग्लोब थिएटर से मुझे कहना चाहिए. तो ग्लोब थिएटर से रिलेटेड कौन सा ऐसा फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए अगर हम 1613 की बात करते हैं तो, ठीक है, बिफोर द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन, यहीं पर लिखा हुआ गया. वेरी बैड, मुझे आपसे पूछना था. ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 8 ऑन 29 जून. वैसे मैंने स्लाइड इस वे में तैयार की है प्रेजेंटेशन की एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है. तो हम जानते हैं, एज वी नो, कि 1613 में जो ग्लोब थिएटर था वो क्या हो गया था, बर्न हो गया था. वहां पर आग लग गई थी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 8, जब हेनरी 8 प्ले जो है वो परफॉर्म किया जा रहा था उस टाइम पर ये इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा थिएटर क्या हो गया था, बर्न डाउन हो गया था. बट फिर भी विद इन वन ईयर ही इन्होंने 1614 में इसको रिबिल्ट भी कर लिया था, बट अगेन 1642 में इसको क्लोज करना पड़ा क्योंकि सिविल वॉर वहां पर आ चुका था इस वजह से इंग्लैंड में. नेक्स्ट पॉइंट इज शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल, सेम डेट है, ध्यान रखेंगे सेम मंथ है. आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा ही है. 23 अप्रैल 1616 को सर की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड एवन. तो मतलब स्ट्रेटफोर्ड में ही क्या होता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, 52 की उम्र थी उस टाइम पर. एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन रियली हैव क्वालिटीज स्पेशली इन हिंदी एंड इंग्लिश, हैट्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स. बिल्कुल, यूपी वाले कोशिश पूरी कर रहे हैं ना, आप देख भी रहे होंगे यूपी में एजुकेशन का स्तर बहुत हाई हो चुका है, इवन गर्ल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं. बॉयज़ तो एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ पुलिस वगैरह में जाने के लिए, यानी कि इन सब चीज़ों में, जैसे बैंक है ये सब चीज़ें, स्टिल उनका वही चल रहा है कि 12th पास करो, ग्रेजुएशन करो और फिर वहाँ पर चल जाओ. मतलब कि मोस्ट ऑफ लोगों की बात कर रही हूँ, बट गर्ल्स जो हैं वो हायर स्टडीज़ कर रही हैं एंड एक अच्छी जॉब पर वो जा रही हैं. और अच्छी बात है कि वो अलग अलग आप कह सकते हैं कि जैसे PGT है, TGT है, नेट लेवल, ये सब करेंगी कॉलेज वगैरह में, वहाँ पर होंगी तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक अलग मेंटेलिटी उनकी बनेगी स्पेशली. एंड ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल से लेकर ऊपर तक हर फीमेल जो है ट्राई कर रही है कि वो हायर स्टडी करके और फिर वहां पर टीचिंग करे. बॉयज की तरह थोड़ा सा बच नहीं रही है, पहले अपनी एजुकेशन करती है पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट एंड उसके बाद में अपनी जॉब, वो शुरुआत में भी जॉब कर रही होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं साथ के साथ ही, या कहीं ट्यूशन पढ़ा रही होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं एंड उसके साथ में क्या करती हैं वो, और शादी का भी काम निपटा लेती हैं, ठीक है,
शादी भी कर लेती हैं एंड फिर उसके बाद में वो अपना करियर भी सेट कर लेती हैं. हाउ जीनियस है ना मेरी ये स्वीट स्वीट सी गर्ल्स. ये गर्ल्स नहीं है मैं कहती हूँ, ये झांसी की रानियां हैं. ओके ऐसे 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 वैसे थोड़ी ना है. चलिए बरीड एट द होली ट्राइनिटी चर्च. कहाँ पर जो सर हैं इनको कहाँ पर बरी किया गया था? द होली ट्राइनिटी चर्च में इनको क्या किया गया था? ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनको बरी किया गया यानी कि दफनाया गया था. ठीक है एपिटफ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पॉइंट है एपिटफ. एपिटफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है गुड बॉय सॉरी गुड बॉयज बोल रही हूँ मैं, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक. देखो मैं इसका मतलब बता दूंगी, पहले से पढ़ लेते हैं. गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड ही दैट मूव्स माई बोन्स. क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ऑलरेडी ही ऐसा एपिटाफ तैयार किया, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे. ठीक है तो इंटेलिजेंट है यहाँ स्पेशली, इसीलिए उन्होंने देखो पहले से ही क्या लिखा है. जैसे ऐसा कर दिया जाता है ना कि यहाँ मत टच करना, यहाँ भूत है, पीपल के पेड़ के नीचे रात को मत निकलना, तो लोग बचते हैं वहां से निकलने के लिए. ऐसे ही सर ने ट्रिक अपनाई और बोला कि गुड फ्रेंड है ना जो भी वहां पर जैसे विजिट कर रहा है एपिटाफ देख रहा है. उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जैसे जो चर्च वगैरह हैं तो वहाँ पर जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो ऐसा कर लिया जाता था कि जो पहली वो वहाँ पर समाधि वगैरह है उसको हटा के यानी कि उसको मतलब खोद के, क्योंकि ये तो सब चीज़ें वो हो जाती हैं सब मतलब कि अर्थ में मतलब राख में हो जाती हैं ना, आप कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाती हैं, तो फिर वहाँ पर किसी और को बरी कर दिया जाता था. इसलिए उन्होंने बोला यहाँ पर कि गुड फ्रेंड है ना कि जीसस मतलब इनके भगवान है कि प्रभु की तुम्हें कसम है क्या है फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर. कि यहाँ पर डिग करने की कोशिश की ना, अगर किसी ने ध्यान से देख लो इसको डिग डिग मतलब कि खोदना, द डस्ट इनक्लोज हियर जो डस्ट है मतलब कि यहाँ पर जिस तरह से उसे बनाया गया है तो उसको अगर हटाने की या खोदने की कोशिश की तो ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन. तो आप दो तरीके से करेंगे, डिगिंग कर रहे हैं कि स्पेशली उसको अच्छे से कवर करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो वहाँ ब्लेस करें उस पर्सन को जो इस मेरी बोन्स को मतलब इन स्टोन्स को जो यहाँ पर है उन स्टोन्स को वो स्पेयर करे, बचा के रखे, तो उसको क्या मिले, ब्लेसिंग मिले. बट एंड कर्स्ट उसको क्या, जिसको जिसने भी मतलब कि यहाँ पर मेरी बोन्स को अगर हिलाने की उसके माइंड में आया, उसने सोचे, तो उसको वो श्रापित करें. कौन? इनके जीसस. तो इसका ये मतलब है और बहुत ही चतुराई से इन्होंने बहुत ही क्लेवरली यहाँ पर ये कोटेशन अपने एपिटाफ पर डाल दी. ठीक है अब कोई भी देखेगा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तेरा सत्यानाश हो भाई, कि अगर तूने हिलाने की कोशिश की तेरा ये हो जाए तो उसको टच ही नहीं करेगा. ठीक है चलिए नेक्स्ट. फर्स्ट बायोग्राफर निकोलस रो. फर्स्ट बायोग्राफर कौन है यहाँ पर? निकोलस रो है स्पेशली, ये ध्यान रखेंगे, जिन्होंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई. ठीक है इन्होंने ही एक इंसिडेंट बताया जो कि और कहीं तो नहीं दिखा बट यहाँ पर दिखा एंड ये काफी ही ह्यूमरस इंसिडेंट था. क्या था कि थॉमस लूसी का एक पार्क था वहां पर, जो विलियम शेक्सपियर हैं थोड़ी सी गंदी आदतें थी शुरू में, तो उन्होंने यहाँ पर उनका डियर चुराने की कोशिश की थी, पोच करने की कोशिश की थी एंड फिर पकड़े जाने के डर से ये लंदन को भाग गए थे. ठीक है ये इंसिडेंट था, ऐसा बताया इन्होंने निकोलस रो ने अपनी बायोग्राफी में. वेरी फर्स्ट बायोग्राफर जो थे इनके कौन थे? वो निकोलस रो थे. ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं. एक कोटेशन आती है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रोथ वर्थ ऑफ विट. ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब जो भी लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बात है यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो रॉबर्ट ग्रीन है रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट्स है ना, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे आप, तो ये यूनिवर्सिटी वेट है. स्पेशली कहां से इन्होंने स्टडी की? कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट थे ये. तो ये यहां पर एक ग्रुप आप कह सकते हैं कि अपने वो लिख रहे थे, अच्छी एजुकेशन ऐसा माना जाता. अब एक व्यक्ति जिसकी एजुकेशन का अता पता भी नहीं है वो उन लोगों के बीच 1652 ही नहीं 1652 कैसे हो सकता है 15 की बात है ना 1592 बोलेंगे तो 1592 में स्पेशली जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है कि उनको बुरा लगता है एंड वो एक पैम्फलेट लिखते हैं वर्थ ऑफ विट है ना, कि बुद्धि की जो है आप कह सकते हैं कि वर्थ क्या है, कितना वर्थ होती है. तो उस चीज में जब इन्होंने लिखा तो यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया विलियम शेक्सपियर को. उन्होंने लिखा कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो. उस टाइम इनके करियर का की शुरुआत ही थी, बिगनिंग थी इस पर. हाँ रॉबर्ट ग्रीन वॉज
क्रिटिसाइज, ओके लाइव कितने बजे से होता है? आज तो 7 बजे से, वैसे 9 बजे आप मुझे विजिट कर सकते हैं। देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, अपस्टार्ट यानी कि नो सीख या कौवा है यहाँ पर हमारे आसपास आजकल, क्या उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, अभी क्या है यह नो सीख या अभी शुरुआत करने वाला यहाँ पर कौन है, एक कौवा है, ठीक है कौवा ही बोलेंगे स्पेशली हमारी भाषा में, तो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, दैट ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, हमारे पंख लगाकर उड़ने की, खूबसूरत करने की अपनी पोएम्स को वो कोशिश कर रहा है अपनी वर्क्स को, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप पढ़ते हैं जितने भी प्ले वगैरह हैं तो वो सब के सब क्या है, कॉपी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे चीजें इन्होंने इंसिडेंट्स उठा रखे हैं, करेक्टर्स उठा रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ब्यूटिफाई करने की कोशिश कर रहा है हमारे फेदर से, दैट्स विद हिज टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, है ना, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये है, ये क्या है, जैसे कि टाइगर हाइड होते हैं ना, मतलब हम क्या है कि जैसे ऊपर से खाल ओढ़ लेते हैं चीते की, और लेकिन अंदर से हमारा दिल कैसा होता है, हम यहाँ पर वीक ही होते हैं, कॉवर्ड ही होते हैं, तो वो इस तरह से उनको कमेंट करते हैं कि भाई अगर इतना ही दम है तो अपने, मतलब बहुत बड़ी कमेंट की है इन्होंने कि इतना ही दम है तो खुद से लिखें, खुद से चीजों को मैनेज करें, आप किसी को कॉपी क्यों कर रहे हो, हमारे पंख लगा के क्यों उड़ना चाह रहे हो। सपोज ही इज एज वेल एबल टू बॉम्बास्ट आउट ऑफ ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू, एंड जैसे होता है ना कि मेन मूवी जो है वो तो हिट हुई नहीं, ठीक है मेन मूवी तो सब लोगों को नहीं पता चली, क्योंकि इन लोगों की जो लैंग्वेज थी ना, रॉबर्ट ग्रीन की लैंग्वेज है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, वो काफी ज्यादा स्पेसिफाइड थी, यानी कि वो आम लोगों के समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब शेक्सपियर ने ये वर्क लिखे तो वो सबको समझ आ रहे थे, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, ओके परफॉर्मेंस करते वक्त डायलॉग्स वगैरह ईजी थे समझने में, तो इस वजह से उनको ज्यादा पसंद किया जा रहा था, है ना, इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। तो उन्होंने यही बोला कि जो आपको बेस्ट ऑफ यू दे रहा है, एंड बींग एन एब्सोल्यूट, जो देखो एक ये वर्ड आया था लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से, जोहानस फैक्टम, तो जोहानस जो फैक्टम है ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, तो जोहानस फैक्टम का मतलब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, एक बार अगर आप बता देंगे तो अच्छा है, अदरवाइज फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इज इन, एक बार बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, इज इन हिज ओन कंसीट, कंसीट या नहीं होता है मैटर फॉर द ओनली शेक्स सीन, इन्होंने शेक्सपियर नहीं लिखा है, शेक्स सीन लिखा है इनके लिए इन अ कंट्री, तो ऐसा कौन है, एक बड़ा ही कंसीट बुद्धिमता दिखाने वाला कौन है यहाँ पर, शेक्स सीन घूम रहा है हमारी सिटी के अंदर, हाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड किसी ने लिखा या नहीं, बिल्कुल जोहानस फैक्टम होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फील्ड में काम ना करके वो क्या कर रहा है, हर चीज में हाथ आजमा रहा है, मल्टी टैलेंटेड दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो पोएट्री भी लिख रहा है, ठीक है वो क्या कर रहा है, वो जो प्ले है वो ड्रामा है वो भी लिख रहा है यहाँ पर स्पेशली, एंड उन्होंने बाकी जो इनके क्या कहते हैं सोनेट्स वगैरह हैं, हर चीज़ में वो पोएट्री है, नैरेटिव पोएट्री है, हर चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश, हिस्ट्री प्लेज हों चाहे कॉमेडीज़ में भी हाथ आजमा रहे हैं, ट्रेजेडीज़ में भी हाथ आजमा रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेजेडी और कॉमेडी है उनको भी मिक्स कर दिया है, तो ये चीज़ क्या कह रहे हैं उनको, जोहानस फैक्टम, जैक ऑफ ओल्ड ट्रेड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, आई होप कि आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं, तो ये फुल कॉमेंट है यहाँ पर, इसमें आप क्रिटिकल कॉमेंट है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जोहानस फैक्टम पूछ सकते हैं, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो पूछ सकते हैं, रॉबर्ट ग्रीन पूछा जा सकता है, कौन सा पैम्फलेट है, वर्थ ऑफ विट, ठीक है ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, आई थिंक यहां तक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, अब नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं, ठीक है चलिए, यस नेक्स्ट फैक्ट इज समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592, लगभग आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो ईयर है 1585 और 1592, 92 में तक तो ये कमेंट आ गया था, जैसे ही रॉबर्ट ग्रीन ने अटैक किया वैसे ही शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी और ज्यादा रेज हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, ऐसा होता है, अब जैसे कोई भी व्यक्ति है नाम ले दे किसी पर्सन का स्पेशली, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी उसको देखने सब पहुंच जाएंगे, तो ये शेक्सपियर को फिर और ज्यादा देखने का लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई और लोग और देखने पहुंचे और वो बहुत फेमस हो चुके थे, तो 1585 एंड 1592 ही बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर, तो उन्होंने जब अपना करियर की शुरुआत की तो एज अ एक्टर उन्होंने शुरुआत की थी, राइटर पार्ट ऑनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द, कौन सी कंपनी थी जहां पर इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी और साथ में इनका पार्टीशन भी था, ओके तो यहाँ पर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, कहाँ पर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर नोन द किंग्स मैन, अब इसको किंग्स मैन बाद में इसका नाम क्यों चेंज हो गया, समटाइम आपसे पूछा जाए तो जेम्स फर्स्ट के नाम पर ही क्या नाम रखा गया है, किंग्स मैन, क्योंकि 1603 में जो
क्वीन एलिजाबेथ हैं तो उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, इस वजह से। फिर उसके बाद जेम्स फर्स्ट आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ पर भी उसके मेंटर बने स्पेशली आप कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कंपनी ने नाम जो है उनके नाम पर लॉर्ड चैम्बरलेन से हटाकर क्या रख दी थी, किंग्समैन। अब ये किंग्समैन के लोग थे, ये जेम्स फर्स्ट की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे, उनके ऑनर में इन्होंने इस कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मैम बफरिंग हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि बफरिंग हो रहा है, एक बार आप चेक कर लें अपने हैंड से कि आपके नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, बाकी बच्चे कॉमेंट करके बता ही देंगे कि बफरिंग है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 1599 में क्या होता है, पार्टनरशिप। 1599 में ये पार्टनरशिप होती है इन लोगों की, ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी बिल्ट देयर ऑन थिएटर। अब इन्होंने क्या किया, अपना खुद का थिएटर यहाँ पर बिल्ड करने का सोचा। ऐसा होता है जब हम पार्टनरशिप में होते हैं, फिर हमारा नाम रेज होता है, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ पर सबकी राय लेनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दूसरों के साथ में, फिर वहां पर हमें लगता है थोड़ा मुश्किल होता है साथ में काम कर पाना। फिर क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि हम फिर बिल्कुल इंडिविजुअल काम करेंगे, अपना का होगा, ज्यादा हमारे पास में ऑथोरिटी होगी, ठीक है, डिसीजन लेने की। तो ये ग्लोब थिएटर की शुरुआत कर देते हैं, थिएटर ऑन द साउथ बैंक, ये कहां था पूछ लिया जाए, समटाइम कोई हाई एग्जाम हो वहां पर पूछ लिया जाए, साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स, यहां पर ये सिचुएटेड है, व्हिच दे नेम द ग्लोब। तो द ग्लोब थिएटर से पूछा जाता है, द ब्लैक फ्रायर थिएटर इसके बाद आता है, ये ध्यान रखेंगे। 1608, the partnership also took over the Blackfriars Indoor Theatre. तो ये ओपन थिएटर था ग्लोब थिएटर, बट इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर इस बार इंडोर थिएटर भी बनाएंगे, है ना, हम पब्लिकली परफॉर्मेंस ना करके एक जगह लोग आए सीट पर बैठे और वहां पर हम परफॉर्मेंस दें। तो ये ब्लैक फ्रायर जो था, ये इन्होंने एक इंडोर थिएटर था, इसकी शुरुआत की थी, इसका इनोग्रेशन हुआ 1608 में, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में था, ठीक है ना, क्लियर है मैम, नो बफरिंग, ओके। इन 1597 की हम बात करते हैं, यहाँ पर स्पेशली नहीं, ये 1608 नहीं आ रहा है, सुनो एक मिनट, 1608 में तो हाँ ठीक है, ये बाद में जाके बना था, ठीक है ठीक है। 1597 ही बोर्ड द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड। 1597 तक काफी ज्यादा कमा लिया था, अर्निंग अच्छी चल रही थी, तो इन्होंने क्या है, सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन्होंने खरीदा, कहाँ पर, स्ट्रेटफोर्ड में, कहाँ पर, न्यू प्लेस में, ये पूछ लिया जाता है, उन्होंने जो घर बाद में खरीदा था तो वो कहाँ पर खरीदा था, तो स्पेशली न्यू प्लेस के अंदर खरीदा था, ठीक है। सम ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन, क्वार्टो एडिशन आया था 1592 में, 1594 में, तो यहाँ पर स्पेशली क्या हुआ, ठीक है, इसकी बिगनिंग में यहाँ पर शेक्सपियर के कुछ प्लेज जो थे वो ऑलरेडी ही पब्लिश होने लग गए थे, बट मेजर जो यहाँ पर जाता है इनका फर्स्ट फोलियो जब के लिए, आप मुझे बताएंगे कि जो फर्स्ट फोलियो है स्पेशली वो किसने रेडी किया था, किसने इनके 36 जो प्ले थे वो इसके अंदर इंक्लूड किए थे, कौन थे वो जो को एक्टर थे, उनका नाम आप मुझे बताएंगे, अगर याद है तो फिर बता दीजिए, ठीक है, याद है तो आप मुझे बताएं। आप बोल रहे हैं कि डीजीटी स्क्रीन में हेल्प करें, स्क्रीनिंग में, अब मैं क्या हेल्प करूं, मैं सब कुछ पढ़ा रही हूं ना आप लोगों को, हर चीज लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, मेजर राइटर्स हैं, एवरीथिंग तो मैं टीच कर रही हूँ यहाँ पर, हर चीज आपको प्रोवाइड करा रही हूँ इन्फॉर्मेशन। अब मैं स्पेशली इंडिविजुअली कैसे बिठा के, जबकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से डिफाइंड ही नहीं है, या तो लिटरेचर का सिलेबस डिफाइंड होता है ना, जैसे यूपी का बहुत अच्छे से डिफाइंड सिलेबस है, केवीएस का बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था, तो वहां पर हम टीचर्स कुछ कर भी सकते हैं, बट यहाँ पर तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज्यादा कवर कर पाते हैं। पोएम्स की बात कर लेते हैं। इन 1593 एंड 1594, 1593 और 1594 की बात करेंगे, 1593 में आई इनकी कौन सी, वीनस एंड एडोनिस, द वेरी फर्स्ट पोयम, एंड विच इज क्या थी, नैरेटिव पोयम थी, है ना, आप कहेंगे इसको नैरेटिव पोयम है ये, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस, यहाँ पर ये कहानी है, पहले थोड़े से अनमैच्योर थे कह सकते हैं, तो सारी जो थीम्स हैं वो सेक्शुअल ज्यादा शो करती है, किसी का रेप है बहुत ही यहाँ पर ब्रूटली है सब चीजें, तो वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा।
है ना, तो लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इनमें चेंज आया, मैच्योरिटी आई और काफी अच्छी इन्होंने प्ले लिखे. ही डेडिकेटेड देम टू हेनरी रायफ्ले. इन्होंने को जो ये फर्स्ट पोएम्स हैं, ये टू पोएम्स हैं, ये किसको डेडिकेट की हैं, तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो कि कौन थे, हेनरी रायफ्ले, तो इनको डेडिकेट किया है. तो ध्यान रखेंगे जो इनकी पोएम्स हैं वो कौन सी, ये नैरेटिव पोएम्स हैं, कौन कौन सी हैं, वीनस एंड एडोनिस, एंडर लेपो, रेपो, ल्यूक्रेस. ऐसा कोई भी एग्जाम आज तक नहीं गया है यूपी टीजीटी का, या फिर यूपी पीजीटी का भी आप कह सकते हैं, कि जहां पर इन पोएम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाएगा. अ थर्ड नैरेटिव पोएम आर लवर्स कंप्लेंट. ठीक है, इनकी जो थर्ड नैरेटिव पोएम है समटाइम कंसिडर की भी जाती है, समटाइम नहीं, बट अ लवर्स कंप्लेंट इनकी पोएम है, जो कि क्या है, विच इज अ यंग वुमेन, इसमें लैमेंट करती है हर सेडिक्शन by a persuasive suitor, यानी कि उसका स्पेशली जो हाथ मांगना चाहता है, शादी करना चाहता है, पीछा करता है, आप ये कह सकते हैं, was printed in the first edition of the sonnet of in 1609. लेकिन ये इसके साथ में पब्लिश नहीं हुए थे, ये 1609 में जब इनका सोनेट का कलेक्शन आया था तो वहाँ पर ये पब्लिश हुई थी इनकी जो ये वाली नेरेटिव पोएम है, थर्ड नेरेटिव पोएम जो है स्पेशली. इसके बाद इनकी हैं दो और, देख लीजिए, द फोनिक्स एंड द टर्टल. ये एक एलिगोरिकल पोयम है, यानी कि एलिगोरिकल स्पेशली जब हम सीधे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं मेजर इंसिडेंट के बारे में, हम उसको दूसरे सरफेस लेवल पर लेकर जाते हैं, एंड मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है उन लोगों को पॉइंट आउट करने का. द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में आती है. ठीक है, 1599 में ये आई, सिर्फ 20 पोएम थी इसके अंदर, मतलब 20 पोएम्स में से ओनली 5 पोएम्स जो हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो कंसिडर करते हैं कि वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन. बाकी पोएम्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि कन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को लेकर, कि है या नहीं है. ओके, तो 5 पोएम्स हैं इसके अंदर से, पब्लिश्ड बाय विलियम जेगार्ड. तो ये किसने पब्लिश कराया था इनका ये वाला जो वर्क है, वो विलियम जेगार्ड जो है इन्होंने पब्लिश कराया. कब, देखिए यहाँ पर विलियम जेगार्ड ने पब्लिश किया है इसको 1599 में. एक चीज ध्यान रखेंगे, 138 एंड 144 सोनेट, जो सोनेट नंबर 138 है और 144 है, कौन सा सोनेट है, 138 एंड 144. ये जो सोनेट है ये पब्लिश हुआ बाय थॉमस थॉर्प इन, देखिए वन यहाँ पर 1609 लिखेंगे, तो 1609 यानी कि 1609 के अंदर क्या हुआ, थॉमस थॉर्प ने क्या किया है, इसके अंदर से जो पोएम है उनको नाम दे दिया है 138, वो सोनेट फॉर्म में लिखी गई है, दो पोएम 138 और 154 वो सोनेट के रूप में लिखी गई है, तो सोनेट्स में भी इंक्लूडेड है. कौन सी पोएम, ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी पोएम है जो ऐसे कौन से सोनेट्स है ना, तो जो कि किस में इंक्लूडेड थे, द पैशनेट पिलग्रिम्स के अंदर पोएम है, तो वो कौन से हैं, सोनेट नंबर 138 एंड सोनेट नंबर 144. ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं भाई. लाइक शेयर वगैरह कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लाइक करेंगे तो रिकमेंडेशन में ज़्यादा आएगा, पर अगर शेयर कर देंगे तो जितने भी लोग हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, जिनको नीड होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो एक ही क्लास में सारा का सारा रिवीजन उन लोगों का हो जाने वाला है. तो सोनेट्स लाइव क्लास देखेंगे तो इजी होगा देखने में, टाइम पास आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा. बाद में देखेंगे तो बहुत बोरिंग होता है, 4-5 आवर्स की क्लास कंप्लीट करना वेरी डिफिकल्ट होता है. तो आप इसलिए कोशिश करें, लालची इतने ना बने कि हाँ हम शेयर नहीं करेंगे, कोई और ना देख ले, ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिशन को में खुद को डेवलप करना होता है, दूसरों को गिरा के, ठीक है, तब कंपटीशन में उठना कुछ भी उठना नहीं है. कंपटीशन अगर करना है तो खुद से करना है, ठीक है. अपने आप को जितना हो सके उतना डेवलप करो, उतना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद के लिए कर सकते हैं, इतना दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपके लिए कर देगा, है ना. हम अपने लिए जितना ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं तो वो हम ही हैं, कोई भी पर्सन हो वो नहीं करेगा आपके लिए, है ना. हर कोई थोड़ा थोड़ा सेल्फिश बनाया है ना भगवान ने, ठीक है, माँ के अलावा, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को. Published in 1609. तो सोनेट्स पब्लिश हुए कब? 1609 में पब्लिश हुए. Scholars are not certain when each of the 154 सोनेट. Scholars जो हैं वो नहीं, इस चीज पे उनकी सहमति नहीं होती है, एग्री नहीं करते कि 154 सारे के सारे इन्होंने ही यहां पर क्या किए हैं, कंपोज किए हैं. बट फिर भी हम कंसिडर करेंगे 154 सोनेट किसने लिखे हैं, जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्होंने लिखे हैं. और विलियम शेक्सपियर को शेक्सपियर कहना बंद करिए प्लीज, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन मत करिए. एक बार गूगल पे सुन लिया करो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, शेक्सपियर है वो, ठीक है. तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, पता नहीं बोलते कैसे हैं,
He seems to have planned two contrasting series. तो यहाँ पर इन्होंने two contrasting series दिखाई हैं, especially जो first one है, one about conflicted love for a fair young man. Fair young man यानी कि जो fair youth के नाम से ये जाने जाते हैं, इनके जो कौन से sonnet है, sonnet number 1 से लेके 126 तक, 1 से लेके 126 तक जो sonnet है वो consider किए जाते हैं यहाँ पर, कि उन्होंने एक यंग मैन है, स्पेशली फेयर यूथ के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं को ही डेडिकेट किए हैं, उन्हीं के बारे में लिखा है. अब आई डोंट नो कि क्यों लिखा है. वन अबाउट अनकंट्रोलेबल लस्ट फॉर अ मैरिड वुमेन ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, दूसरे जो उन्होंने लिखे हैं तो 127 से 152, क्योंकि दो जो सोनेट है लास्ट वाले 153 और 154, ऐसा माना जाता है कि गॉड जो क्यूपिड है उनके लिए उन्होंने लिखे हैं, तो मेजरली कंसिडर किए जाते हैं 127 से 152. बाकी आपकी मर्जी है, मेरे साथ आप मतलब कि आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट में आपकी मर्जी होती है कि आपको कौन सा मानना है. मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए कि आप चाहें कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे भी एग्जाम में पूछा जाए उस हिसाब से आप चले जाना, ठीक है. तो जो लास्ट टू है वो ऐसा माना जाता है कि जो गॉड क्यूपिड है तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, डेडिकेट किए हैं. बट 127 से 154 जो सोनेट है वो द डार्क लेडी, जिनको हम कंसिडर समटाइम कहते हैं, मैरी पिटन थी एक लेडी इनकी लाइफ में, और वो कौन थी, वो एक डांसर थी, वैसे हेनरी राइट्सले जो है स्पेशली यहाँ पर इनकी वहीं पर थी वो, तो उनको उनके लिए डेडिकेट किए हैं इन्होंने क्या अपने ये सोनेट्स, ठीक है भाई. अच्छा जी, ओके. देखिए फिर है आगे यहां पर द 1609 एडिशन. 1609 का जो एडिशन था वाज डेडिकेटेड टू, ये डेडिकेट किसको किया गया है, मिस्टर डब्ल्यू एच. बट वी डोंट नो कि हम यहाँ पर बहुत बहुत श्योरली ये नहीं कह सकते हैं कि डब्ल्यू एच कौन है, बट फिर भी कंसिडर किया गया. जैसे कि कुछ नेरेटिव पोएम्स हैं, जो दो नेरेटिव पोएम्स हैं वो हेनरी राइट्सले को इन्होंने क्या की, डेडिकेट की, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे. साउथहैम्पटन के वहाँ पर आप कह सकते हैं राजा कह सकते हैं, उस टाइम पर आप अर्ल थे, वहाँ के जागीरदार थे, तो उनको भी हो सकता है. एक आता है नाम यहाँ पर विलियम हर्बर्ट का, एक तो आता है हेनरी राइट्सले का नाम आता है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, लेकिन दूसरी तरह ये भी देखा जाता है विलियम हर्बर्ट जो है द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, जो कि कहां के अर्ल थे, पेम्ब्रोक नाम की जगह के अर्ल थे. तो कंसिडर किया जाता है कि शायद जो है उनके लिए भी डेडिकेटेड हो सकते हैं. बट यहाँ पर फिर भी मैंने आपको दोनों नाम बता दिए हैं, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको डाउट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ क्रिटिक्स कुछ कह रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स कुछ कह रहे हैं, बट मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं. पब्लिशर थॉमस, मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे थप्पा लगा दूं, टैग लगा दूं कि हाँ जो मैंने कह दिया कि वही है, ठीक है, ऐसा नहीं है. मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि क्या गलत है, क्या सही है, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, ना कि स्पेशली मैं ये कह दूँ कि हाँ यही है, ठीक है. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या आंसर करना है, ओके. क्रिटिक्स प्रेज, यहाँ पर क्रिटिक्स जो है वो प्रेज करते हैं इनकी सोनेट. पब्लिशर कौन है, थॉमस थॉर्प, ये ध्यान रखिएगा ना, थॉमस जो थॉर्प है, तो उन्होंने इनको ये वर्क्स जो है इनको पब्लिश कराए थे, क्योंकि पब्लिशर भी चाहिए होता है वर्क्स के लिए. क्रिटिक्स जो है वो प्रेज करते हैं द सोनेट्स इज अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ स्पेशली लव, सेक्शुअल पैशन, जो सेक्शुअल पैशन होता है, प्रोक्रिएशन, डेथ एंड टाइम स्पेशली. तो हर चीज मतलब कि ये आपको थीम ध्यान रखनी, इनके सोनेट की थीम क्या है इसके लिए जाने भी गए, इन्होंने काफी सारी चीजों को यहाँ पर बताया, डेथ वगैरह टाइम हर चीज पे इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है हर पॉइंट को. नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट. यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, लास्ट टाइम भी आया था और बाकी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. हाँ 1609 में है. हाँ ऑप्शंस पे जाइएगा, ऐसा नहीं रट्टा लगा के बैठ जाओ, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज का. बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर चीज को बहुत ही इंटेलिजेंटली कंसीडर करना है, समझना है पॉइंट्स को, और उसके बाद जैसे एग्जाम आएगा तो एग्जाम के अंदर जिस तरीके से लैंग्वेज होगी, आपसे पूछा गया होगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे. रट्टा लगा के नहीं बैठेंगे, जैसे कि लोग रट्टा लगा के बैठ जाते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी कोटेशन प्रिल्यूड में नहीं आ सकती है, प्रिल्यूड में कैसे हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब हो जाती है. द फादर इज अ नहीं, द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, ये मैम रेनबो में नहीं है, ये इंटीमेशन ऑफ ऑटो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी उसके अंदर है. तो ये चीजें क्या करनी, रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है सारे इफेक्ट्स को,
और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए लेट्स सी हियर, थ्री क्वाट्रेंस। मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, तो जो हम सोनेट की बात करते हैं, सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती हैं। सबसे पहले जो फेमस हुए सोनेट्स वो पेट्रार्क के हुए थे, बट वो इटली की बात है। इसके बाद थॉमस वाट कहाँ पर लेकर आते हैं, इंग्लैंड में लेकर आते हैं, इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलराइज कराते हैं सोनेट नाम की टर्म को, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है। थ्री क्वाट्रेंस वहाँ पर इंक्लूड करते हैं और साथ में बाद में फिनिशिंग करते हैं एक कपलेट से। देखिए थ्री क्वाट्रेंस फोर लाइन स्टैंजा, थ्री क्वाट्रेंस मतलब फोर लाइन स्टैंजा है, तो तीन बार यूज किया गया। 12 लाइंस हो गई कंप्लीट एंड फॉलोड बाय फाइनल कपलेट इन आयंबिक पेंटामीटर। आयंबिक मतलब कि स्ट्रेस्ड और पहला अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन, एंड पेंटा मतलब पेंटामीटर मतलब कि 5 टाइम्स इसको यूज किया जाएगा। फाइनल में क्या करते हैं, दो ये जो कपलेट है ना, ये एक कपलेट यहां पर डाल देते हैं। जीजी, ठीक है, जीजी बोलते ना दीदी को, जीजी भी बोलते हैं। अरे जीजी क्या कर रही हो, ऐसे बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्वार्ट्रेन, सेकंड क्वार्ट्रेन एंड थर्ड क्वार्ट्रेन, ठीक है भाई। ए बी सी डी ई एफ और जीजी। और ये क्वेश्चन ऐसा कभी होता ही नहीं कि कभी आपसे पूछा ना जाए। आपका एग्जाम कभी भी शेक्सपियर के अगर है आपके सिलेबस में, या फिर सोनेट है आपके सिलेबस में, सोनेट तो हमेशा होता ही है, चाहे आपको बोला गया हो चाहे नहीं बोला गया हो, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनकी राइम स्कीम आपको ध्यान रखनी है, थ्री क्वार्ट्रेन होते हैं ये ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर नॉन एज शेक्सपियर वोल्टा भी कंसिडर किया जाता है, वोल्टा टर्न भी आपको देखने को मिलता है। थर्ड क्वार्ट्रेन के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा वोल्टा यहाँ पर, ठीक है। नॉन एज शेक्सपियरियन सोनेट, इनको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, और समटाइम आपको एलिजाबेथन सोनेट भी लिखा हुआ दिख सकता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी सोनेट का नाम आ जाए, एलिजाबेथन आ जाए, इंग्लिश सोनेट आ जाए, चाहे आ जाए शेक्सपियर सोनेट, ये सबके सब एक है, एक ही पैटर्न पर लिखे गए हैं। और किसने लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने ही लिखे हैं। नेक्स्ट, ओपन एट द एंड ऑफ द थर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देर आर अ फ्यू, यहाँ पर क्या है, फ्यू एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप ध्यान रख लीजिए, समटाइम जो एक्सेप्शंस होते हैं वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सोनेट नंबर 99, 126, 154, कौन सा नंबर सोनेट है यहाँ पर, ध्यान कर लो, याद करो मेरे साथ, नंबर 99, ठीक है, 126, 154, इनके रोमन नंबर्स भी याद कर लेना, समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपको वहां से पूछ लिया जाता है ना, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि सेम नंबरिंग आपको देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा इस बारे में अवेयर हो जाना, थोड़ा नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना। नंबर 99 में क्या दिक्कत है, नंबर 99 में देखिए, सोनेट में हम जानते हैं, वी नो दैट कि यहाँ पर सोनेट हैज अ 14 लाइंस, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, नंबर 99 में 15 लाइंस हैं, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, जबकि सोनेट में कितनी होती है, 14 लाइंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लाइन उनको कम लगी थी तो उन्होंने लिख दी। यहाँ पर नंबर 126 को देख लेते हैं, नंबर 126 में क्या दिक्कत है, 126 में यहाँ पर 6 कपलेट्स ले लिए हैं इन्होंने, कंसिस्ट ऑफ 6 कपलेट्स एंड 2 ब्लैंक लाइंस। अब देखिए ये तो पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया, सर्कल पैटर्न है, क्या पैटर्न है, 3 क्वार्टर्स यूज करना, 1 कपलेट यूज करना, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 6 कपलेट्स को यूज कर लिया है एंड 2 ब्लैंक लाइंस ले ली, मार्क्ड विद इटैलिक ब्रैकेट्स, ठीक है, तो इटैलिक ब्रैकेट से इसको मार्क कर लिया है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 144 में क्या इशू है, 144 में इशू है यहाँ पर इनकी थीम क्या है, इनका पैटर्न क्या है, आयंबिक पेंटामीटर, यानी कि 5 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आयंबिक टेट्रामीटर में रिपीट कर दिया है, यानी कि आयंबिक टेट्रामीटर, टेट्रा मतलब कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 5 टाइम की बजाय इन्होंने 4 टाइम में उसको फिनिश कर दिया, कौन से आयंब को, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज तीनों ध्यान रखनी है, नॉट पेंटामीटर्स, पेंटामीटर्स नहीं लिया है। अब बात करते हैं एक और सोनेट है, सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 29 में क्या है, ओके देखिए सोनेट नंबर 29 भी याद कर लीजिए, इसमें जो राइम स्कीम है उसमें थोड़ा सा लॉज है, लॉज क्या है भाई, यहाँ पर जो है स्पेशली ये क्या कर दिया इन्होंने, जो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है राइमिंग स्कीम का, उसमें क्या किया है, जो यहाँ पर क्या है, सेकंड जो इनका स्टैंजा है क्वाट्रेन है ना, तो ये बी जो राइमिंग स्कीम है, जैसे कि बी राइम स्कीम है, तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर जो सेकेंड राइम है क्वाट्रेन, यानी कि स्पेशली जो सेकेंड जो इनका F होना चाहिए, तो F पे इन्होंने क्या कर दिया, अगेन फिर से B वाला ही मैच कर रहा है, जैसे इनकी EF ये है ना,
जैसे यहाँ मान लीजिए ये एफ है, यहाँ पर आ रहा है ये, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, राइम ऑफ द सेकेंड एफ, राइम्स ऑफ जो सेकेंड वाला जो एफ है, ये सेकेंड वाले एफ को अगेन बी से राइम कर दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको अगेन बी से राइम कर दिया है, तो यहाँ पर ये इशू है, बाकी कुछ भी इशू नहीं है। ये तीन चार पॉइंट्स हैं, ध्यान रख लेना, बाई चांस आपके जो एग्जामिनर हैं वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो और वो पेपर उस टाइम थोड़ा सा सोचें कि आज तो ऐसी चीज में उठा के लाऊंगा कि जो लोग पढ़ने से बचते हों, ठीक है। बुक्स वगैरह वो देख ही लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो बुक्स तो पता होता है, उन्हें पढ़ रखी होंगी, तो ये ध्यान रखना आप इन पॉइंट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, यहाँ पर शेक्सपियर प्लेज विद एपिलोग, शेक्सपियर के ऐसे प्लेज को ही बात करें जिसमें एपिलोग जो है वो इंक्लूडेड है। यू नो अबाउट एपिलोग, व्हाट इज एपिलोग बताइए, यू नो अबाउट एपिलोग, एपिलोग होता क्या है, एपिफ्रॉग, एपिफोरा क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ एपिफोरा क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप लोग बताइए, जैसे एनाफोरा है, एपिफोरा है, उसको छोड़िए, आप हम लिटरेरी टर्म्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें एपिलोग की। तो क्या ये स्पीच जो होती है, एक तो होता है प्रोलोग होता है, ठीक है, लोग मतलब होता है स्पीच होती है, ठीक है, लोग मीन्स स्पीच, प्रो मीन्स होता है प्री, एंड यहाँ पर एपिलोग जो होता है वो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, हाँ, लास्ट में जो बोलते हैं स्पीच, ठीक है, हाँ, एट द एंड, जब हम कोई भी प्ले है या कोई भी वर्क है, कुछ भी कोई भी वर्क है, उसके एंड में अगर हम किसी स्पीच के साथ फिनिश कर रहे हैं, होता है ना कि लास्ट में एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसे खत्म हो जाता है तो मजा सा नहीं आता, बढ़िया नहीं लगता, तो हम एक स्पीच वहां पर रख लेते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर देते हैं पूरा का पूरा होल वहां पर जो सार है उसका, तो वो सारा जेस्ट जो है हम दे देते हैं उस एक मात्र स्पीच के अंदर। तो ऐसा ही इन्होंने कौन कौन से में किया है, नाम ध्यान रखेंगे, वैसे ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है, टेम्पेस्ट पूछा जाता है, बाकी आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो एज यू लाइक इट में जो यहाँ पर लास्ट में एपिलोग दिया है वो किसने दी है, जो लास्ट में स्पीच है वो किसकी है, रोजालिन की है। द टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरियो है, वो स्पीच देते हैं। ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको प्ले के अंदर कि वो स्पीच में क्या कहते हैं, रोजालिन स्पीच में क्या कहती है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको प्ले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम वन शॉट रिविजन कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसी तरह निकलेंगे। तो यू एज यू लाइक इट में कौन है, रोजालिन करती है, एंड द टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरियो है उनकी स्पीच है एट द एंड। एंड यहाँ पर दो प्ले वो लिखे हैं मैंने, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, इसके अंदर कौन है, जो डांसर है ये है, ऑल्स वेल दैट, और बहुत ही माइनर सा करेक्टर है ये भी, एल्स वेल दैट, सॉरी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो इसमें जो किंग है स्पेशली वही बोलते हैं स्पीच को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शेक्सपियर के जो फूल है, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है आप लोगों से, हाँ, प्रीफेस टाइप प्रोलोग, ठीक है, ओके ओके पूनम, ओके निधि, ठीक है, श्रुतिका, अरे वाह, अच्छा नाम है आपका श्रुतिका, मैं इसको याद रखूंगी नाम को, मुझसे नाम पूछ लेते हैं ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल है या जैसे, तो नाम पूछ लेते हैं कि कुछ डिफरेंट सा नेम, तो आपका नाम डिफरेंट है, श्रुतिका, श्रुति तो बहुत नाम होते हैं, श्रुतिका नहीं सुना मैंने, तो गुड नेम है, अच्छा नाम है, ठीक है, तो हम इसको मैं याद रखूंगी, ठीक है। ऑटो, हाँ देखिए, यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि फूल्स जो है, फूल्स स्पेशली ये मैं सोचेगा कि वो महामूर्ख है, किसी मूर्ख को, पागल को, तो अपने अपने जो एम्पायर है उसके अंदर तो हम रखने वाले नहीं है, है ना, तो हम किसको रखेंगे यहाँ पर स्पेशली, भाई अपने स्टेट के अंदर किसको रखेंगे, कोई जो हमें एंटरटेन करता हो अपनी बातों से, इन सब चीज़ों से, तो फूल्स को यहाँ पर ये मैं सोचेगा कि वो बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे जो हमारे किंग हैं उनको क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, तो एंटरटेन करते हैं उनको वो अपने जोक्स के थ्रू, अपनी विटी बातों के थ्रू, तो उनको हम यहाँ पर बोलेंगे फूल्स, है ना, कभी सोचो कि हाँ किसी मूर्ख को रख रखा है, बस ये एक नाम दिया गया है इनको इस तरह से। देखिए शेक्सपियर फूल्स यहाँ पर कौन कौन है, सबसे पहले ऑटो लिकस की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो ऑटो लाइकस है ये विंटर स्टेल में आपको दिखाई देगा, द विंटर स्टेल, और यहाँ पर ये योकल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज सिटीजन, तो सिटीजन जो है स्पेशली ये कहाँ पर है, ये जूलियस सीजर के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लोटन कहाँ पर है, सिम्बलिन प्ले के अंदर है, ऐसे याद करना, ऐसे याद कर लो, बाकी कैसे याद होगा, बाकी जब हम प्ले को पढ़ते हैं तो वहां पर मैं आपको याद करा देती हूँ। इस बार का जो बैच आएगा, जब भी आएगा,
ठीक है, चाहे 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, वैसे तो इस सीरीज के खत्म होने के बाद आएगा, जब ये 45 डेज की आपकी सीरीज जो है, आज 11th डे है आप लोगों का, 45 डेज की सीरीज जब आपकी फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही मैं बैच लॉन्च करूंगी, तो उसमें आपको और भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ऐसे वे में कि आपकी सारी चीजें आपको समझ आए, मैंने इस तरह से ही आपकी प्रेजेंटेशन और आपका कोर्स रेडी किया है, ठीक है। बट अभी आप इस पे फोकस करेंगे, है ना। तो क्लॉटन ये कहाँ पर, सिम्बलिन में है, कॉस्टार्ड लव स्लेबर्स लॉस्ट में आपको देखने को मिलता है। देखिए तो यहाँ पर कॉस्टार्ड जो है ये लव लेबर लॉस्ट में है, डॉगबेरी कहाँ पर है, मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग यहाँ पर बहुत फेवरेट है ये प्ले किसका, लव लेबर लॉस्ट भी बहुत यहाँ पर आप देखेंगे इतने मैकबेथ से या फिर बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितना कि पूछा जाता है, कहाँ से, यहाँ से हर बार यहाँ से क्वेश्चन रख देते हैं, लव लेबर लॉस्ट, मच अडो अबाउट नथिंग। तो ये जो आपकी डार्क कॉमेडीज हैं तो इनको एक बार को क्या कर लेंगे आप, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे जब एग्जाम होगा आप लोगों का। और जो ये वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बनाई गई है, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले देखने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ओके। अपने प्लेलिस्ट, अपने मोबाइल में प्लेलिस्ट बना रखी है ना, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास कभी आपके लिए बहुत रहती है, आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो क्या आप उसके लिए प्लेलिस्ट बना के रखते हैं अपने अपने मोबाइल के अंदर, अपने यूट्यूब पर रखनी चाहिए, ताकि वो एग्जाम में आपको फिर भूल ना जाए, सर्च करेंगे तो हो सकता है मिस हो जाए, तो एक अपना फोल्डर बना के रखना चाहिए ऐसे। देखिए ड्रोमियो कहाँ पर है, यूफिसर जो ड्रोमियो, सॉरी ड्रोइंग का दो, ये दोनों कौन है, जुड़वा भाई है, यानी कि इनके नौकर भी जो होते हैं वो सेम, वो भी ट्विंस होते हैं, और जो स्पेशली जो इनके मालिक हैं वो भी क्या है, ट्विंस होते हैं, बट ये दोनों ही बिछड़ जाते हैं। तो ड्रोमियो ऑफ इफिसस जो कि इफिसस में रह जाता है, एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज, तो जो साइराक्यूज का ड्रोमियो है ये दोनों फूल है, एंटरटेन करने का काम करते हैं अपने अपने मालिक को, ठीक है, अपने अपने जो हेड हैं उनको। तो कॉमेडी, आप क्या मुझे नाम बता सकते हैं हेड का, अगर आपको याद हो कि इनके साथ में ये किसके साथ में रहते थे, एक बार बताएंगे। बस ये तो सेम ही रहेगा, इफिसस और साइराक्यूज, तो साइराक्यूज ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ए वगैरह से कंसिडर कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे बताएं। फालस्टफ, फालस्टफ कहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है फालस्टफ, तो फालस्टफ एलिजाबेथ को बहुत पसंद आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो प्ले लिखा जाएगा ना शेक्सपियर जी, आपको क्या करना है कि मुझे एक फालस्टफ के नाम के जो करेक्टर है, फनी करेक्टर नाम का, इस पे चाहिए एक प्ले, फिर इस पे प्ले भी वो लिखते हैं, ठीक है। जो फालस्टफ है, जॉन फालस्टफ, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिलता है, ये भी एज अ फूल काम करता है, और एक प्ले खुद ही, वो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्ले में खुद ही इन्होंने काम किया है, इनमें से भी बता सकते हैं, या फिर आप बताएं कौन सा है। नाम लिखा आपने, एंड हाँ एंटीफोलस, ओके ठीक है। तो यहाँ पर फीस्ट है कहाँ पर है, 12th नाइट में, जो फीस्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, 12th नाइट में आपको देखने को मिलता है। जो ग्रूमियो है, ये ग्रूमियो कहाँ पर है, द टेमिंग ऑफ द श्रू के अंदर है, टेमिंग ऑफ द श्रू, श्रू मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू को क्या करना, टेम करना, यानी कि पालतू बना लेना, ये थीम है यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रूमियो आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर फूल है जो कि लॉन्से टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लैंसलोट गोबो, जो गोबो है, लैंसलोट गोबो, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर आपको जो बेटा है वो देखने को मिलता है, कि ये यहाँ पर स्पेशली शाइलॉक जो है उसी का सर्वेंट था, बट लेकिन बाद में इसने पार्टी चेंज कर दी थी। लेवाचे, लेवाचे कहाँ पर है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज निक बॉटम, निक बॉटम इज द करेक्टर, फनी करेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। एंड नेक्स्ट वन इज पॉम्पी, पॉम्पी इज इन मेजर फॉर मेजर, ठीक है। तो जो पॉम्पी है वो मेजर फॉर मेजर के अंदर आपको देखने को मिलता है। पक इज वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर, ठीक है, जो किंग ओबरॉन है, स्पेशली उनके ही जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, मिस्टर पक। मिस्टर पक का काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना, वो कोई भी किसी का भी कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर वो करते भी हैं ट्रांसफॉर्मेशन, काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, कॉमेडी का पार्ट बन जाता है ये। अमित समर नाइट स्ट्रीम के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये बहुत ही पूछ लिया जाता है। स्पीड नाम का करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर जो विलन्स हैं यहाँ पर स्पेशली, जिनकी वजह से प्ले जो है वो एक टर्निंग पॉइंट पर आता है, एंड मेनली रोल होता है, मेनली होता है ना, आपके जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका एंटेगनिस्ट है, इनकी वजह से ही तो प्ले शानदार बनता है। तो हम एंटेगनिस्ट की बात करेंगे, मेजर जो स्पेशली विलन रोल में है उनकी बात करेंगे। एंटेगनिस्ट टर्म जो है
वैसे तो होती है कि जो हीरो के अगेंस्ट काम करे, मेनली डेफिनेशन इसकी ये है। एंटागनिस्ट मतलब कभी नहीं होगा कि आप विलन कह के बैठ जाएं, बट हो सकता है कि जो भी आपके हीरो के अगेंस्ट काम कर रहा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन वेज ऑफ विलन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ पक्का, दूसरा नाम रोबिन गुडफेलो। ओके मैम, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैसेज देकर स्माइल करके इग्नोर कर रही है मैम। अच्छा, मैं किसी और कमेंट को लेना नहीं चाह रही, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बोलने लगती हूँ तो मेरी आवाज़ आपको पता ना वैसे बैठने लगी है, तो मैं पूरी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मुझे बीच में छोड़नी पड़ेगी, तो मैं चाहती नहीं कि मैं छोड़ूँ। पीडीएफ आपको इसका देखिए पेड क्लास में मिलेगा, और वहीं है पीडीएफ। तो अगर आपको भी तो आप नोट बना लीजिए, या फिर बुक है आपकी तो उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही बार बार कि पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ आपका पेड क्लास में है, पेड में ही मिलेगा ये आप लोगों को, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसे वांट टू परचेज और नॉट। चलिए शेक्सपियर जो है उनके विलन को देख लेते हैं। इयागो बहुत ही फेमस, देखो इयागो का नाम सबसे पहले आया है, इयागो बहुत ज्यादा फेमस है फ्रॉम ओथेलो, ओथेलो से है, ठीक है। इन्होंने ही टारगेट किया डेस्डिमोना और ओथेलो के रिलेशनशिप को, ओथेलो से बदला लेने के लिए, जबकि ये बोलते हैं दो, यानी ये अपनी इस चीज को शो करते हैं ये असाइड है, ठीक है, स्पेशली। और इन्होंने आप लोगों को, ऑडियंस को ही बताया, जब जो जो क्लॉडियस, क्या नाम है उसका, काशियो, काशियो जो है और डेस्डिमोना जो पहली बार मिलते हैं, तो काशियो उसका हैंड पकड़ के हैंडशेक करता है एंड बहुत ही एक फ्रेंडली वेलकम उसका करता है ना, और इसके बाद से उनकी फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो जाती है। बट वो दोनों तरफ से फ्रेंडशिप ही थी, ऐसा नहीं था कि वो चीट कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट इयागो ने इस चीज को क्या बोला, आपसे बात करते हुए इयागो कहता है कि दो आई डू हेट हिम एज आई डू हेल्पिंग पेन्स, येट फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ की जो नेसेसिटी है वो क्या कहती है, आई मस्ट शो यू, आई मस्ट शो आउट अ फ्लैग एंड साइंस ऑफ लव विच इज इनडीड बट साइन। तो ये क्या है कि हाँ ठीक है, ये मेरा जो प्रेजेंट, मतलब कि हेट तो वो करते ही है, उसको हेट करता है, तो जो पेन है पेन भी इसी तरह का होगा, जैसा पेन मुझे मिला है ना ऐसे तुम्हें मिलने वाला है, तुमने मुझे लेफ्टिनेंट उससे हटा दिया, मतलब कि नहीं कंसीडर किया, एक आए हुए नए लड़के को कंसीडर कर लिया पहले, तो उसको ऊंची पोस्ट दे दी जिसपे मुझे होना चाहिए था, तो वो सेम पेन तुम्हें मिलने वाला है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर मिलने वाला है, प्रेजेंट टाइम यही कहता है। तो प्रेजेंट टाइम में वो क्या करता है कि इस चीज को, जो वो हैंडशेक हो रहा है, तो उस चीज को क्या है, वो यहाँ पर क्या करेगा, आई मस्ट शो, मैं ऐसे दिखाऊंगा इसको आउट ऑफ फ्लैग एंड साइन ऑफ लव, जबकि वो एक फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप को यहाँ पर चेंज करने वाला है, उसने आप लोगों से बता दिया है कि वो साइन ऑफ लव में क्रिएट करने वाला है, विच इज इंडीड बट साइन, है ना। वो क्या होगा, स्पेशली ही वो क्या होगा कि बस वो जो ओथेलो उसके मन में ये भर देगा कि देखिए इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो गलत चल रहा है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है और आपसे ज्यादा, मतलब कि क्योंकि जो ओथेलो है वो एक मोर है एंड वो ब्लैक है, जबकि काशियो बहुत ही हैंडसम वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो इस वजह से थोड़ी इनसिक्योरिटी ओथेलो को हो जाती है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सामने आती हैं। मैकबेथ जो कि एक ऑलरेडी वॉरियर है एंड बहुत ही अच्छा है, अपने किंग के लिए भी बहुत ऑनेस्ट है, उनका माइंड पूरी तरह से कन्वर्ट कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, एंड नेक्स्ट राजा बनने के लिए वो यहाँ पर पूरा जाल बिछा देती हैं, एंड वो बोलती हैं लुक लाइक दो, यानी कि वो कैसा दिखना चाहिए हमें, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, है ना। अब बाहर से कैसे दिखना, तुम्हें बाहर से कैसे दिखना है, जैसे कि तुम क्या हो, इनोसेंट फ्लावर हो, है ना, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सांप की तरह दस लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम्हें राजा बनना है तो। ओके, ये लेडी मैकबेथ है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड आपको देखने को मिलता है, फ्रॉम रिचर्ड थर्ड के अंदर ही हिस्टोरिकल प्ले है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, लेडी मैकबेथ इज वाज वाइफ ऑफ मैकबेथ, ठीक है। देखिए रिचर्ड थर्ड जो है यहाँ पर ये बोलता है कि एंड देयरफॉर सिंस आई कैन नॉट प्रूव अ लवर, है ना, टू एंटरटेन दीज फेयर वेल स्पोकन डेज आई एम डिटरमाइंड टू प्रूव अ विलन। वो खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि मैं डिटरमाइंड हूं अपने आप को प्रूव करने के लिए विलन, एंड हेट द आइडल प्लेजर ऑफ दीज डेज। तो ये रिचर्ड सेकंड का कमेंट है, रिचर्ड थर्ड का कमेंट है। ये हिस्टोरिकल प्ले भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं शेक्सपियर के, और बिल्कुल आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाए हुए हैं, तो एक बार उनको चेक कर लेना, हिस्ट्री प्लेज बाय बी इनक्रेडिबल, तो आपको मिल जाएंगे।
क्लॉडियस, क्लॉडियस है फ्रॉम हैमलेट से, तो हैमलेट में आप जानते हैं जो क्लॉडियस है, जो क्लॉडियस अंकल हैं, हैमलेट के अंकल हैं, उन्होंने हैमलेट की मदर से शादी कर ली है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्या किया है, क्रूलिटी से उनके फादर को मारा है, ऐसा घोस्ट का कहना है, ठीक है। तो क्लॉडियस जो है यहाँ पर स्पेशली आपको दिखाई देंगे एज अ विलन। Oh, my offense is rank. It is passed to heaven. It had the premier eldest curse upon our brother's murder. तो वो ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इस चीज को, एंड क्लॉडियस जो है आपने देखा है कि वैसे वो कुछ करता नहीं है, बट हैमलेट को बाद में जो उसको लगता है कि हैमलेट उनके सामने क्या हो सकता है, कि कांटा बन सकता है उनकी राह में, तो फिर क्लॉडियस क्या करता है, उनको मतलब कि स्पेशली हैमलेट को मरवाने के ऑर्डर दे देता है एंड घूमने के बहाने। एक है टैमोरा, टैमोरा बहुत ही, ये बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे ये स्टोरी लगी टाइटस एंड्रोनिकस, और इसमें मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि वो लड़की फिर अपनी उसकी जीभ भी काट देते हैं, हाथ मतलब ये करती है, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ट्रेजेडी ऐसी है ये। तो टाइटस एंड्रोनिकस, इसमें टैमोरा नाम की एक लेडी है, तो ये ध्यान रखेंगे, एंड मेक ये क्या है बेस्ट विलन आपके सामने आती है, देखने को मिलती है आपको, एंड मेक देम ये बोलती है, एंड मेक देम नो व्हाट इज, देखिए व्हाट इट इज टू लेट अ क्वीन नील द स्ट्रीट्स एंड बैग फॉर ग्रेस इन वेन। तो ये कॉमेंट आपको देखने को मिलती है, सबके सब मैं क्लियर, जो आपका पेड बैच है ये सब मैं ज्यादा जो डीप में जाऊंगी तो वो वहां पर मेरा काम है जाने का, यहाँ पर मुझे जो लेकिन ज्यादा मेजर है उसे मैं क्लियर क्लैरिफाई करती चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज अवॉइड करूंगी, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वो चीजें क्लैरिफाई करती चलूंगी जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जा रही है, जैसे कि ये कॉमेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये कमेंट है शाइलॉक ने कमेंट दिए, शाइलॉक कहाँ पर है, विलन है मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर, एंड बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि लालची भी है, साथ में ज्यू है, वो ज्यू मतलब ज्यूइश है स्पेशली, तो वो काफी ज्यादा लोगों से अपना ब्याज वगैरह लेता है, इंटरेस्ट काफी रेट काफी हाई है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज के बहाने बहुत सारी चीजें हड़प लेता है। इफ यू प्रिक अस, जब यहाँ पर क्या होता है कि बाकी जो उसका फ्रेंड है वो कॉमेंट करता है शाइलॉक पर कि क्या तुम सच में मैकबेथ को, सॉरी एंटोनी को, क्या आप सच में एंटोनियो जो है, तो एंटोनी है उसको स्पेशली क्या करने वाले हो, कि सच में तुम उसका जो वो है मास जो है 1 pound वो लेने वाले हो क्या, तो वो फिर वो बहुत गुस्से में कहता है, वो गुस्से में क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट उसकी जो डॉटर है वो उसकी हेल्प की वजह से, एंटोनी की हेल्प की वजह से वो भी घर से भाग गई है, तो इस वजह से वो एकदम से मूव करता है और कहता है कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें चुभाओगे या फिर कांटा वांटा चुभाओगे तो क्या हमें खून नहीं निकलने वाला है, मतलब ये डिक्लेयर कर देता कि हाँ मैं ऐसा करने वाला हूं, तो कहता है कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, कि तुम हमें गुदगुदी करोगे तो क्या मुझे हमें हंसी नहीं आएगी, डेफिनेटली कोई हमें गुदगुदी करेगा तो हंसी आएगी ही, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, क्या तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, कोई हमें जहर देने लगे तो क्या कोई मरेगा नहीं, बहुत गुस्से में बोल रहा है इस टाइम पे, एंड इफ यू रोंग अस शैल वी नॉट रिवेंज, अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या बदला नहीं लेना चाहिए, लेना होगा ना, तो बदला तो मैं लेकर रहने वाला हूं, यहां पर डिक्लेयर कर दिया है किसने, शाइलॉक ने। ओके, ये कॉमेंट है, ये पूछी जाती है आप लोगों से बहुत बार, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में एडमंड, एडमंड कहाँ से है, किंग लियर से देखने को आपको मिलता है, और एडमंड जो है स्पेशली ये नाजायज बेटा है, इलेगिटिमेट सन है यहाँ पर किसका, किंग ऑफ ग्लॉस्टर का, तो ये क्या कहता है कि नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स, तो अब गॉड भी जो है क्या करते हैं बास्टर्ड, क्योंकि जब भी कोई गलत काम करता है ना, जब उसका सपोर्ट शुरू में तो होता चलता है क्योंकि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो उस बंदे को लगता है कि वो ऑल पावरफुल है और गॉड भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, जैसे कि मैकबेथ को भी लगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में एट द एंड क्या होता है, जो बुरा होता है उसके साथ में कोई और अगर किसी को पता भी नहीं चल रहा है तो इंसान के साथ खुद ही बुरा हो जाता है, जैसे गॉनरेल के साथ भी हुआ और जो रीगन है उसके साथ में भी हुआ था, तो आप कभी भी ये ना समझे कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कुछ बाहर वाले को पता चलेगा या पुलिस को पता चलेगा तभी हमारे साथ दिक्कत होगी, जो हमारा दिमाग है ना वो आपकी धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है, आपका खुद को इतना गिल्ट महसूस करा देगा, एक टाइम पे जब आपके लेवल हाई हो जाएगा ना घूस लेने का, किसी को का गलत करने का, किसी के नाजायज फायदा उठाने का, तो एक दिन क्या होगा, आपका जो अंदर का मन होता है ना वो आपको ऐसे धिक्कारता है, ऐसी गिल्ट आपके अंदर ला देगा कि आप खुद को खत्म करने पर तुल जाएंगे और आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ईमानदारी से जब हम काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो हमारी हैप्पीनेस जो होती है वो बहुत अलग लेवल की होती है, तो गलत काम करने से पहले एक बार सोच लें, किसी के डर से गलत काम ना करें, मतलब ऐसा ना हो कि किसी का डर है, पुलिस का डर है, लॉज का डर है, समाज का डर है, इसलिए गलत काम नहीं कर रहे हो, नहीं, आपको खुद
ये करना है अपने अंदर, डिसाइड कर लेना है कि मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से करने वाला हूँ, ईमानदारी से, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस लॉस दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप देखना कि फिर अंदर की जो हैप्पीनेस होती है वो कितनी ज्यादा होती है। नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड, ये एडमंड बोलता है। दो और करेक्टर हैं जो कि एज अ आप कंसिडर करेंगे एज अ विलन यहाँ पर, गॉनरिल एंड रीगन। तो गॉनरिल और रीगन जो है वो किंग लियर में आपको देखने को मिलती हैं। वो बोलती हैं आउट वाइल्ड, मतलब दुष्ट होता है, वाइल्ड जेली है ना, तो ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के रूप में यूज हुआ है। गॉनरिल एंड रीगन भी आपको देखने को मिलती हैं इनके प्ले के अंदर। एक है टेबार्ट जो टाइबल्ट है, वैसे तो ये बीच में ही मारा जाता है लेकिन इसकी वजह से रोमियो को भी, हाँ बोथ आर अपोजिट हर फादर, फादर ही एक नंबर का बेवकूफ आदमी था तो अपोजिट क्या है, उनके जैसे ही तो थी। ये कह लीजिए कि कॉर्डिला जो थी वो क्या थी, वो डिफरेंट थी। अब वो भी तो क्या था कि यहाँ पर किस चीज में था कि जो भी बेटियां हैं मेरी सिर्फ वो मेरी तारीफ करें, ये कौन सी सेंस थी, नहीं थी ना। तो जब जैसे इंसान सोचेगा डिसीजन, हर चीज क्या है कि हमारे डिसीजन तो डिपेंड करती है, हम जैसा डिसीजन लेंगे हमारी लाइफ जो होती है आगे वैसी तो चलती है। अब जैसा किंग लियर ने डिसीजन लिया वैसे ही लाइफ आगे चली। इतने बड़े हो गए बच्चे, उसको यही नहीं पता चला कि उसके कौन सा बच्चा कैसा है। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके दो बच्चे हैं जो भी हैं, या घर के सारे बच्चे जो होते हैं, कि आपको नहीं पता होता कि घर में कौन व्यक्ति कैसा है। ये तो आउटसाइडर के लिए होता है ना कि तीन लोग अभी मिले, अभी एक महीना दो महीना एक साल ही हुए मिले हुए, आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा है। अपने घर के बच्चों का तो पता होता है, सामने पलते हैं तो क्या हुआ। इसीलिए डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेने चाहिए। टाइबल्ट फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट, टाइबल्ट कहाँ पर, रोमियो और जूलियट में देखने को मिलता है। टाइबल्ट वैसे तो यहाँ पर कजन है जूलियट का, बट फिर भी वो शादी करना चाहता है जूलियट से, इसी चक्कर में वो रोमियो से फाइट करता है। एंड बाद में रोमियो स्पीक, तो वो बोलती है कि जब भी मैं सोचती हूँ तो वो मैं बोलती हूँ, मतलब बोलूंगी बोलूंगी डेफिनेटली, क्योंकि वुमेन्स जो होती है वो ये डिक्लेयर कर रही है कि उनके माइंड में जो भी आता है वो अपने दिल में नहीं रख पाती हैं। चाहे उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा भी बताएंगी, उन्हें प्यार आ रहा है किसी पे तो उसको भी जाहिर करती हैं, वो हर चीज़ को यहाँ पर शो कर देती हैं अपने जितने भी इमोशंस होते हैं। बट जो जेंट्स होते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर रही है यहाँ पर कि वो क्या है, तुम जानते नहीं हो कि मैं वुमेन हूँ, एंड आई थिंक आई मस्ट स्पीक, जब मैं सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो गर्ल है, ठीक है, वुमेन है। वायला, वायला की अगर हम बात करें तो 12th नाइट में आपको देखने को मिलती है वायला नाम का करेक्टर जो है, स्पेशली, हाँ सही बात है, की हीरोइन हीरोइन हीरो है क्या, हाँ उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन ना लो। रोजालिन क्या है यहाँ पर, जो रोजालिन है इसमें एक्चुअली जो बी ट्राइसर्स का ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप देखेंगे अगर मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाया हुआ है वैसे मैंने आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पर जो रोजालिन है ये हमने पढ़ लिया। अब वायला की बात कर लेते हैं। ओ टाइम दो मस्ट ओ टाइम दो मस्ट अनटेगल दिस नॉट आई, इट इज टू हार्ड अ नॉट फॉर मी अनटाई, यानी कि वो कहती है अब ओ टाइम, यानी कि टाइम जब इस तरह से देखने को मिलता है ना आपको, तो ये क्या कर रही है यहाँ पर, टाइम को क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है, स्पेशली पर्सोनिफाइड कर दिया टाइम को एंड यहाँ पर एड्रेसिंग कर रही है। फिर टाइम के लिए वायला कहती है 12th नाइट के अंदर, दो मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई, जो समय है वही इस चीज को सुलझाएगा। मतलब मैंने कभी कभी होता ना चीजें इतनी उलझ जाती है, हमें लगता है कि कैसे इन चीजों को सही करें, बट हम अगर हम अपने एक्शंस पर ज्यादा कंसिडर करें, एक्शंस हमारे सही रहें, उस पर ज्यादा हम ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा उस चीज को चीखने चिल्लाने की बजाय हमें क्या है कि समय पर छोड़ देना चाहिए। तो कभी कभी समय जो होता है वो हर चीज ठीक कर देता है, वक्त सही कर देता है, अगर आप उस टाइम समझदारी से काम लेते हैं तो। तो वो यही यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है कि अनटेंगल करेगा नॉट आई, इट इज टू हार्ड अ नॉट फॉर मी अनटाई, है ना, तो मेरे लिए हार्ड है अनटाई करना इस चीज के लिए, तो फिर वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया है, ठीक है, ये कहाँ है, जूलियस सीजर में है। तो कैलिफोर्निया, स्पेशली कैलिफोर्निया जो है वो कहती है, ये बहुत फेमस कोटेशन है इसकी, When beggars die, जब जो भिखारी beggars होते हैं तो जब वो मरते हैं, there are no comet seen, कोई comet, कोई धूमकेतु वगैरह नहीं दिखाई देता है, but the heavens themselves blaze for the death of princes, but लेकिन heaven जो होती है वो especially क्या है कि जब princes जो राजकुमार होते हैं उनकी death होती है तो वो भी उन पे वहाँ पर mourn करने के लिए पहुँच जाती है। तो ये comment है कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया especially। Desdemona की अगर हम बात करते हैं, Desdemona है यहाँ पर Othello के अंदर, I understand a fury in your words but not the words,
तो ये यहाँ पर डेस्डिमोना है, वो यहाँ पर फ्यूरी यानी कि जो गुस्सा है, जो रेज है ओथेलो की आवाज में, उसको तो वो समझ पा रही है, बट उसके जो शब्द हैं वो डेस्डिमोना की समझ ही नहीं आ रहे कि ओथेलो आखिर क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों कह रहा है वो, क्योंकि डेस्डिमोना बिल्कुल अनअवेयर है कि जो ओथेलो है वो कितना जेलस फील कर रहा है डेस्डिमोना और क्या सोच रहा है डेस्डिमोना और काशियो को लेकर, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ही उसको पता नहीं है, तो वो इस तरह से बोलती है। यहाँ पर इसमें एक और करेक्टर मिलती है आपको, एमिलिया, हीरोइन तो नहीं कह सकते बट हीरोइक क्वालिटी है आपको देखने को मिलती है। एमिलिया कहाँ पर है? ओथेलो के अंदर है। Who said what? हाँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है वही बता रही हूँ ना, मैं तो हर चीज सबको बता तो रही हूँ कौन क्या कह रहा है। जो मैं कोटेशन पढ़ाई थी तो वहां भी आपको बताया था, क्रिटिकल कॉमेंट्स पढ़ाई थी तो वहां भी बताया था, तो ये भी तो मैं बताती रहती हूँ। एमिलिया बट आई देखिए एमिलिया जो एमिलिया है वो कहती है यहाँ पर, जब उसको पता चलता है कि ओथेलो मेड, एमिलिया जो करेक्टर है, जो सर्वेंट है, मेड है डेस्डिमोना की, जब उसको पता चलता है कि इयागो ने क्या क्या किया है, तब वो यहाँ पर बोलती है कि बट आई डोंट थिंक इट इज देयर हस्बैंड्स फॉल्ट इफ वाइफ्स डू फॉल, है ना। तो ये भाई स्पेशली जब हस्बैंड का फॉल्ट नहीं होता, कि जब ये वाइफ जो है ये आप कह सकते हैं कि फॉल करती हैं, यानी कि स्पेशली आप कह सकते हैं कि जब थोड़ा सा चीट वगैरह का मामला होता है, दो वी हैव सम ग्रेस येट हैव वी सम रिवेंज, है ना। तो मतलब ऐसा होता है कि भाई हाँ, जबकि हमारे पास जब ग्रेस भी है बट यहाँ पर येट हैव वी सम रिवेंज, देन लेट देम यूज अस वेल, ओके। तो मतलब उनको हमें अच्छे से यूज करने दो, एल्स लेट देम देम नो। ये कोटेशन वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, आज मैं पहली बार इसको देख रही हूँ, मैंने ऐसे ही इसको टाइप कर दिया था इसलिए मेरे को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। एल्स लेट देम नो, ये कब बोली गई होगी? दैट एल्स विल डू देयर इल्स इंस्ट्रक्टर्स टू, तो इल्स वगैरह अगर बताया है इसमें, ये मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कमेंट कहाँ बोली गई होगी, फिर भी मैं इसको चेक कर लूंगी, जब मैं चेक कर लूंगी तो मैं उसको बता दूंगी कि किस जगह ये इन्होंने इसने बोली है, ठीक है। ये वाली कमेंट मुझे ध्यान नहीं है, आपको ध्यान हो तो मुझे बता सकते हो कौन से सीन में इसने बोला है, बट फिर भी उसने यहाँ पर एज अ लेडी को डिफाइन किया है, ठीक है। हस्बैंड के बताया कि हस्बैंड का फॉल नहीं होता है, जैसे जरूरी नहीं कि उनकी वाइफ जो होती है जो करती हैं वो उनके उसमें हस्बैंड जो है उनके बिहेवियर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताई है बट ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर बोला है। कॉर्डेलिया किंग लियर के अंदर देखने को मिलती है, वेरी आप कह सकते हैं बहुत ही ऑनेस्ट है ये, सच बोलती है, इसने सच बोला सारे लोगों के सामने, किंग लियर को सच बताया कि वो, जब किंग लियर ने पूछा कि तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती हो, कॉर्डेलिया तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो बताती है कि जो पहले तो कुछ नहीं बोलती है लेकिन जब उसको फोर्स किया जाता है फिर वो कहती है कि मैं एज अ फादर आपको जितना मुझे प्यार करना चाहिए, एज अ डॉटर मुझे करना चाहिए उतना प्यार मैं आपको करती हूँ, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही को प्यार करती हूँ तो ये तो सच नहीं है ना, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो ये इन्होंने उसने बोला, एंड येट नॉट सो सिंस आई एम श्योर माई लव्स मोर पॉन्ड्रस देन माई टंग, है ना। तो भाई जितना मैं शायद व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ तो उससे ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ, बट एज अ फादर जितना आपको मिलना चाहिए मेरा प्यार उतना ही मेरा प्यार है। बाकी रीगन और गोंड्रेल जो होती हैं वो यहाँ पर हाइपरबोली में चली जाती है कि आप ही हो सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल लिंक क्या है? जो भी है टेलीग्राम पे मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, ज़्यादातर वो ऐसे ही रहता है। मेरा काम है एप्लीकेशन पर शेयर करना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, फ्री पीडीएफ्स वहीं पर होते हैं, बट ये पीडीएफ नहीं है वहाँ पर, फ्री में पेड में मिलेगा। बट हेयर इट इज प्रिपेयर टू सी द लाइफ एज लिवली मॉक्ड, यानी कि लाइवली मॉक्ड एज एवर स्टिल, गला बैठने लगा मेरा अभी तो बहुत लंबी स्लाइड है, कैसे होगा। Mocked as ever still, sleep mock death. Behold and say, this is well, यानी कि it is well, I like your silence. It is the more shows of our wonder. पोलिना की वैसे ये कमेंट जो है इतनी ज्यादा फेमस तो है नहीं, बट फिर भी द विंटर स्टेल का करेक्टर ध्यान रखना है आपको पोलिना का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फीमेल करेक्टर्स को देख लेते हैं जिसमें हीरोइन भी इंक्लूडेड हैं, या फिर इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को आप ले सकते हैं कि इनको हम एक बार से चेक कर लेते हैं। हाँ, विंटर्स टेल हीरोइन यहाँ पर पोलिना पर्डिता, ठीक है। देखिए यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं हम, फीमेल करेक्टर्स जो हैं ये एक बार को ध्यान रखना, क्वेश्चन उस लोगों से पूछ लिया जाता है। तो जो एड्रीना है ये कहाँ पर है? कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर है। जो बीट्राइस है ये कहाँ पर है? मच अडो अबाउट नथिंग में है।
और जो बियानका है, बियानका टेमिंग ऑफ द श्रू में देखने को मिलती है, कैफीन भी टेमिंग ऑफ द श्रू में ही है, उसकी बड़ी सिस्टर है। सीलिया एज यू लाइक इट में, और सीलिया के साथ में यहाँ पर एज यू लाइक इट में रोसलिंड को भी ले लीजिए, क्लोपेट्रा इन एंटोनियन क्लोपेट्रा, कॉर्डिलिया इन किंग लियर, क्रेसिडा किटोलिस एंड क्रेसिडा के अंदर ये तो नेम में मेंशन है, डेस्डिमोना इन ओथेलो, एमिलिया यहाँ पर ओथेलो, गर्टरूड इन हैमलेट, कॉनरेड इन किंग लियर। नेक्स्ट हर्मिया मिडसमर नाइट ड्रीम, ये जो पीडीएफ है ना इसको बार बार रिवाइज कर लेना जो भी पेड बैच में है। आज मैं ये दोबारा से रीलोड कर दूं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ मैंने न्यू ऐड की है, तो इसको थोड़ा सा समझो के रख लेना, ठीक है, और एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है। हर्मिया इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, हेलेना इन मिडसमर नाइट ड्रीम, हेलेना ठीक है, अगेन यहाँ पर हेलेना भी आपको ऑल वेल डेट एंड्स वेल में भी देखने को मिलती है। हीरो, हीरो भी हीरो नाम से ऐसे मत जाना कि बॉय है, ये भी गर्ल है यहाँ पर। इन मच अडो अबाउट नथिंग, जो हरमाइनी है इन द विंटर्स टेल, हिप्लोटा इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, इमोजन कहाँ पर है इन सिम्बलिन में है, इजाबेल इन जो इजाबेला है कि कहाँ है इन मेजर्स फॉर मेजर, जूलिया जो जूलिया है इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जूलियट है, जूलियट को तो आप अच्छे से जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट, कैथरीन को ध्यान रखना, कैथरीन का कैरेक्टर पूछ लिया जाता है टेमिंग ऑफ द श्रू में, लेडी मैकबेथ को तो कौन नहीं जानता है मैडम, लेविना एंड्रोनिकस टाइटस एंड्रोनिकस में है, मिरिंडा कहाँ पर है, जो मिरिंडा टेम्पेस्ट में देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, काफी क्वेश्चन प्रोस्पेरियो और मिरिंडा से आ जाते हैं। मार्गरेट ऑफ ऑनजू इन हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट पार्ट टू पार्ट थ्री एंड रिचर्ड थर्ड, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर मतलब कि आपको देखने को मिलेगी बार बार यहाँ पर। ओलिविया वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, जो ओलिविया है ये पूछ ली जाती है इन ट्वेल्थ नाइट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑफिलिया से क्वेश्चन आता है, हेमलेट के अंदर है ये चीज, मतलब ये लड़की है हेमलेट की गर्लफ्रेंड है। एंड पोर्शिया, जो पोर्शिया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर है, द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस इन लव्स लेबर लॉस्ट, ठीक है, जो प्रिंसेस है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है, ये लेबर कहाँ पर मिलती है, लव्स लेबर लॉस्ट में देखने को मिलती है, और भी लोग हैं इसकी जो बहुत सारी वो हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है आपको। पॉलिना अगेन यहाँ पर द विंटर्स टेल में भी मिल रही है आपको देखने के लिए, पर्डिता यहाँ पर द विंटर्स टेल, ठीक है, पॉलिना एंड पर्डिता, रिगेन, रिगन जो है हम जानते हैं किंग लियर में है, गॉनरेल भी इसकी सिस्टर, शायद नाम नहीं आया बट फिर भी ध्यान रखेंगे, गॉनरेल है, कॉर्डिला है, सब किंग लियर में है। रोजालिन कहाँ पर है, एज यू लाइक इट में पहले हमने बात की थी, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, जो रोजालिन भी देखने को मिलती है ओनली रेफर्स इन रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली रेफरेंस्ड रोजालिन का जो रेफरेंस है, रेफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। टैमोरा यानी कि रेफरेंस ही है कि जिसकी रिसर्च में वो जाता है फिर बाद में जूलियट के पैर में पड़ जाता है। टैमोरा इन टाइटस एंड्रोनिकस, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। थ्री विचेस मैकबेथ में देखने को मिलती है बट हिकेट का नाम शायद यहाँ नहीं आया, हिकेट को भी ध्यान रख लेंगे, ये कौन थी, इनकी रानी थी, पर कहेंगे कि क्वीन थी थ्री विचेस की। टाइटेनिया इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, वायला कहाँ पर है इन ट्वेल्थ नाइट, एंड वायलो का करेक्टर इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखेंगे, टाइटेनिया भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमिया, वॉल्यूमिया कहाँ पर है, ये कैरोलिनियस में है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अब देखेंगे जो सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे। फोर्थ विच लेडी मैकबेथ, ठीक है भाई कैसे करें हम, पढ़ा था ग्रेड में कभी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसको देखेंगे कि ये क्या कहता है कि कौन कौन सा प्ले किसके सीक्वेंस में आया। तो पहले इनके हिस्टोरिकल प्लेस देखेंगे, ये पीडीएफ में डेट आप आराम से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही डिक्लेयर कर देती हूँ किसी भी डेट में जो है यहाँ पर आप बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं जा सकते, ये सब परफॉर्मेंस के आधार पर है, जो ये डेट लिखी हुई है ये सब परफॉर्मिंग डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अंदाजा मतलब हमने नहीं, जो भी क्रिटिक्स थे या जो भी एनालाइज करने वाले थे उन्होंने यहाँ पर एंथोलॉजिस्ट वगैरह, तो उन्होंने एनालाइज किया है कि ये इसके बीच में लिखा गया होगा और फिर परफॉर्म किया गया होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी डेट हो एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इनको देखेंगे, लेकिन हमें ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्ली प्ले कौन से थे इनके, मिड प्ले कौन से थे, ठीक है, लास्ट स्टेज पर कौन से थे, अर्ली कॉमेडीज कौन सी हैं, तो इस वजह से हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी इट, है ना। ओके थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड माई स्किल्स। चलिए देखें तो फिर यहाँ पर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सीक्वेंस देख लीजिए, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट आया
हेनरी, फिर यहाँ पर सिक्स आता, नहीं सॉरी हेनरी सिक्स है ये, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड, यानी कि पहले हेनरी फोर्थ से पहले हेनरी सिक्स आपको देखने को मिलता है, ओके 1589 टू 1590, एंड हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड सीक्वेंस में है, तो कहाँ से कहाँ तक 1589 से 1591 के बीच में ये परफॉर्मेंस देखने को उनकी मिलती है। रिचर्ड थर्ड 1592 से लेकर 1593 क्या हुआ, एक सेकेंड भी ठीक चल रहा है ना, शायद ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बताना सही चल रहा है क्या, क्या हुआ, सही है ना, सही चल रहा है, ये यहाँ नहीं दिख रहा मुझे, बट ये यहाँ मोबाइल में तो सही चल रहा है, ठीक है भाई चलिए सही है सही है, पता नहीं यहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है मुझे नहीं पता। रिचर्ड थर्ड आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आता है रिचर्ड थर्ड, फिर इसके बाद द कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिलता है आपको, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1592 से 1593 के बीच में, एंड टाइटस एंड्रोनिकस 1593 से 1594, यानी कि 1593 ये सब चल रहा है, देख लीजिए टाइटन एंड्रोनिकस फर्स्ट ट्रेजेडी कही जाती है इनकी, द टेमिंग ऑफ द शू 1593, तो देख लीजिए टाइटन टाइटस एंड्रोनिकस द टेमिंग ऑफ द शू, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1594 से 1595, लव द टू जेंटल, ये तो हो चुका, द लव स्लेवर लॉस्ट, ये क्या है, ये अर्ली प्ले है, इनके ध्यान रखना, मैं वैसे बताने वाली हूँ वो भी टेंशन ना लो आप लोग, 1594-1595 रोमियो एंड जूलियट। इसके बाद आते हैं इनके रिचर्ड सेकंड, ये हिस्टोरिकल प्ले लिखते हैं, इसके बाद मिडसमर नाइट ड्रीम कॉमेडी है ये इनकी 1595-1596 में आई, किंग जॉन 1596 से 1597 के बीच में कहीं, और कहीं आपको सर सी लिखा हुआ मिल जाए और फिर कोई डेट दी हुई हो, दैट मीन्स होता है सर का, सर का, ओके सर का मीन्स कि उसके लगभग, है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेट है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, इसके बाद फिर हिस्टोरिकल प्ले आते हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, मच अडो अबाउट नथिंग, हेनरी फिफ्थ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड हैमलेट, ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी ठीक है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर के बाद में आता है आफ्टर दैट ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इनको तो भूल ही मत जाना, चाह कर भी नहीं, सपने में मत भूल जाना कि कब आई थी कैसे आई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए ओथेलो 1604 से 1605 के इन बिटवीन, किंग लियर 1605 टू 1606 एंड मैकबेथ 1605 टू 1606 में ये परफॉर्मेंस हुई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट इसके बीच में ही होगा। एंटोनी एंड क्लोपैट्रा 1606 से 1607, और इस टाइम तक जैकोबियन एज चल चुकी है, ठीक है, जैकोबियन एज चल रही है, जैकोबियन एज मतलब कि जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड, कार्यकाल, ठीक है। एंटोनी एंड क्लोपैट्रा 1606, कैरोलिनियस, टिमोन्स ऑफ एथेंस, ठीक है, टिमोन्स ऑफ एथेंस आता है 1608, अभी तो और चलेगा। पैरिक्लीज जो कि इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो के अंदर, द प्रिंस ऑफ टायरे, ये नहीं इंक्लूड नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो में। इसके बाद आता है सिम्बलिन आता है, द विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट है, हेनरी एट है, द टू नोबल किंग्समैन, ठीक है, ये कब आता है 1612 में और 1613 में। 1613 में जो सर हैं वो रिटायर ले लेते हैं, हेनरी एट के टाइम पीरियड पर ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, एंड फिर वो चले जाते हैं वापस से स्ट्रेटफोर्ड में, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन आता है यहां से, शेक्सपियर ने कितना लिख डाले हैं, पगला कहीं का, हाय वैसे करें पगला कहीं का, पागल आदमी तो ऐसा काम कर सकता है, ठीक है, जब तक हम अपने काम को लेकर पागल नहीं होते ना, तब तक कुछ ऊंचे दर्जे का काम होता ही नहीं है, ये होता है, बिल्कुल पागल होना पड़ता है अगर आपको कोई चीज पे ना कि ऐसा वर्क करना है जिसने किया ही ना हो, और आगे तक का सोच लें कि जिंदगी में कोई करके तो दिखाए ऐसा, वो होती है मैडनेस, अपने काम को लेकर बिल्कुल पागल हो जाना, ठीक है। जिस टाइम आप पागल हो गए ना, समझ लो अब कुछ पागल कैसे हो गए, जबको पता है कि खुद पागल है, जैसे पागल, एक तो पागल वो होता है कि जिसको खुद ही नहीं पता होता कि वो पागल है, एक पागल को ये पता होता है कि यार हमारा दिमाग चल चुका है, इसके अलावा हमें कुछ और सोचता नहीं है, अब तो बस ये है तो ये है और कुछ भी नहीं है, तो आपके पता है कि ये प्ले लिखने ही है, सबसे बेटर करना है, तो अब बेटर होगा, अब पागलपन छाएगा और अब हम धूम मचाएंगे, ठीक है। तो आप भी पागल हो जाइए,
ऐसी स्टडी करिए जैसे कभी की ना हो, इस तरह से धमाकेदार। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फोर फेजेस में हम इनको देखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर लेना हो, ठीक है। मैं साइड में हो जाती हूँ और फिर मैं पढ़ाती हूँ। ओके जी कालिदास, ठीक है चलो पढ़े। भाई मुझे कोई पानी पिला दो, आज मैं वाटर बॉटल लाना भूल गई, पानी पीने का मन कर रहा है, अभी पीऊंगी। पहले ये पढ़ा के, फेज पढ़ा के फिर पानी पीते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फेज वन है यहाँ पर, फ्रॉम द लेट 1580 टू 1594। सबसे पहले हम बात करेंगे, फेज वन में आता है, यानी कि अर्ली इनके सारे प्ले हैं ये, इनको ध्यान रखेंगे। देखो मैं बताती हूँ, शेक्सपियर एक्सपेरिमेंटेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमेडी इन लव लेबर लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कॉमेडी प्ले है, आपसे पूछा जाए अर्ली कॉमेडीज, तो अभी आपको क्या पता है अर्ली कॉमेडीज कौन सी है, लव लेबर लॉस्ट, याद करो मेरे साथ में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड टेमिंग ऑफ द श्रू। तो याद करने हैं फोर, ये जो कॉमेडीज हैं ये अर्ली कॉमेडीज में आती हैं, लव लेबर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है। देखो आगे, ही बिगेन टू एक्सप्लोर इंग्लिश हिस्ट्री इन हिज फर्स्ट टेट्रालॉजी। तो इनकी फर्स्ट टेट्रालॉजी आई कौन सी, जो इनके हिस्टोरिकल प्ले, मतलब इनके जो प्ले हैं इसको हम टेट्रालॉजी बोलते हैं, इनकी फर्स्ट टेट्रालॉजी कब आती है, तो देखिए इसी में टाइम पीरियड में आई है। तो ये क्या है, इनके सीक्वेंस देख लीजिए, पहली टेट्रालॉजी आपसे पूछी जाए तो देखिए यहाँ पर कंप्राइजिंग हेनरी, क्या क्या है पहली टेट्रालॉजी में, टेट्रा मतलब होता है फोर, याद है ना अब, तो फोर यहाँ पर वर्क देखेंगे जो इंक्लूडेड है, हेनरी सिक्स, ठीक है, इन थर्ड पार्ट एंड रिचर्ड थर्ड, यहाँ पर तो तीन खत्म हो गया। अब आप सोचोगे मैं तो दो ही हैं, ध्यान से देखो लिखा हुआ है, कहाँ खो गए हम, देखिए हेनरी सिक्स, जो हेनरी सिक्स आया उसके शुरू के थ्री जो पार्ट्स हैं वो देखे ना आपने, यहाँ पर देखो, तो देखो ये क्या है, पहली टेट्रालॉजी है, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टेट्रालॉजी, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि कौन कौन सी है, हेनरी सिक्स, ठीक है, इसके तीनों पार्ट और प्लस रिचर्ड थर्ड, याद रहेगा, भूलना नहीं है। पहली टेट्रोलॉजी हिस्टोरिकल प्लेस में आए हैं इनके, कौन से हैं, हेनरी के सिक्स के तीनों पार्ट एंड यहाँ पर आपके रिचर्ड थर्ड, ठीक है भाई। टेक्स्ट क्लियर नहीं है, क्लियर तो है, एक बार मैं ऑटो वगैरह करके देख लेती हूँ अगर ऐसा है तो, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा ज्यादा है ना तो मैंने इसलिए बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ है, मतलब जैसे ये ज्यादा है हम इनको लिखूंगी तो बहुत सारे स्लाइड्स बन जाएंगे। इसके बाद द कॉमेडी ऑफ एरर्स वगैरह जो है, ये कॉमेडी, टाइटस एंड्रोनिकस यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी है। इसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव लेबर लॉस्ट, ये सब है ना, तो ये इनके अर्ली उसमें आ जाते हैं कॉमेडीज में से, ठीक है भाई। दूसरा फेज देख लेते हैं, अब फेज सेकंड शुरू होता है, इसमें क्या है, 1594 से 1599 के बीच में दूसरा फेज आता है, थोड़ा सा इनकी राइटिंग में आपको चेंज देखने को मिलता है, इनका थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको राइटिंग में चेंज देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, होता है ना जब हम काम करते, जैसे मैं पहले दो साल पहले काम करती थी जिस तरीके से, यहाँ पर आज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है उस चीज में, मैंने अपने आप को ग्रो किया है, हर चीजों को बेटर करने की आपकी तरीके से कोशिश की है कि कैसे अच्छे से समझा पाऊं, तो ऐसे यहाँ पर भी सर ने भी चेंज किया है, ठीक है। अब फेज सेकंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर अलग तरह से वर्क लिख रहे हैं, शेक्सपियर कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट, अब इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया यहाँ पर कॉमेडीज और हिस्ट्री पे, स्पेशली द कॉमेडीज ऑफ दिस पीरियड, इस पे यहाँ पर अभी भी कॉमेडीज पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो आगे जाके हिट करते हैं फिर वो थर्ड फेज के अंदर जो आपकी ट्रेजेडीज हैं, बट यहाँ पर देखिए कॉमेडीज और हिस्ट्री पर ही फोकस कर रहे हैं एंड द कॉमेडीज ऑफ, लेकिन अब बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छी कॉमेडीज लिखी है इन्होंने। अब मिडसमर नाइट ड्रीम, अब पढ़ते ना मिडसमर नाइट ड्रीम को, कितनी हंसी आती है, कितना मजा आता है ना जब लोग सारे के सारे खो जाते हैं वहां पर पक्के कारनामे देख के, बहुत मजा आता है उस चीज को पढ़ने में। तो मिडसमर नाइट ड्रीम सेकेंड फेज में आएगा यहाँ पर, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट, क्या ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं इनके बाकी प्लेज को, जो पहले लिखे और जो अब लिखे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट, पूरे वर्ल्ड में हिट है इनके ये वर्क,
तो आप देखिए कि कितना मेजर चेंज देखने को मिलता है. तो ये ध्यान रखना, मैंने रेड भी किए हुए हैं इसी वजह से. अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइट्स ऑफ विंडसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, एंड मच अडो अबाउट नथिंग. ठीक है, कौन सा है मच अडो अबाउट नथिंग? आर मेनली इज द बेस्ट लव रोमांटिक वेन, और स्पेशली रोमांटिक एक जेस्ट रखते हैं यहाँ पर. इसमें रोमांस मोस्ट ऑफ दिखाई देगा आप लोगों को. विच ही फुलर कमांड ऑफ हिस्ट्रीज अपीयर्स इन द सेकेंड टेट्रोलॉजी. अब सेकेंड टेट्रोलॉजी आती है इनकी. फर्स्ट टेट्रोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस मैंने आपको बता दी. सेकेंड टेट्रोलॉजी रिचर्ड सेकेंड. ठीक है, सेकेंड टेट्रोलॉजी में कौन आता है? रिचर्ड सेकेंड आते हैं, एंड हेनरी फोर्थ के पार्ट टू आते हैं, और हेनरी फिफ्थ. ठीक है, हेनरी फिफ्थ. ओके, हेनरी फोर्थ के जो दो पार्ट्स हैं वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं, और जो रिचर्ड सेकेंड है ये इनकी सेकेंड टेट्रोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा. तो सेकेंड टेट्रोलॉजी भी आपको भूलनी नहीं है इनके हिस्टोरिकल प्लेस की, और आई थिंक ये टेट्रोलॉजी की वजह से इनके प्ले भी आपको याद रखने आसान हो जाएंगे. तो यहाँ पर कितने 8 प्लेस हो चुके हैं हमारे पास में जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं. ठीक है, दिस इज सेकेंड पीरियड ऑल्सो इंक्लूड्स द हिस्टोरिकल किंग जॉन. और इसी सेकेंड पीरियड में आपको इसके बाद इन्होंने एक ब्रेक के बाद यहाँ पर किंग जॉन आपको देखने को मिलता है, और रोमियो एंड जूलियट भी इसी फेज के अंदर आपको देखने को मिलता है. किंग जॉन क्या है? किंग जॉन है, और एक सेंटिमेंटल ट्रेजेडी आती है रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ना होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन में जहाँ ये प्ले इंक्लूड ना होगा लिटरेचर में, और उसको परफॉर्म ना करते होंगे स्टूडेंट्स. इतनी ज़्यादा ये फेमस है, बहुत ही रोमांटिक भी है, एक लव को दिखाती है. ठीक है, और साथ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और जब वो फैमिली के अगेंस्ट में जाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब है. तो रोमियो एंड जूलियट क्या आप देख सकते हैं कि इस पीरियड में उन्होंने अपने बेस्ट यहाँ पर वर्क देना शुरू कर दिया. ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट है, एंड फिर रोमियो एंड जूलियट. कौन नहीं जानता इनके बारे में? हर कोई जानता है कि विलियम शेक्सपियर को इन्हीं कामों की वजह से. फेज थ्री की बात करेंगे. फेज थ्री के अंदर कौन कौन से वर्क आपको देखने को मिलते हैं, और क्या स्पेशलिटी देखने को मिलता है? कॉमेडीज ऑन थीम्स ऑफ लॉस एंड रिकंसिलेशन. यहाँ पर स्पेशली जो पैरिक्लीज है, थीम क्या है यहाँ पर? लॉस है, और रिकंसिलेट किया गया है किसको? किसके अंदर? जो पैरिक्लीज है, सिम्बलिन है, और द विंटर स्टेल एंड द टेम्पेस्ट आर नोन एज हिज लेट रोमेंसेस. तो ये क्या जाने जाते हैं? लेट रोमेंसेस के नाम से जाने जाते हैं. कौन कौन से प्ले हैं यहाँ पर देख लीजिए, जिनकी थीम क्या है? लॉस एंड रिकंसिलेशन है. पैरिक्लीज, सिम्बलिन, विंटर स्टेल एंड द टेम्पेस्ट. ठीक है, दीज आर नोन एज लेट रोमेंसेस. चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. शेक्सपियर सीम्स टू हैव इंटरप्टेड हिज रिटायरमेंट. हमने देखा कि 1613 में वो क्या है कि दिख रहे हैं यहाँ पर रिटायरमेंट की तरफ जाते हुए. इस टाइम पर ये कोलेबरेट करते हैं जॉन फ्लेचर के साथ में. ठीक है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हेनरी एट में और द टू नोबल किंग्समैन में. हेनरी एट में, ध्यान रखो, हेनरी एट में और द टू नोबल किंग्समैन में एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट इन्होंने किसके साथ कोलेबरेट किया है? जो यहाँ पर जॉन फ्लेचर हैं उनके साथ में कोलेबरेट किया है. जॉन फ्लेचर का नाम आपको याद आया होगा, जब मैं कभी बेन जॉनसन के फोर ह्यूमर्स पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं जॉन फ्लेचर का नाम लेती हूँ. तो आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पर भी जॉन फ्लेचर ही हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हेनरी एट में और द टू नोबल किंग्समैन में. मोस्ट ऑफ द फिक्शनल स्टोरीज इन शेक्सपियर प्लेज वर एडेप्टेड फ्रॉम अर्लियर प्लेज एंड रोमेंसेज एंड हिस्टोरिकल प्लूटार्क बायोग्राफीज रोमन स्टेट्समैन एंड हॉलिनशेड. इन्होंने बताया है कि जितने भी इनके ज्यादातर हिस्टोरिकल ड्रामास वगैरह हैं वो कहाँ से कंसिडर किए गए हैं, वो देखिए यहाँ से. प्लूटार्क जो बायोग्राफी है, आपसे पूछ लिया जाता है ना कि भाई कहाँ से सोर्स क्या है रहता है इनके प्ले वगैरह का, तो सोर्स मेनली आप हिस्टोरिकल प्लेस का देखेंगे. जो प्लूटार्क जो थे तो उनकी जो बायोग्राफी है उनसे वहां पर देखने को मिलता है, और हॉलिनशेड ने जो क्रॉनिकल्स दिए हैं, ठीक है, हॉलिनशेड ने जो हिस्ट्री लिखी है इंग्लैंड की, तो वहाँ के जो क्रॉनिकल्स दिए गए हैं तो वहाँ से इन्होंने अडेप्ट किया है चीज़ों को, वहाँ से उठा के चीज़ें, यानी कि वहाँ से आप कह सकते हैं सोर्स है, और फिर इन्होंने अपने प्लेस लिखे हैं. दैट्स इट. ठीक है, क्रॉनिकल्स, द क्रॉनिकल्स 1577 के लिए गए हैं. नेक्स्ट अब देखेंगे हम क्रिटिकल कॉमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिटिकल. हाँ, पानी पी लीजिए, बोल रहे हैं. हाँ सही कह रहे हो, पानी पी लेना चाहिए मुझे, क्योंकि फिर गला बैठ जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी. अच्छा वेट करो 2 मिनट, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ. ठीक है, हेलो, आवाज तो आई ही नहीं.
हेलो। ओके, आई एम बैक नाउ। चलिए, मैडम आ गई। ओहो, चलिए। हाँ, ये सब मैंने वैसे कराया हुआ है। जब भी मैं कोई प्ले पढ़ाती हूँ तो वहां भी बताती हूँ कि कहाँ से सोर्स है, कैसे है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस में मैंने बताया, और वो स्लाइड जितनी भी अब तक पास हुई हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज उनको रिवाइज करना बार बार जब तक एग्जाम नहीं आता है। अभी क्रिटिकल कमेंट्स को ले लेते हैं एक बार, इनको रिवाइज करेंगे तेजी से। बहुत ज्यादा समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर ही अवेलेबल है क्रिटिकल कॉमेंट्स के ऊपर वीडियो पूरा का पूरा, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है। ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को एज अ रिविजन ले और हम फटाफट चलेंगे। अगर आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। बाद में तो मैं इस पे, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं इस पे एक लिंक लगा दूंगी, आई बटन पर शो हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को। बट अभी क्या करना है आप लोगों को, अगर आपको क्यूरियोसिटी होगी तो वहां जाके देखना, मैं इसको फटाफट से पढ़ाते हुए चलूंगी। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। बस मेरी मेहनत को कामयाब करना आप लोगों का काम है, पढ़ाना मेरा काम है, पर मेहनत तो देखो आप लोगों को करनी है। नाम मेरा आप ही रोशन करोगे। ठीक है, मैं तो अपने एंड से जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रही हूँ, बस आप लोग अगर मेहनत कर दो ना, अपना 100% दे दो, तो बस फिर तो बात ही क्या हो जाएगी। अलेक्जेंडर पोप, सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप को देखेंगे, क्या कहा है उन्होंने। इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी, इट वॉज शेक्सपियर। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कॉमेंट है ना। हम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बहुत सारी चीजें क्या हैं, कि उन्होंने क्या की हुई है, यहाँ पर इमिटेट की हुई है। ठीक है, इमिटेट यानी कि नकल की हुई है, थोड़ी थोड़ी आप पढ़ते चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर पोप ने जब वर्क को एनालाइज किया तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वॉज शेक्सपियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉमेंट। नेक्स्ट कॉमेंट वॉज गिवन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रिटन इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी। जॉन ड्राइडन एक ऐसे लिखते हैं ड्रामेटिक ऑफ पोएजी। ठीक है, तो ड्रामेटिक ऑफ पोएजी के अंदर उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक कमेंट किया है, यानी कि पोएजी यानी कि पोएट्री। पोएट्री पर क्या कर रहे हैं वो, कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, ही वॉज द मैन, यानी कि अगर हम शेक्सपियर से शुरुआत करें बात करने की, तो ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स एंड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। आई एडमायर हिम, मैं एडमायर करता हूँ बेन जॉनसन को, क्योंकि बेन जॉनसन भी बहुत ही डोमिनेंट पोएट थे उस टाइम के, आप कह सकते हैं ड्रामेटिस्ट वगैरह भी। बट आई लव शेक्सपियर। तो ये कमेंट है किसका, जॉन ड्राइडन का, अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो एंशियंट पोएट्स में भी और एट द प्रेजेंट पोएट में मॉडर्न पोएट्स हैं, उन सब में वो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर को। लेट जो नेक्स्ट कॉमेंट है वॉज गिवन बाय डब्ल्यू जे लॉन्ग। कमेंट इज इन अ वर्ड, अगर सिर्फ एक शब्द में हम बोले, ही इज द यूनिवर्सल पोएट। वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल पोएट है। तो द कमेंट वॉज गिवन बाय डब्ल्यू जे लॉन्ग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी हैव राल्फ वाल्डो इमर्सन हेयर। तो हमारे पास यहाँ पर है राल्फ वाल्डो इमर्सन, जो कि कमेंट कर रहे हैं। कमेंट क्या किया है, ही ब्रेथ अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। यानी कि वो यहाँ पर ऐसा लगता है डेड बॉडीज के ऊपर सांस लेते हुए कि उनमें भी जान फूकने का दम रखते हैं। टी एस एलियट का कमेंट है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर। हम क्या है कि यहाँ पर वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज, मतलब शेक्सपियर के बारे में क्या कह सकते हैं, दैट नेवर हैज द मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। तो इतनी लिटिल नॉलेज उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि टी एस एलियट ने भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, देखिए हम उनके बारे में कुछ भी एजुकेशन के बारे में पता लगाते हैं, कुछ भी हमें कुछ भी नहीं पता चलता है शेक्सपियर के बारे में, बट फिर भी उन्होंने अपनी इस लिटिल नॉलेज को किस तरह से एक ग्रेट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, जो आज भी हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। टी एस एलियट कहाँ के हैं, मॉडर्न एरा में आ चुके हैं आप लोग। ठीक है, मॉडर्न एरा का राइटर ये बोल रहा है 16th century के बारे में। ठीक है, एलिजाबेथन एज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम तक भी सबका इंटरेस्ट है शेक्सपियर को पढ़ने में। और स्टिल आप देखिए कि वी आर स्टडिंग अबाउट शेक्सपियर, हम शेक्सपियर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑर्सन वेल्स।
ऑर्सन वेल्स ने क्या कहा है, नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। तो रिकॉग्निशन करने के लिए कोटेशंस पे कोटेशंस आप देखते हैं, हर बात में कहावत, हर बात में कहावत, हर बात में इस तरह से उदाहरण देते हैं हर चीज का। तो आप पाते हैं कि विलियम शेक्सपियर को वो कहते हैं कि उनके तो पास में बैठ जाइए अगर कोटेशंस का भंडार आपको देखना है। कौन? ऑर्सन वेल्स। नेक्स्ट वन इज गोथ। मिस्टर गोथ कहते हैं कि आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, please avoid it, in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। कोई नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब मुझे तो याद नहीं कि किसने मेरे ऊपर दिमाग पे इतना बड़ा इंप्रेशन डाला हो जितना कि विलियम शेक्सपियर ने। कमेंट वॉज गिवन बाय गोथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉमेंट। नेक्स्ट कॉमेंट इज गिवन बाय जॉन रस्किन। जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। क्या कहते हैं आपके जॉन रस्किन कहते हैं कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये एक सटायर के रूप में इन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हीरोइंस के ऊपर, उनको बहुत विटी बनाते हैं, डोमिनेंट बनाते हैं और अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आती हैं वो। तो वो यहाँ पर इस तरह का कॉमेंट सटायर के रूप में करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वॉल्टेयर। जो वॉल्टेयर है इनको देख लीजिए आप, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सावेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। तो ये एक आप कह सकते हैं ह्यूमिलेट करने की वाली चीज़ है, जो कि थोड़ा सा होता भी है जब कोई इंसान ऊपर उठ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि भाई, हो सकता है ना कि सबका देखने का अपना नज़रिया होता है, हर कोई तारीफ और हर कोई तारीफ करेगा ना तो वो व्यक्ति वहीं स्टॉप हो जाएगा। मैंने नोटिस किया है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई तारीफ, हमने कुछ अच्छा काम किया तो जो सब तारीफ करते हैं तो फिर वो लेवल वहीं पर रुक जाता है, ठीक है यार सब खुश है, हमें बहुत बढ़ावा मिल रही है। लेकिन एक बंदा भी अगर ऐसा निकल के आता है ना कि वो बता रहा है आप लोगों आपको कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहा है, वो सिर्फ अब वो आपको बता रहा है कि नहीं भाई अभी ये कमी है तुम में, ये तो तुमसे हुआ नहीं। तो वो जो तुमसे हुआ नहीं उसने कह दिया ना ये कि हाँ बड़े बनते हो टीचर या बड़े बनते हो, ये तो तुमसे हुआ नहीं। तो इस स्टेप को क्या पता चल गया कि हाँ बच्चे ये कमी है अभी और यही पे तो काम करना है। बस जो सीखने वाले लोग होते हैं वो उन चीज़ों का बुरा नहीं मानते, उन चीज़ों को क्या बना लेते हैं अपने लिए, वो एक वेपन बना लेते हैं और उसी पर वो वर्क करते चले जाते हैं, ठीक है, एंड फिर एक दिन वो और भी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, कोई हमारी बुराई करता है तो नेवर अफ्रेड, ठीक है, ऑफ क्रिटिकल कॉमेंट्स। तो कोई भी आपके ऊपर क्रिटिकल कॉमेंट्स करता है कभी नहीं डरना चाहिए आपको। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सावेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस, शेक्सपियर क्या है, ड्रंकन सावेज असभ्य शराबी व्यक्ति है विद सम इमेजिनेशन, कुछ उसके पास कल्पनाएं हैं शराब के नशे में जो कि कल्पना करता है, हुज प्लेस प्लीज, वो सिर्फ किसको प्लीज कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, सिर्फ लंदन और कनाडा को, होल यूनिवर्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, क्या हुआ भाई वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है अभी, क्या दिक्कत है, वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस तो बताओ, मैं वॉइस बहुत स्लो आ रही है, हेलो हेलो अब ठीक है, हो सकता है इसकी बैटरी लो हो रही हो इसलिए हो जाए, वॉइस क्लियर है, कोई बात नहीं, किसी को हो सकता है इशू हो, इट्स ओके। मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं जरा, इफ यू अलाउ मी, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं एंड दूसरे वाले से काम चलाते हैं, ठीक है, ओके। अभी तो ठीक है, अभी तो धमाकेदार आ रही है बस, कान खराब हो रहे हैं, जांच करवाओ, अरे करा लेंगे, क्यों पैसे खर्च करवा रहे हो बेचारों के, ठीक है, कान वान डॉक्टर तो ऑलरेडी इतना पैसा मार रहे हैं, इतना पैसा उनके पास जा रहा है, घर का सारा पैसा एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में, और दूसरा कहाँ जा रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, सबसे पहले नंबर पर तो डॉक्टर्स को रखिए, ठीक है, तो बेचारे के क्यों पैसे खर्च करवा रहे हो, टेंशन ना लो। Of all Shakespeare plays, Macbeth with is the most rapid. Hamlet is the slowest in movement. ST College ने यहाँ पर बोला है कि Shakespeare के play को जब हम consider करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि Macbeth जो है वो तो क्या है कि बहुत तेजी से work करता हुआ नजर आता है, but Hamlet वहाँ पर बहुत slow है अपने action के अंदर, ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट। अरे मजाक कर रही है ना, वो क्या हो गया, लड़ने बैठ जाते हो यहां पर भी। टेंशन ना लिया करो, ऐसे मत करो, टेंशन नहीं लिया करो, चिल रहा करो, आराम से जेम पढ़ो आराम से, ठीक है। कोल पोर्टर, कोल पोर्टर एकदम से मतलब सही साबित करने लग जाते हो अपने आप को। कोल पोर्टर, ब्रश अप योर शेक्सपियर, है ना। तो ब्रश अप योर शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर को तो जितना पढ़ते जाओ जितना पढ़ते जाओ, इतना हीरा जो है कोयले में तपता तपता ही क्या होता है, और भी ज्यादा शाइन करने लग जाता है। तो ऐसे ही होता है, शेक्सपियर को तो जितना पढ़ो उतना कम है, तो ब्रश अप योर शेक्सपियर। डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस कहते हैं, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर, मतलब मैं शेक्सपियर को कभी भी पढ़ू ना, मतलब मैं वंडर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, किस बात से, दैट सच ट्रिवियल पीपल, ट्रिवियल यानी कि बहुत ही तुच्छ कह सकते हैं, लेवल कम होता है, नॉर्मल व्यक्ति, ट्रिवियल, नॉर्मल से भी थोड़ा सा लेस चले जाइए आप, पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, कि सच ट्रिव है कि ऐसे लोग जो ना कैम्ब्रिज से पढ़े ना ही पढ़े हैं से ऑक्सफोर्ड वगैरह से, सच ट्रिवियल पीपल, जो कि कहाँ से, छोटे से टाउन से आए हैं, सच ट्रिवियल पीपल। वो क्या कर दिया उन लोगों ने, उसने क्या किया है, म्यूज यानी कि म्यूज मतलब कि कोई चीज कंपोज करना, पोएट्री स्पेशली, थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, और थंडर यानी कि दहाड़ता है इन सच लवली लैंग्वेज, कमाल की बात है। कहते नहीं यार, एक छोटे से गांव से आके तुमने ऐसा कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास तो फैसिलिटीज नहीं थी, कैसे किया, है ना। तो ये सब चीज हमारे मन में आता है, ये सब चीजें। सैमुअल टेलर कॉलरिज, अगेन फिर से एक कमेंट है, उन्होंने बोला है ये बहुत फेमस है और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर, हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, माइरिड यानी कि असंख्य यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी प्ले के अंदर आप एक जैसे सिमिलरिटी नहीं पाते हैं, कॉमेडीज भी लिख रहे हैं, ट्रेजेडीज भी लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम प्ले भी लिख रहे हैं, स्पेशली उसके अंदर भी आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है, डाइवर्जन देखने को मिलता है, एंड बहुत सोनेट्स आप देख सकते हैं, पोएट्री भी लिख रहे हैं, उसके अंदर भी कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो माइरेट लगता है, ऐसे लगता है कि एक व्यक्ति का दिमाग है नहीं पीछे, लग रहा है कि बहुत सारे दिमाग हैं वो मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, आर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर। ओके नेक्स्ट है हमारे पास में बैन जॉनसन, उन्होंने बोला है हमारे शेक्सपियर को, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, क्या बोला है यहाँ पर, फर्स्ट फोलियो का जो प्रीफेस है उसी के अंदर कमेंट्स हैं बैन जॉनसन के अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो स्वीट स्वान ऑफ एवन कहकर उनको बुलाया है, माई उन्होंने ही नाम दिए हैं इनको ये सब, ही वॉज नॉट ऑफ एन एस बट फॉर ऑल टाइम, है ना। तो उन्होंने बोला, माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लोज दी बाय चौसर, ना तो मैं यहाँ पर चौसर के साथ उनको कंपेरिजन करूंगा, ना स्पेंसर के साथ, ना ही ब्योमेंट के साथ मैं कंपेरिजन करूंगा, अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर मैं उनके लिए एक स्पेस बनाना चाहूंगा, यानी कि उनसे भी ऊपर दर्जा देना चाहता हूँ। तो ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एज या आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड से उनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बट फॉर ऑल एज, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न इरा हो, एंड स्टिल जो हम अभी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो चाहे ये हो वट एवर, कोई मैटर ही नहीं करता है। दो हैडेस्ट स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, तो दाउ यानी कि तुम जो थे कौन थे, हैड एस्ट, यहाँ पर हैड क्या थे, स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि उनके वर्क में हमें पाते हैं कि बहुत सारे वो लेटिन वर्क्स का यूज कर, वर्ड्स का यूज करते हैं, ग्रीक वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही, जैसे कि इंग्लिश का हम यूज करें और बहुत अच्छे से यूज ना कर पाए उस चीज को, तो उस वे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने उनको क्या बोला है कि स्मॉल लेटिन और लेस ग्रीक उनको आती थी, बट फिर भी उन्होंने उसका बहुत अच्छा यूज किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है रोबर्ट ग्रेव्स, जो रोबर्ट ग्रेव्स भी है, इन्होंने कमेंट किया है, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। ये कहें कि हम कि लोग उनको कहते हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, इस वजह से नहीं, बल्कि वो वाकई में बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ही सुपर्ब है, ये कहना चाहते हैं हमारे रोबर्ट ग्रेव्स, ठीक है। ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। रोबर्ट ग्रीन, ये तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था, उन्होंने अपने पैम्फलेट ग्रीन ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में बोला है, ग्रीन का वर्ड ग्रीन का, रोबर्ट ग्रीन का ग्रोथ वर्थ ऑफ विट है, यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है, पूरा नाम है ब्रॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, इसके अंदर उन्होंने कॉमेंट किया, देर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, टाइगर्स हर ट्रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, एंड लास्ट उन्होंने बोला एब्सोल्यूट जोनास जोहानस फैक्टम, दैट मीन्स की जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ओके जोहानस फैक्टम मीन्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स,
ठीक है, एंड फिनिश क्या बोला है, शेक सीन ऑफ इन अ कंट्री, ठीक है भाई, रॉबर्ट ग्रीन. नेक्स्ट वन इज थॉमस कार्लाइल. थॉमस कार्लाइल कहते हैं, इफ आई से दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव येट सीन. मतलब जितना हमने जाना, ठीक है ग्रेटेस्ट हैं सब कुछ है, बट जितना हम उनको बारे में जानते हैं, बट मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटी थी और भी चीज़ें करने की, लिखने की. इट इज वॉट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, है ना, अनकॉन्शियस में भी उनके बहुत सारी चीज़ें थी. विलियम हेजलेट कहते हैं, इफ वी विश, मैम बैन रोजनर सैमुअल जॉनसन दोनों कंफ्यूज करते हैं. क्यों कंफ्यूज करते हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन तो बहुत बाद में आए हैं ना, और बहुत बाद में, कहने का मतलब ये है कि आप जब जॉनसन की बात करते हैं तो फिर आप किस में पहुंच जाते हैं, जो न्यू क्लासिकल एज है वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर कंसिडर की जाती हैं. और न्यू क्लासिकल में भी एट द एंड, ऐसा नहीं है कि जॉन ड्राइडन के साथ में आ गए हैं, एज ऑफ ड्राइडन फिर एज ऑफ पॉप के बाद में आते हैं, तो आप क्यों कंफ्यूज होते हैं? बैन जॉनसन कहाँ 16th सेंचुरी में, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहाँ पर हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस रोमेंटिक एरा से थोड़ा सा जस्ट पहले याद रखिए, ठीक है. द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कराई जाती है डॉक्टर जॉनसन वगैरह, तो दोनों में डिफरेंस है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की नीड है. जो विलियम हैजलेट हैं, विलियम हैजलेट कहते हैं कि इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर. इफ़ वी विश, यानी कि अगर हम क्या है कि ह्यूमन जीनियस को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड रीड शेक्सपियर, हमें विलियम शेक्सपियर को रीड करना चाहिए. बट इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से पढ़ा लिखा मिट्टी में मिला देना, है ना, जो हमने सीखा आज तक वो क्या कर दिया, उसका कोई भी हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो वी मस्ट स्टडी हिज कॉमेंटेटर्स, तो हमें उनके कॉमेंटेटर्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये कह दिया हमारे विलियम हेजलेट ने. जॉर्ज बर्नार्ड शो ये कहते हैं, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटिफुल प्ले लाइक 12th नाइट. वो विश करते हैं, वो सोचते हैं कि काश मैं भी 12th नाइट जैसा प्ले लिख पाऊँ, है ना, तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा. तो इतने बड़े राइटर हैं, प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शो, वो ये बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कहती हैं, डाटा फिनिश होने वाला है मैम, बट मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, देखिए मैं अपनी क्लास को तो नहीं रोक सकती, है ना, तो क्या कर सकते हैं, आप किसी और का ले लीजिए. आपको पता तो था ही ना, मैंने लगभग एक हफ्ते से आपके लिए शेड्यूल लगाया हुआ है, एक हफ्ते से लगातार स्टोरी पे भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ. आपको पता था कि आज मेरी क्लास होनी है एंड मैं विलियम शेक्सपियर का वन शॉट रिविजन कराऊंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी स्टिल आप कह रहे हैं डेटा फिनिश होने वाला है. डेटा फिनिश क्यों होने वाला है? आपके घर में और फोन है, यूज़ कीजिए उनका, ठीक है. आज सबको रोक देना चाहिए था कि आज मैम की क्लास है, आज सिर्फ हमें मैम की क्लास लेनी है, तो उनको रोकना चाहिए था. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, देखिए देयर शेक्सपियर ऑन, ये एलिजाबेथ जो ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, ये कहती हैं, देयर शेक्सपियर ऑन हूज फोरहेड क्लाइम्ड द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आईज सबलाइम विद टीयर्स एंड लाफ्टर फॉर ऑल टाइम. वो कहती हैं कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे वर्ल्ड का जो क्राउन है, ताज है, वो किसके सिर पर है? वो विलियम शेक्सपियर के सिर पर है, ठीक है, और बहुत सही भी है. एंड उनकी आईज जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से सबलाइम विद टीयर्स, तो यानी कि जब हम उनको पढ़ते हैं बहुत जगह वो हमें रुला देते हैं, बहुत जगह वो अपनी, उनकी मर्जी चलती है, जब उनके प्ले हम पढ़ते हैं उनकी मर्जी चलती है कब वो हमें हंसा रहे हैं, कब वो हमें रुला रहे हैं, है ना, और वो जब वो हमें हंसाते हों चाहे वो हमें रुलाते हों, वो सबलाइम होता है, यानी कि वो क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो रुलाना भी जानते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें हंसाना भी जानते हैं. जॉन ड्राइडन कहते हैं, ही वॉज अ मैन Who of all modern and perhaps ancient poets had the, देखिए बोलते हैं जॉन ट्राइडन कहते हैं, अगेन कॉमेंट है, ही वॉज अ मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स, हम कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए फिर आगे लिखते हैं, बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, यानी शेक्सपियर का मैजिक जो है वो कॉपीड किया नहीं जा सकता है, विद इन दैट सर्कल नॉन डस्ट वॉक बट ही, तो सिर्फ जो उन्होंने किया है वही कर सकते हैं, बाकी तो कोई उनका लेवल क्रॉस ही नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर पाया, इतने साल हो गए उनको. बेशक उन्होंने कॉपी किया जो भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सोर्सेज लिए, बट आज तक कोई उनके जैसा वर्क कर तो पाया नहीं है. इतने दिन तो हमें होंगे यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है इतना टाइम तो हम आ गए हैं. नेक्स्ट वन इज, हाँ बिल्कुल सही बात है लक्ष्मी, बहुत बढ़िया. देखिए जॉन मिल्टन बोलते हैं, जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए अपना यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बोलते हैं उसको, मैं जस्ट भूल रही हूँ, आपको याद आए तो मुझे बताना,
सॉरी मुझे ध्यान है अभी, एपिलॉग नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अब जस्ट बताना मुझे क्या बोलते हैं मुझे, मैं मतलब अभी दिमाग से निकल गया मेरी। तो देखिए उन्होंने उनके लिए वर्क लिखा है स्पेशली ऑन शेक्सपियर, तो ऑन शेक्सपियर के अंदर भी इन्होंने ये बात कही है जॉन मिल्टन ने, है ना, और एलिग्रो के अंदर भी बोला है स्पेशली। तो इन्होंने यहाँ पर कॉमेंट किया है और देखिए और स्वीट, हाँ ये आर लिखना चाहिए था, ये और ही है, और ये शायद बताना क्या है, किसी को पता है? नहीं पता अभी तो बताया नहीं। देखिए स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, और फिर हम इतना पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा इसको, स्वीटेस्ट शेक्सपियर कहा है और फैंसी यानी कि परियों के बच्चे कहा है, किसको, जो विलियम शेक्सपियर है। एंड फिर बोला है व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बॉन्ड्स द लेबर ऑफ एन एज और इन पाइल्ड स्टोन्स। उन्होंने बोला है यहाँ पर कि जो शेक्सपियर हैं उनको किसी की के ऑनर की जरूरत नहीं है कि कोई उनको सम्मान देगा, कोई नहीं कहेगा कि हाँ ही वॉज द बेस्ट या फिर उनके वर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक हैं, उनको नीड ही नहीं है। मतलब वो उन्होंने जो वर्क लिखे हैं ना उनके बोन्स को, ठीक है, उनकी जो बोन है, हड्डियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको किसी ऑनर की नीड नहीं है। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, जो उस एज में उन्होंने लेबर किया है ना, लेबर कहने का मतलब है कि जो वर्क उन्होंने किया, जो मेहनत की है, वही काफ़ी है उनका नाम चमकाने के लिए। तो कोई ऑनर उनको मिलेगा, कोई नोबेल प्राइज, उस टाइम से मिलते नहीं थे नोबेल प्राइज, बट फिर भी उनको कोई नोबेल प्राइज मिलेगा, इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, ठीक है, ये सब मिलेगा, तब नहीं ये बात होगी कि हाँ उनको ऑनर मिला है, वो बहुत ज़्यादा बड़े इंसान है, जैसे होता नहीं है। अब जैसे गाना था, अभी क्या है कि उसको मिल गया सब चीज़ें, ऐसे मैं नाम क्यों लूँ, छोड़ो, तो फिर क्या हुआ, तो फेमस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, शेक्सपियर का तो वर्क ही काफ़ी है उनको फेमस करने के लिए, उनको चमकाने के लिए। नेक्स्ट है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ग्रेट एयर ऑफ फेम। तो यहाँ पर बोलते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी यानी कि स्पेशली मेमोरी का बेटा बताया उन्होंने, क्योंकि है ही, हम हर चीज़ बोल रहे हैं, हमारी टंग पर हर चीज़ है शेक्सपियर की, चाहे हम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से जानते हैं या नहीं। जैसे कालिदास जी का नाम सब लोग जानते हैं, ऐसे शेक्सपियर का नाम सब लोग जानते ही हैं। तो इन्होंने ग्रेट यहाँ पर एयर बोला है फेम, यानी कि फेम का हम कहें ना कोई इसलिए अधिकार उत्तराधिकारी है, तो वो कौन है, हमारे विलियम शेक्सपियर। तो ये कमेंट है जो कि यहाँ पर किसने, जॉन मिल्टन ने दी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे याद नहीं आती है तो तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं आएगी, इतने सारे बच्चे यहाँ पर लाइव हो, देख रहे हो क्लास को, फिर भी आपको चीज़ें पता नहीं है जो मैं कुछ भूल जाती हूँ, है ना, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेम एलन टेरी, सर्च करके ही बता देना चाहिए, डेम एलन टेरी क्या कहते हैं, वंडरफुल वुमेन, वंडरफुल वुमेन किसको बोल रहे हैं, यानी कि जो लेडीज हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली, यानी कि कितना कुछ शेक्सपियर ने हमें दिया है, शेक्सपियर फॉर हिज विंडिकेशन ऑफ वुमेन इन दिस फियरलेस, यानी कि आप देखिए जब शेक्सपियर की हम जो वुमेन करेक्टर हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो कितनी ज़्यादा हाउ फियरलेस दे आर, तो बहुत ज़्यादा फियरलेस आपको देखेंगे, हाउ हाई स्पिरिटेड हैं, यानी कि उनके स्पिरिट्स इतने हाई हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एंगेजमेंट आपको दिखेगा, कि जैसे कि लेडी मैकबेथ को देखिए कि कितनी हाई स्पिरिट लेडी है वो, पोर्शिया को देखिए जब सब लोग हार मान जाते हैं तो पोर्शिया जाती है वहाँ पर, रोजालिन को देखिए कि अपने अंकल से वहाँ से मतलब पूरे राज्य को छोड़ के चली जाती है, तो कितनी ज़्यादा फियरलेस हैं, हाई स्पिरिटेड हैं, रेजोल्यूट हैं, बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लेने वाली हैं, इंटेलिजेंट हीरोइंस हैं। तो देखिए वुमेन्स को सीखना चाहिए, बहुत कुछ आज की लड़कियाँ भी सीख सकती हैं, ठीक है। तो अपने डिसीजंस लेना, अपने माइंड का, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कैसे, और फियरलेस हैं बिल्कुल, है ना। रोजलिन को लगा कि हाँ नहीं रहा जा सकता यहाँ पर, तो वो चली गई वहाँ से, ठीक है, और उसकी बेटी भी चली गई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है वो। हॉरेस वॉलपोल कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटली वॉन्टेड टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने भी शेक्सपियर के लिए बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस बोला है जो कभी एवर एग्जिस्ट किया हो किसी ने, वो कौन है, हमारे शेक्सपियर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बोला है यहाँ पर अपने एक सोनेट के अंदर, उनके सोनेट का नाम है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ही राइटर आपके सिलेबस के अंदर हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है, उन्होंने अपना एक सोनेट है स्कॉन नॉट द सोनेट, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला है, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक, क्रिटिक्स स्कॉन, जो स्कॉन करना यानी कि उनको क्रिटिसाइज करना, बुरा भला बोलना, तो यहाँ पर स्कॉन मत करो, यहाँ किसको, सोनेट को, क्रिटिक्स, यू हैव फ्राउंड मिडल माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा आती है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट,
पूछ लिया जाता है कहाँ पर है। तो इससे सोनेट से ही तो उन्होंने अपने पूरा का पूरा हृदय जो है वो खोल कर रख दिया विलियम शेक्सपियर ने। तो ये कमेंट किया है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो कमेंट हैं वो इतनी हाई क्वालिटी के नहीं हैं, मतलब मैं तो नहीं ये कहूँगी, एनालाइज किया गया है तो उसमें माना गया है जितने उनके जो ट्रेजेडीज हैं है ना, बाद में उन्होंने जो वर्क किए हैं वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और राइटिंग स्केल पर अगर उनको नापते हैं, मेजर करते हैं तो, बट उन सोनेट को नहीं माना जाता ऐसा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट, लोग करते रहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर कह रहे, वो वर्ड्सवर्थ बोलते हैं यहाँ पर कि ऐसे तिरस्कार मत करो सोनेट्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को देखेंगे, उनके सोर्सेस को देखेंगे, एंड क्विक रिविजन फटाफट से यहाँ पर करते चलेंगे, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी क्वेश्चन का, ठीक है? ओके। अरे उनका मन है, वो कर रहे हैं छुट्टी। देखिए विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम्स को, जो शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम्स हैं, शेक्सपियर पब्लिश टू लॉन्ग पोएम्स अमॉन्ग हिज अर्लीस्ट सक्सेस। टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स कौन कौन सी हैं, वीनस एंड एडोनिस इन 1593, फर्स्ट वन इज वीनस एंड एडोनिस एंड सेकेंड वन इज द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस रिटन इन 1594। ओके नेक्स्ट वन इज दिस, जो ये पोएम्स हैं, दीज पोएम्स वर डेडिकेटेड टू हिज पैट्रॉन, उनके जो पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब कि उनको मनी वगैरह से थोड़ा सा सपोर्ट करने वाले, ठीक है? तो द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेटेड है। वीनस एंड एडोनिस ये एक नैरेटिव पोएम है जो कि 1593 में आती है, स्टेंज ऑफ सिक्स लाइंस ऑफ पायम्बिक पेंटामीटर। ये क्वेश्चन आता है आपसे, पूछ लिया जाता है कि कितनी लाइंस में इसको लिखा गया है, मतलब कि स्टेंजा कितने लाइन का है, तो सिक्स लाइन के स्टेंजा में इसको लिखा गया है। ऑल ओवर 1194 लाइन्स हैं, 1194 लाइन्स हैं, 199 स्टेंजास हैं इसके अंदर, और हर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं, सिक्स लाइन्स हैं, और लिखी गई हैं किसमें, आयम्बिक पेंटामीटर में। राइम स्कीम याद करने की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी बता देती हूँ, ए बी ए ए बी ए बी सी सी, ठीक है शायद आ जाए। एंड द पोएम बिगिंस विद अ ब्रीफ डेडिकेशन टू हेनरी राइट्सले, इसमें ब्रीफ डेडिकेशन किया गया है, स्पेशली लिखा गया है हेनरी राइट्सले के लिए, जो कि थर्ड क्या थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, ठीक है? एंड नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहाँ पर द फर्स्ट, देखिए उन्होंने क्या बोला है इस वर्क को, ये क्वेश्चन आता है, देख लीजिए इसको ठीक से, द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है, पहला उत्तराधिकारी बोला है मेरे इन्वेंशन का, मेरी राइटिंग का, किसको, वीनस एंड एडोनिस को। हर बार जब भी एग्जाम होता है या तो ये क्वेश्चन होगा या ये होगा नैरेटिव पोएम्स कौन सी हैं, या फिर ये होगा आपके सामने कि लाइंस में कितने में लिखा गया है, या फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन, माई इन्वेंशन, तो कौन है यहाँ पर, वीनस एंड एडोनिस, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान ले लो, दूसरों के एज नापना बंद करो, ठीक है? द पोएम इज इंस्पायर्ड एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन मेटामॉर्फिस। आपसे पूछा जाए सोर्स क्या है, तो सोर्स बताएंगे आप, मेटामॉर्फिसिस जो है ये सोर्स है, जो कि कहाँ पर, नरेटिव पोएम लिखी गई, किसने लिखी थी ये, लेटिन पोएट ओविड ने लिखी थी, तो ये सोर्स है किसका, वीनस एंड एडोनिस का। नेक्स्ट आ जाइए, वीनस एंड एडोनिस तो हो चुका, रेप ऑफ ल्यूक्रेस देख लेते हैं, अभी और भी है इसके अंदर, इसके अंदर देख लीजिए ये फर्स्ट इनका पब्लिश वर्क है यहाँ पर, ये क्या है, रीटेलिंग स्टोरी है किसकी, रोमन, इसे छोड़िए आप, चलो आगे चलते हैं, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस को देख लेते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, डेट पूछी जा सकती है, नरेटिव पोएम है ये पूछा जा सकता है, अबाउट किसके बारे में है, यहाँ पर लेजेंडरी जो रोमन नोबल मैन वुमेन थी कौन, ल्यूक्रेशिया, इसके बारे में है, ठीक है? ये भी कहाँ से, ओविड पर भी ही बेस्ड है, स्पेशली सोर्स ओविड ही है, बट रादर मोर सीरियस, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस इन्होंने यहाँ पर इसको मिथ को ले लिया है। एंड इट कंटेन्स 1855 लाइन्स, इसके अंदर कितनी है, 1855 लाइन्स है, एंड डिवाइडेड इंटू 265 स्टेंजास ऑफ 7 लाइन्स ईच, कितने, 265 स्टेंजास में यहाँ पर डिवाइडेड है। द मीटर ऑफ ईच लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर, हर जो मीटर है वो आयम्बिक यूज कर रहे हैं ये, एंड ये फॉर्म है, राइम रॉयल है, इसमें राइम रॉयल भी यूज किया गया है, ठीक है? राइम रॉयल है यानी कि 7 लाइन है, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपसे पूछा जाता है कि जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस है वो कितनी लाइंस में है, तो ये 7 लाइन का स्टेंजा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइम रॉयल भी बोलेंगे, जो कि क्वालिटी है, स्पेशलिटी है विलियम, सॉरी
जो आपके जॉफ्री चौसर हैं उनकी रॉयलिटी भी कह सकते हैं, स्पेशलिटी बोलेंगे। द स्टोरी इज द रेप ऑफ ल्यूक्रेशिया, वाइफ ऑफ किसकी है, ये कैलेडोनियस की है, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, रेप किया जाता है किसका, जो ये ट्रैकनेस जो सेक्सटस है, सन ऑफ द रोमन किंग, ये मतलब इसका रोमन किंग का जो सन है, तो ये कौन है यहाँ पर, इसकी वाइफ का इसका ध्यान रखना, इसके हस्बैंड का नाम ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है। एंड जैसे क्या होता है कि ये अपने आप को बाद में, क्योंकि इसका रेप हो जाता है, वो मतलब इसके साथ में गड़बड़ होती है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी ये बाद में अपने आप को मार लेती है, मतलब कि स्टैब कर लेती है, ये सहन नहीं कर पाती इस चीज़ को, तो इस चीज़ के बारे में दिखाया गया। काफ़ी ज़्यादा ये इसको कमेंट देखने को मिलती है, द पोएम कमेंट्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैस्कुलिन वायलेंस एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फेमिनिन चेस्टिटी। मोस्ट ऑफ ऐसे होता है ना कि तो उनका जो बिहेवियर है, जानबूझ के किसी को, आप किसी की वर्जिनिटी को या इन सब चीज़ों को आप टारगेट करते हैं, एंड बाद में फिर इसका अंजाम भी किसको भुगतना पड़ता है, उस फीमेल को ही भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। एक और शेक्सपियर की पोएम मैंने आपको बताई थी, द फोनिक्स एंड द टर्टल, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर शेक्सपियर के सोनेट की। शेक्सपियर के सोनेट के बारे में अभी जस्ट हमने बात की थी, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ओके चांदनी, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूछ लो, ठीक है, मैं नहीं टोकूंगी आपको, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ थोड़ा सा फोकस ना आप लोग यहाँ कर लो, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 150 बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। देखो 154 ऑफ शेक्सपियर सोनेट, 154 हैं शेक्सपियर के सोनेट जो हैं, ये तो हम जानते ही हैं। थॉमस शॉर्ट ने 1609 में ये पब्लिश किए थे। इसके अंदर एक पोएम इंक्लूडेड है, अ लवर्स कंप्लेंट, इसी के साथ में पब्लिश कराई गई थी। थीम क्या है, लव एंड लाइफ है। यहाँ पर फर्स्ट 26 ये हम पढ़ चुके हैं, सोनेट यंग मैन को डेडिकेटेड है। लास्ट के 28 सोनेट्स जो वो एड्रेस किए गए हैं डार्क लेडी को, बट समटाइम्स जो टू हैं वो कंसिडर कर लिए जाते हैं, जो क्यूपिड है, जो देवता हैं, गॉड हैं, उनके लिए। एंड इसके बाद में 14 लाइन्स में ये होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया होता है, ये पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट के नाम है जो आपको ध्यान रखने होंगे, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू कांट अवॉइड इट। तो वेरी फर्स्ट इज सोनेट नंबर 27, सबकी नंबरिंग ध्यान रखनी है आप लोगों को, और इनकी फर्स्ट लाइन से ही कंसिडर करेंगे हम इसका टाइटल। तो टाइटल है यहाँ पर सोनेट नंबर 27 का टाइटल है, वियरी विथ टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बैड। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो मेजर हैं वही मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सारी लिस्ट लगा दी 154। सोनेट नंबर 116 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड किया हुआ है मैंने, ये रेड किया हुआ है, ये रेड किया हुआ है, दैट मीन्स क्या है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनेट नंबर 116 है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो ये सोनेट नंबर 116 आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर है फिर सोनेट नंबर 130, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। सोनेट नंबर 129, टाइटल वॉज द एक्सपेंस ऑफ स्प्रिट इन अ वेस्ट ऑफ शेम। नेक्स्ट वन इज सोनेट नंबर 106, वैन इन द क्रॉनिकल्स ऑफ वेस्टेड टाइम्स। एंड सोनेट नंबर 18 तो मैंने पढ़ाया हुआ भी है आप लोगों को, उसकी वजह से पढ़ाया था, शायद एलटी की वजह से पढ़ाया हुआ है। तो ये है यहाँ पर, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पढ़ाते हुए भी अच्छा लगा था। सोनेट नंबर 134, सो नाउ आई हैव कन्फेस दैट ही इज दाइन। सोनेट नंबर 105, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। एंड सोनेट नंबर 29 ऑल्सो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। सोनेट नंबर 29, वेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज। सोनेट नंबर 98, फ्रॉम You have I been absent in the spring। तो ये तो आप याद कर ही लेंगे ऐसे टू टू, बट सबसे पहले ध्यान रखना है आपको 116 को आप नहीं भूलेंगे। दोबारा से मैं बता देती हूँ, याद करो मेरे साथ में, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सोनेट नंबर 18, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। एंड सोनेट नंबर 29, वेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आइज। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, वन साइड साउंड आता है, हाँ, क्योंकि मैं एक ही माइक को ऑन रखती हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, एक को चार्जिंग पे लगा देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है, इतना तो आप मेरे लिए एडजस्ट कर सकते हो ना, है ना। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को देखेंगे अब, हमने सोनेट्स देख लिए, हमने नैरेटिव पोएम्स देख ली, नाउ इट्स टाइम टू सी इनके सम प्लेस जो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। 37 प्लेस पूरे लगा दिए हैं मैंने, और जो इनकी मोस्ट ऑफ ट्रेजेडीज़ हैं वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, मोस्ट ऑफ इनके प्लेज
बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, बट यहाँ पर पूरे पूरे 37 प्लेस मैंने ऐड कर दिए हैं जिसके करेक्टर्स वगैरह को हम याद रखेंगे। ठीक है भाई, ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, 1605 में ये वर्क इनका पब्लिश होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स है विलियम पेंटर्स, विलियम पेंटर्स ने लिखा है द प्लेस ऑफ प्लेजर, तो यहाँ ये इनका सोर्स है, सोर्स यानी कि यहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और इस वर्क को लिखा है। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग, सेटिंग है यहाँ पर रोजोलिन पेरिस के अंदर, फ्लोरेंस एंड मार्सेलेस के अंदर। यहाँ पर सेटिंग मतलब कि जहाँ पर प्ले को जिस जगह पर परफॉर्म किया गया, जैसे हम कहानी कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ था कोलकाता में एक फैमिली रहती थी, तो दिस इज सेटिंग, दिस इज कॉल्ड सेटिंग, सेटिंग ऑफ द प्ले, तो हम प्ले की सेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। बहुत लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि मैम सेटिंग क्या है, तो सेटिंग आपका वाला सेटिंग नहीं है, ये वाला सेटिंग होता है, दैट मीन्स कि वो प्ले जहाँ पर जिस जगह पर जिस शहर में जिस कंट्री में जो परफॉर्म किया जा रहा है उस चीज़ को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग रोजोलिन पेरिस फ्लोरेंस एंड मार्सेलेस यहाँ पर है। द प्ले इज कंसिडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर प्रॉब्लम प्ले, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को हम क्या कंसिडर करते हैं, प्रॉब्लम प्ले कंसिडर करते हैं। पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, लिस्टेड अमॉन्ग द कॉमेडीज, तो ये कॉमेडीज में है और ये पब्लिश कब हुआ, लिस्ट किया गया है इसको 1623 में, इसको क्या किया गया, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया है। आपने मुझे बताया था फर्स्ट फोलियो किसने लिखा, मतलब किसने जो प्ले वगैरह थे वो लिखे हैं, क्या हुआ भाई। देखिए करेक्टर्स को देख लेते हैं, करेक्टर्स यहाँ पर हैं इसके अंदर, किंग्स ऑफ, जो किंग ऑफ फ्रांस हैं, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस कहेंगे जिनको हम स्पेशली, तो बर्टराम है एक काउंट ऑफ स्पेशली रोजोलिन का, रोजोलिन जो जगह है वहाँ का काउंट है, बर्टराम है एक, लेवेज है, लेवेज मैंने बताया एक क्लाउन है इसके अंदर जिसको आपको याद रखना है, एक है हेलेना, हेलेना यहाँ पर जेंटल वुमेन है प्रोटेक्टेड बाय द काउंटेस लॉफियो एंड ओल्ड लॉर्ड, है ना, हेलेना को ये रखती है यहाँ पर स्पेशली, और जो प्रोल्स है पैरोल्स है किसके अंदर, यहाँ पर अ फॉलोवर ऑफ बर्टराम, ये सब मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ भी आप लोगों को, तो टेंशन मत लेना। ठीक है मैम, मैंने अभी कुछ दिनों पहले बैच लिया है तो लेना पड़ा, अभी तो कोई मैं बैच लॉन्च ही नहीं कर रही, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें डर लग रहा है कि मैम नया बैच लॉन्च कर देंगी फिर हम हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अरे ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया हुआ है, क्यों डर रहे हो? पढ़ाया है, रिवीजन कराया है, प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्यों डर रहे हो? नया बैच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे मैं अभी ला नहीं रही हूँ बैच, अभी मेरा मूड नहीं है, जब तक मेरा अंतर मन नहीं कहेगा ना कि नया बैच लाना है तब तक आ ही नहीं सकता है। तो अभी आप 2 महीने आराम से शांत रहें, मैं कोई बैच नहीं लेके आ रही हूँ, आप उसी से काम करें, उसी में पढ़ें तसल्ली से। देखिए पैरोल्स है यहाँ पर, ओके, जो कि कौन है, फॉलोवर है ऑफ बर्टराम, बर्टराम को फॉलो करता रहता है, एंड ओल्ड विडो ऑफ फ्लोरेंस करती रहती है, ये एक ओल्ड विडो दिखेगी आपको यहाँ पर फ्लोरेंस में, सरनेम्ड कैपुलेट, जिसका क्या, जो क्या है ये कैपुलेट नाम है जिसका, सरनेम्ड कैपुलेट, ये पैरोल्स कैपुलेट ही है ये, ठीक है, लेडी ही है ये। डायना है इसके अंदर डॉटर ऑफ द विडो, तो ये विडो जो है इसकी, जो ये जो विडो है ना, तो इसकी कौन है, डॉटर का नाम है डायना। एक है इसके अंदर वायलेंटा, वायलेंटा कौन है इसके अंदर, घोस्ट करेक्टर है, एंड मैरियाना स्पेशली नेबर एंड फ्रेंड्स ऑफ द विडो, तो जो विडो है इसकी फ्रेंड और नेबर कहेंगे आप किसको, मैरियाना को। और स्टोरी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टोरी थोड़ी सी देख लेते हैं, समरी में क्या है, हेलन जो है स्पेशली ही इज द किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस के यहाँ बर्टराम काम करने चला गया, हेलन को वो पसंद करता है नहीं, लेकिन हेलन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पता चलता है हेलन के फादर को बहुत अच्छी ट्रिक्स आती थी, अच्छे मेडिसिंस को वो जानते थे, तो अभी वो है नहीं किंग्स ऑफ, जो किंग ऑफ फ्रांस हैं यहाँ पर, उनको प्रॉब्लम हुई है, उनके दर्द वगैरह आई थिंक कुछ घुटने वगैरह में आई थिंक, वो उनको रिकवरी करती है, ठीक है, तो हेलन उनके लिए मेडिसिन वगैरह बनाती है, वो खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम जिस पे एक तरफ उंगली कर दोगी उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, एंड ये फिर बर्टराम की तरफ इशारा कर देती है और शादी हो जाती है, बट बर्टराम वॉज नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज, तो वो हैप्पी नहीं है इस मैरिज से, तो वो डिक्लेयर कर देता है कि तुम बेशक सबके सामने मेरी वाइफ रहोगी बट हमारे अब फिजिकल रिलेशंस कभी नहीं होंगे, ठीक है, मैं तुम्हें एक पत्नी का दर्जा कभी नहीं देने वाला हूँ, और अगर तुम ऐसा प्रूफ कर देती हो, ठीक है, और जो मेरे हाथ में ये रिंग है ये तुम्हारे पास अगर मिलती है तो ही मैं इस रिलेशन को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर हेलन जो होती है वो चालाक होती है, एंड वो क्या होता है यहाँ पर, परमिशन टू मैरी बर्टराम द मैन शी लव्स, है ना, जिससे वो प्यार करती है, तो बर्टराम रिजेक्ट हर एंड लीव्स अ लिस्ट ऑफ टास्क, तो टास्क की लिस्ट देता है, शी मस्ट डू टू हैव हिम एक्नॉलेज देयर मैरिज, शी फॉलोज हिम टू इटली, कंप्लीट्स ऑल द टास्क, वो क्या करती है
ये जो वीडियो वगैरह ना, ये डायना के बारे में पता चलता है कि जो स्पेशली बटराम है वो उसको पसंद करता है, तो ये उसकी जगह क्या होती है, खुद बैठ जाती है, अंधेरा होता है एंड फिर ये रिलेशंस वगैरह इनके होते हैं एंड फिर बाद में वो रिंग जो होती है वो उससे ले लेती है और बाद में शो करती है, तो वो प्रूव कर देती है अपने टास्क को। ऐसे वैसे कहानी है इसके अंदर, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। साइड भी थक जाती है मुझे ऐसा लगता है, आगे जाने से बेचारी परेशान होती है। चलो इससे कर लेंगे हम, मत सुनो हमारी। अमित समझ नाइट ड्रीम को देख लेते हैं। 1595 टू 96 इसके बीच में ये दौरान आया है। सोर्स क्या है? थीसस एंड हिप्लोटा, जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, द नाइट। देखिए यहाँ से है ये स्पेशली चौसर का जो है, तो ये लिए गए थीसस एंड हिप्लोटा, ठीक है, जो कि जॉफ्री चौसर है, द कैंटरबरी टेल्स, यहाँ से द नाइट टेल यहाँ से लिया गया है। कौन सा? द मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, बस हर चीज है वो लिख रहे हैं ऐसी सोच, जिसकी जैसी सोच, क्या कर सकते हैं। सेटिंग एथेंस एंड अ वुड नियर बाय, ठीक है, तो सेटिंग कहाँ पर है? पूरे जंगल में इसकी सेटिंग दिखाई गई है, एथेंस में है। एथेंस में शुरू में आपको दिखाई देंगे बट बाद में क्या होता है, सबके सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जितने भी पेयर होते हैं स्पेशली यहाँ पर लवर्स होते हैं वो सब जंगल में होते हैं। कुछ ड्रामेटिस्ट जो एक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, कुछ परियां वगैरह हैं वो यहाँ पर, है ना, सुपरनेचुरल पावर्स भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर करेक्टर्स देख लीजिए, थीसिस है, ड्यूक ऑफ एथेंस है, हिप्लोटा है, क्वीन ऑफ द अमेजन्स, है ना, तो यहाँ पर थीसिस, हिप्लोटा स्पेशली क्वीन है, कहाँ की? अमेजन की रानी है। एंड ड्यूक ऑफ एथेंस कौन है? थीसिस है, ठीक है, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ होंगे, ये प्ले पढ़े हुए होंगे, उनको तो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, जिन्होंने ये एक बार भी नहीं देखे तो आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत फास्ट चल रही है, मैम कुछ मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो देखिए इसके लिए आपको प्ले पूरे अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। मैंने हर एक प्ले पढ़ाया हुआ है, किसी को छोड़ा तो है नहीं, ठीक है, समझाया हुआ है अच्छे से, मतलब सारे ही कराए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छे से कराए हैं कोटेशंस वगैरह ऐड करके, तो वो थोड़ा सा जो लेस इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ऐसे कराए, लेकिन मिडसमर नाइट ड्रीम मैंने बहुत अच्छे से कराया है। हिप्लोटा कौन है? ये तो शायद यूट्यूब पर भी है मेरे ख्याल से, मिडसमर नाइट ड्रीम। हिप्लोटा ये क्वीन ऑफ अमेजन्स है, ये पूछ लिया जाता है। एंड अभी थीसिस से इसकी शादी होने वाली है, ये इनके बीच में अलायंस हुआ है। एंड एजिस, एजिस कौन है? फादर ऑफ, यहाँ पर फादर टू हर्मिया, है ना, तो हर्मिया जो है यहाँ पर स्पेशली जो एजिस है इसका नाम ध्यान रखेंगे, हर्मिया, और बहुत ही स्टबर्न है, ये नहीं चाहते हर्मिया अपनी पसंद से शादी करे, ठीक है। एंड इसमें और भी है करेक्टर्स देख लीजिए, लाइजेंडर एंड डेमिट्रियस है, यहाँ पर जो लाइजेंडर है, डेमिट्रियस है, ये किसमें है? ये हर्मिया को ही लव करते हैं। यहाँ पर हर्मिया कौन है? डॉटर ऑफ एजियस है, इन लव विद लाइजेंडर, लेकिन ये लाइजेंडर को पसंद करती है, इसी से शादी करना चाहती है। बट एजियस चाहता है शादी करवाना, डिटर जो ये डेमिट्रियस है इससे शादी कराना चाहता है, लेकिन डेमिट्रियस को जो क्या नाम है, हर्मिया है, ये पसंद नहीं करती है। बट डेमिट्रियस को एक लड़की है हेलेना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट डेमिट्रियस उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है। इन लव विद डेमिट्रियस, ठीक है, जो डेमिट्रियस है वो हेलेना का इसके साथ में बाद में फिर क्या होता है, जो पक है ना, ये पक जो है ये सब सेट कर देता है, हेलेना फिर डेमिट्रियस को मिल जाती है, डेमिट्रियस उसको पसंद करने लग जाता है। एंड जो हर्मिया है या हेलेना, डेमिट्रियस जो हर्मिया है वो लाइजेंडर, इन दोनों का यहाँ पर सेटिंग हो जाती है। एंड ओबरन जो है किंग ऑफ फेरेज है, ओबरन स्पेशली यहाँ पर उन्हीं को ही ये चेला है, पक एंड टाइटेनिया, ये दोनों, ये सब की क्या है? फेरेज, परियों का राजा, परियों की रानी टाइटेनिया, ध्यान रहेगा आप लोगों को, परियों का राजा कौन है, किंग ऑफ फेरेज कौन है यहाँ पर, जो टाइटन है। एंड यहाँ पर ओबरन, ये सॉरी ओबरन है, टाइटेनिया है, ठीक है, हाँ ओबरन है जो ये किंग है और टाइटेनिया क्वीन है, आई एम सॉरी, पक है, पक कौन है, इसको हम रॉबिन गुड फेलो बोलते हैं, समटाइम ये आ जाता है, जो पक है उसका अदर नेम क्या है, तो रॉबिन गुड फेलो नाम है। बॉटम, बॉटम कौन है यहाँ पर, एक वीवर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर समरीज तो सिंपल सी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, फॉर एथेंस मतलब है तो ही बता दिया मैंने, बताते बताते ही बता दी ना, इतनी समरी है। और एथेंस रन अवे, एथेंस से सब भाग जाते हैं क्योंकि शादी के लिए फादर जो हैं वो रेडी नहीं हुए हैं, तो ये हेलेना और लाइजेंडर, ये हर्मिया और जो लाइजेंडर हैं ये भाग जाते हैं। हर्मिया जो हेलेना है, हर्मिया की फ्रेंड है। अब होता क्या है कि ये इससे कह देती है डेमेट्रियस से कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती है, और वो चली गई है लाइजेंडर के साथ में। ये सुनकर ये भी भाग जाता है साथ में, मतलब कि उसको ढूंढने के लिए डेमेट्रियस जो है हेलेना को। तो
हर्मिया को ढूंढने के लिए। फिर हेलेना इसके पीछे पीछे चली जाती है, फिर ये जंगल में जाते हैं, वहाँ ये खो जाते हैं, फिर पक कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है इनके ऊपर, एक बार गलत हो जाते हैं, फिर दोबारा वो सही कर देता है, एंड फिर क्या होता है, सबके सब मिल जाते हैं, ठीक है, सबकी शादी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट, डिटेल में तो देखिए मैं पूरा प्ले जब पढ़ाती हूँ तभी पढ़ाती हूँ ना, तो डिटेल में तो हम तभी जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जूलियस सीजर, तो जो जूलियस सीजर है ये 1599 में हमें देखने को मिलता है। सोर्स क्या है इसका, सोर्स है प्लूटार्क लाइफ, तो प्लूटार्क की जो लाइफ्स हैं वहाँ से इन्होंने इनको लिया है, थॉमस नॉर्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1579, स्पेशली जो ट्रांसलेशन कर दिया गया था थॉमस नॉर्थ, तो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ओके हाँ, डंकी हेड वो होता है कि उसका जो स्पेशली बॉटम को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो सब टॉपिक वगैरह है जब हम पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं बताती ही हूँ आप लोगों को, या फिर क्वेश्चन में कर लेते हैं, क्वेश्चन में जो चीज़ रह जाती है वो क्वेश्चन के थ्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सेटिंग कहाँ है, रोम में रखी गई है, आफ्टरवर्ड सार्डिस एंड नियर फिलिपी में, फिलिपी में मेन करेक्टर जूलियस सीजर है, ये डिक्टेटर ऑफ रोम है, ठीक है, कैलकुनिया वाइफ ऑफ सीजर है, मार्कस ब्रूटस कैशियस, देखिए जो मार्कस ब्रूटस है, कैशियस है, कास्का है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, ये स्पेशली राइवल्स हैं यहाँ पर जूलियस सीजर के, कॉन्स्पायरेटर हैं, उसके मर्डर करते हैं, एंड पोर्शिया, पोर्शिया कौन है, ब्रूटस की वाइफ है, ओके, ब्रूटस यानी कि जो स्पेशली जनता के भले के लिए कर रहा था, ब्रूटस की वाइफ का नाम पूछा जाए तो पोर्शिया आप बताएंगे, एंड फिर कौन है, ऑक्टेवियस सीजर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ये कौन है, ट्रिम्वर्स हैं, यानी कि तीन लोग मिलकर चला रहे हैं रोम की सत्ता को, ऑक्टेवियस सीजर, ये पूछ लिया जाता है कौन थे ये यहाँ पर जो ट्रिम्वर्स थे, तो ये कौन थे, ऑक्टेव, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ ना तो अब दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, ऑक्टेवियस सीजर, मार्कस एंटोनियस एंड यहाँ पर मैमिलस लेपिडस, ये तीनों हैं, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पार्टीशन है कि ये लोग मिलकर करेंगे काम। तो ये समरी तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर जूलियस सीजर का मर्डर किया जाता है, ब्रूटस मर्डर करता है, एंड उसके बाद में दिखाया जाता है एंटोनी जो है स्पेशली वो क्या करता है कि जूलियस सीजर को, मतलब जो जनता है उसको, मैनुबियस सीजर, लेपिडियस और क्लोपेट्रा है यहाँ पर क्वीन ऑफ इजिप्ट, ऑक्टेविया है, ठीक है, डेमेट्रियस एनोबर्बस है, ओके, ये सब लेस देन करेक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स आपको पता ही है ये लोग हैं। आगे चलो, नेक्स्ट है हमारे पास में एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, एक बार देख लेते हैं। देखिए, ओके, देखो एज यू लाइक इट यहाँ पर जो जॉनर है ये फाइव एक्ट कॉमेडी है, ये हम जानते हैं इसको, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए फाइव एक्ट कॉमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट वेल है यहाँ पर रिटन एंड परफॉर्म्ड, ये रिटन कब हुआ, परफॉर्म कब हुआ, तो अबाउट 1598 टू 1600, तो इस बीच ये लिखा गया, परफॉर्मेंस हुई, फर्स्ट परफॉर्म्ड, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस, ओके ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली फर्स्ट जो भी पब्लिश होता है तो फर्स्ट फोलियो 1623 में, एंड सोर्स क्या है, रोजालिन है यहाँ पर 1590, जो कि रोजालिन किसने लिखा है, थॉमस लॉर्ड, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। समरी, समरी बाद में देखेंगे, समरी तो जानते ही हम इसकी। ड्यूक यहाँ पर जो मेन करेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं, ड्यूक कौन है, लिविंग इन एग्जाइल, जो कि यहाँ के ड्यूक हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पेशली उसमें रह रहे हैं, ऑलरेडी ही उनको बैनिश कर दिया गया है, जंगल में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वहाँ पर रह रहे हैं। रोजालिन उनकी बेटी है, फ्रेडरिक कौन है, इनका ब्रदर है, असर्वर ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जिन्होंने इनका राज्य हड़पा है। सीलिया कौन है, डॉटर ऑफ फ्रेडरिक है, यानी कि इनके भाई की बेटी है, एंड बहुत अच्छी दोस्त है रोजालिन की। एमेंस एंड जेकस कौन है यहाँ पर, लॉर्ड अटेंडिंग अपॉन द बैनिश ड्यूक, ड्यूक जो है इनको बैनिश किया गया है, उनके अटेंडेंट हैं। लीवियो है यहाँ पर कॉर्टियर है, एंड चार्ल्स है इसके अंदर एक रेसलर है, चार्ल्स का नाम ध्यान रखना है, रेसलर जो है, एंड ओलिवर जैकस, ठीक है, ओलिवर जैकस और ऑर्लैंडो, जैकस एक यहाँ पर भी है जो कि एक आप कह सकते हैं कि किंग का अटेंडेंट है, लेकिन एक यहाँ पर भी एक और जैकस है जो कि बेटा है किसका, रोनाल्ड डी बॉयज का। टचस्टोन कौन है, यहाँ पर एक क्लाउन है। फीब यहाँ पर एक शेफर्डेस है जो कि किसको पसंद करने लगती है, रोजालिन को पसंद करने लगती है जब वो गैनीमेड के भेष में होता है, होती है। तो कॉरिन सिलिवस ये भी शेफर्ड है यहाँ पर, ऑड्रे ये भी कंट्री वेंच है यानी कि एक शेफर्डेस ही है, एंड विलियम
यहाँ पर जो विलियम है वो कंट्री फेलो है इन लव विद ऑड्री, ये ऑड्री को पसंद करता है, बट ऑड्री जो है वो किसको पसंद करती है, टचस्टोन को पसंद करती है। समरी क्या है, रोजालिन एंड हर कजन एस्केप, रोजालिन और उसकी जो कजन है, कजन कौन है यहाँ पर, सीलिया, ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं, ठीक है, किसको, ऑरलैंडो को ढूंढती हैं, ऑरलैंडो यानी कि जो बेटा है ये भी अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ है, तो यहाँ पर रोजालिन जो है ऑलरेडी मैं जानती क्योंकि वो तो भेष बदला हुआ है, तो ऑरलैंडो नहीं जानता कि ये रोजालिन है, बट रोजालिन जानती कि ये ऑरलैंडो है, एंड वो उसको और ज़्यादा मतलब कि जब वो परेशान होता है रोजालिन के लिए तो वो उसको पैम्पर करने में मदद करती है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर बाद में सब चीज़ सॉल्ट आउट हो जाती है धीरे धीरे, वो भेष वगैरह बदल के जो घूम रहे थे फिर सबके सब रिवील होते हैं, सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और जो स्पेशली ऑरलैंडो है तो अपने जो भाई है, ठीक है, उसके ओलिवर को भी एक शेरनी से बचा लेता है, ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, उसका भी जो है मन परिवर्तन हो जाता है। जब सबके सब छोड़ के यहाँ पर ड्यूक के पास आ गए, सीनियर ड्यूक के पास, तो यहाँ पर फ्रेडरिक का भी मन भी चेंज हो जाता है, एंड बाद में वो भी जंगल में ही आ जाता है, तो सारे लोग पहले जंगल में आके इकट्ठे हो जाते हैं, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्ले इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1592 टू 93, फर्स्ट प्रिंटेड यहाँ पर 1623 में। जॉनर क्या है, कॉमेडी है, सेटिंग कहाँ पर है, इफिसस में है, एंड सोर्स क्या है इसका, प्लॉटस मेनेकमी एंड एम्फीडो, ओके, तो ये इसका सोर्स है प्लॉटस से, जो प्लॉटस है वहां से लिया गया है। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स देख लीजिए, एजियन है यहाँ पर जो कि मर्चेंट ऑफ सायरेक्यूज है, एमिलिया है यहाँ पर वाइफ ऑफ एजियन, एजियन की वाइफ एमिलिया, दो करेक्टर हो गए। अब इनके बच्चों पे आ जाइए, ये बेटा है यहाँ पर एंटीफोलकस, यानी कि दो बेटे हैं इनके जिनका नाम क्या है, एंटी, देखिए एंटीफोलस ऑफ इफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ सायरेक्यूज, ये जो है ये इनकी टाउन के नाम है, इसी वजह से इनको बोला जाता है जो जहाँ रह रहा है तो उसी का नाम वहां से के नाम से कंसिडर किया गया है। ट्विन ब्रदर हैं ये, किसके बच्चे हैं ये, एजियन के ही बेटे हैं और एमिलिया के, मतलब इनके पेरेंट हैं। अब इन्हीं के पास में एक नौकर मतलब वो होते हैं खासकर जो इनके चेले हैं यानी कि सर्वेंट हैं। पहले एड्रीना को देख लीजिए, एड्रीना क्या है, एंटीफोलस ऑफ पीफिसस की वाइफ है, यानी कि जो दूसरे देश में चला गया है उसकी ये क्या है, वाइफ है। एंड लुसिनिया, जो लुसिनिया है इसकी बहन है, जो कि बाद में किससे शादी होती है, यानी कि बाद में जो इसका ये दूसरा भाई है जो कि दूसरे देश से आया है, सायरेक्यूज से आया है, तो इससे फिर लुसियाना जो होती है वो यहाँ पर एंगेज हो जाती है। एंड ड्रूमियो, ड्रूमियो ऑफ इफिसस, ये इनके क्या है, यहाँ पर फूल है, तो ड्रूमियो ऑफ इफिसस यानी कि जो इफिसस का है तो उसी का ही ये फूल है। एंड ड्रूमियो ऑफ सायरेक्यूज, ये जो सायरेक्यूज में रहता है तो ये उसी का क्लाउन है, ठीक है। बाल्थाजार है इसके अंदर, बाल्थाजार को हमेशा ये लेते रहते हैं, एक मर्चेंट है, सोचो कभी बाल्थाजार तो मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी था, बट यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे ये एक मर्चेंट है, व्यापारी है, ओके। एंजिलो है इसके अंदर, एक गोल्ड स्मिथ है, मर्चेंट है यहाँ पर, स्पेशली फ्रेंड ऑफ एंटीफोलस ऑफ सायरेक्यूज। एक और मर्चेंट है, एक पिंच है इसके अंदर, पिंच है स्कूल मास्टर, और ल्यूस है यहाँ पर सर्वेंट ऑफ एड्रीना, ठीक है। इसमें सिंपल कहानी ये है कि एक कहानी शायद हिंदी में भी है, मतलब बॉलीवुड में, इसके ऊपर कॉमेडी ऑफ एरर्स को नाम तो दिया है, आपको याद है, संजीव नाम है उनका, क्या नाम है उनका, उनकी है, तो उसमें भी दिया हो, लेकिन वो हिट नहीं हुई, यहाँ पर फ्लॉप हो गई थी। तो स्पेशली इसमें क्या है कि सेपरेट हो जाते हैं दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तभी वहाँ एक औरत और प्रेग्नेंट होती है, तो उसको भी दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, उनको गोद ले लेते हैं, तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है, वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, वाइफ भी कहीं खो जाती है, तो वाइफ एक अलग जगह होती है, एक बच्चा और एक नौकर का बच्चा, ठीक है, वो एक तरफ चले जाते हैं एक टाउन में, एक नौकर का बच्चा और एक मेन बच्चा वो कहाँ चले जाते हैं, एक तरफ इफिसस में ही चले जाते हैं, इफिसस में चले जाते हैं, एक सायरेक्यूज में रह जाते हैं अपने फादर के पास। बाद में ये सब लोग दूसरे को फाइंड करते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसकी वाइफ को लगता है कि वो मेरा हस्बैंड है बल्कि वो हस्बैंड होता नहीं है, ऐसी चीज़ें इसके अंदर चलती रहती हैं बाद में, क्योंकि कॉमेडी है हर चीज़ सॉल्ट आउट हो जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है लक्ष्मी मैम, जस्ट अभी मेरा आपका कोर्स लिया TGT का, ओके, हाँ अंगूर मूवी है, वेरी गुड नीरज, थैंक यू सो मच कि आपने बताया, अंगूर जो मूवी है ना वो है बॉलीवुड की, मैंने उसे देखना चाहा, मैंने कहा देखते हैं हिंदी में कैसे बनाई है, बट वो काफ़ी बोरिंग थी, मज़ा नहीं आया देखने में, तो लेकिन वो फिर भी बनाई हुई है इन्होंने, अंगूर मूवी जो है कॉमेडी ऑफ हेरर्स के ऊपर बनाई हुई है। चलो
नेक्स्ट देख लेते हैं कैरोलिनियस. कैरोलिनियस एक ट्रेजेडी है. ओके जनरल पूछ लिया जाता है ट्रेजेडी है. रिटन बिटवीन 1605 टू 1608 पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623 एंड फाइव एक्ट प्ले है ये. ओके द लाइफ ऑफ यहाँ पर गैनियस मार्केसिस कैरोलिनियस की कहानी बताई गई है ना. हाँ ये बेस्ड है इस पर स्पेशली इस चीज पर. सिक्स टेन बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्लूटार्कन बायोग्राफी है पैरालाइज यही इसका सोर्स है. एंड करेक्टर्स हैं यहाँ पर कैस जो मॉरिशस है. एंड वोल्यूमिया है इतना ज़्यादा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए. वोल्यूमिया है अब लिखा हुआ है तो देख लेते हैं. बाकी ये सब मैं पीडीएफ में छोड़ देती हूँ आप लोगों को उनमें पढ़ लिया करिए. वोल्यूमिया है यहाँ पर मदर ऑफ कैरोलिनियस. वर्जीलिया है यहाँ पर वाइफ ऑफ कैरोलिनियस. वैलेरिया है फ्रेंड ऑफ वर्जीलिया यानी कि वर्जीलिया की फ्रेंड है ये. यंग मार्शियस है जो ये सन ऑफ कैरोलिनियस है इसके बेटे हैं. मैनिमस एग्रिपा है ये फ्रेंड ऑफ कैरोलिनियस है ठीक है. एंड यहाँ पर और बाकी बाकी को हम छोड़ देते हैं इतना ही रखते हैं आगे चलते हैं. ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं. सिम्बलिन को देखते हैं. सिम्बलिन ट्रेजेडी 1610 में ये ट्रेजेडी आती है. सोर्स है ये ना आपको हेल्प करेगा पीडीएफ जो है वो बहुत हेल्प करने वाला है तो थोड़ा थोड़ा याद रखना है इसमें. राफेल हॉलिनशर्ट जो है यहाँ से लिया गया है. सेटिंग क्या है इसकी ब्रिटेन और इटली में रखी गई है. सिम्बलिन यहाँ पर किंग ऑफ ब्रिटेन जो है उनका नाम सिम्बलिन है. क्वीन है इनकी उनकी वाइफ भी है. क्लॉटन का नाम ध्यान रखेंगे सन ऑफ द क्वीन बाय अ फॉर्मर हस्बैंड. जो इनकी वाइफ है उनका जो पहले हस्बैंड थे तो उनसे एक बेटा है क्लॉटन तो उसको ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर. एंड दूसरा है यहाँ पर इमोजन. इमोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है. डॉटर ऑफ सिम्बलिन है बाय अ फॉर्मर क्वीन यानी कि इनकी पहली पत्नी से इनकी जो बेटी है उसका नाम क्या है इमोजन है. पोस्थमस लियोनार्ड्स यहाँ पर कौन है हस्बैंड ऑफ इमोजन है जो कि चुपचाप ये शादी कर लेते हैं. इमोजन का हस्बैंड है. एंड इयाकुमो कौन है यहाँ पर विलन है. स्पेशली ट्राई टू सिड्यूस इमोजन ये शर्त लगाता है यहाँ पर स्पेशली पोस्थमस से कि वो उसकी तारीफ करता है अपनी वाइफी की मेरी वाइफ ऐसी है वैसी है तो ये शर्त लगाता है कि मैं उसको सिड्यूस करके दिखा दूंगा. एंड बाद में वो कामयाब नहीं हो पाता बट वो फिर भी उसको अपनी ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है तो वो एक मॉल देख लेता है उसके यहाँ पर. एंड फिर वो बता देता है कि ऐसे ऐसे से तो उसको लगता है कि हाँ ये रियलिटी है तो इतना बेवकूफ़ आदमी है. तो यहाँ पर क्या है कि अब ध्यान रखेंगे फिर यहाँ पर बेलारस है जो कि बैनिश लॉर्ड है डिस्गाइज अंडर द नेम ऑफ मॉर्गन. गाइड्रस है स्पेशली एंड और एरविगेरस दो हैं ये सन्स ऑफ सिम्बलिन और आपको देखने को मिलते हैं. डिस्गाइज अंडर द नेम ऑफ पोलीडोर एंड कैडवेल ये भी डिस्गाइज करते हैं इसके अंदर. एक है फिलारो जो इंपॉर्टेंट करेक्टर और है यहाँ पर फ्रेंड ऑफ पोस्थमस ठीक है. किंग सिम्बलिन जो है यहाँ पर जो किंग सिम्बलिन है वो ब्रिटेन बैनिशेस हिज डॉटर इमोजन हस्बैंड तो वो बैनिश कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है इमोजन के हस्बैंड जो हैं इमोजन ने शादी कर रखी है उसके हस्बैंड को बैनिश कर दिया जाता है जिसका नाम क्या है पोस्थमस लियोनार्ड्स है. हु मेक्स देन अ बेट वो बेट लगाता है यहाँ पर स्पेशली इमोजन की फेडलिटी पर कि मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को. एंड बाद में वो जो यहाँ पर क्या होता है ये कामयाब नहीं हो पाता बट ये कामयाब वैसे हो जाता है ट्रिक की वजह से कामयाब हो जाता है ठीक है. तो बाद में ये चीज़ कैसे सॉल्ट आउट होती है वो चीज़ सिम्बलिन के अंदर दिखाई गई है. नेक्स्ट बात करते हैं हेनरी फोर्ड पार्ट फर्स्ट. ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर ही अवेलेबल है बहुत अच्छे से प्ले पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को तो मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगी यहाँ से. पर फिर भी आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगी. बस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं आपको क्वेश्चन में बता ही दूंगी. राफेल हॉलिनशर्ट सोर्स है. सेटिंग किसमें है इंग्लैंड में है. हेनरी फोर्ड पार्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर इसमें आपको करेक्टर्स देखने को मिलते हैं. किंग हेनरी फोर्थ देखने को मिलते हैं. द रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड है. प्रिंस हैरी है यहाँ पर कौन है किंग हेनरी फोर्थ के बेटे हैं और प्रिंस हैं. इनको हम इन शॉर्ट हॉल भी कहते हैं इनका नाम जो है निक नेम. हॉट स्पर यहाँ पर विलन आपको रूप में देखने को मिलेगा और काफी स्ट्रॉन्ग है शुरू में दिखाई देते हैं हेनरी से तो किंग को कई बार फील होता है कि हॉट स्पर जो है ज़्यादा यहाँ पर मतलब बनने लायक है वो एक ना एक दिन हेनरी को क्या कर देगा डिफीट कर देगा लेकिन ऐसा होता नहीं है. हेनरी हॉटस्पर को मार डालता है बिल्कुल फेस टू फेस एक युद्ध होता है लोगों का इसके अंदर. और ये कहाँ है हॉटस्पर जो है अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर है ठीक है. वॉर्सेस्टर का जो अर्ल है ये कौन है हॉटस्पर है. एक करेक्टर है हमारे पास में इसी प्ले के अंदर सर जॉन फाल्स्टफ ओके जो कि क्लाउन का काम भी करता है बहुत अच्छा फ्रेंड है
किसका फ्रेंड है? प्रिंस जो हेनरी है। एंड बाद में क्या होता है कि मारता तो हॉट्सपर को ये है कि जो प्रिंस मारते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि ये तलवार जो होती है उसको उठा लेता है और कहता है, मतलब प्रिटेंड करता है कि उसको उसने मारा है। एंड ये इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, लेकिन बाद में डिक्लेयर होता है, पता चलता है कि हेनरी ने ही मारा था उसको। हेनरी की कहानी फिर इस तरह से आगे बढ़ती चलती है, आगे चलते हेनरी फिफ्थ, हेनरी फर्स्ट, टू, थ्री, किंग जॉन को भी ध्यान रखेंगे इसमें। ओके, किंग जॉन भी मैंने पढ़ा दिया, ये सब पढ़ाए हुए हैं मैंने आप लोगों को अभी, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना इसको, ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे है, ठीक है, तो पेरिक्लीज जो कि इंक्लूड नहीं किया गया था पहले फोलियो में, तो पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे लीव्स होम टू एस्केप डेथ ओनली टू विन अ जॉस्टिंग कंटेस्ट एंड मैरी अ प्रिंसेस। पेरिक्लीज को क्या होता है कि उसको आदत है एडवेंचरस चीज़ करने की, तो वो जहाँ भी उसको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ करनी होती है, तो उसको पता होता है यहाँ पर कि एक किंग ने शर्त रखी हुई है, क्योंकि किंग के रिलेशन खुद ही अपनी बेटी के साथ में थे, तो वो नहीं चाहता था कि किसी और से शादी हो, तो इस वजह से उसने ऐसी शर्तें रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये पेरिक्लीज जो है पंगा ले लेता है, एंड लेकिन फिर बाद में जब इसको रियलिटी पता चलती है तो ये लोगों को बता नहीं पाता इस बात को, एंड इसको फिर वहाँ पर मौत की सज़ा सुना दी जाती है। फिर भी वहाँ से कैसे कैसे बच के निकलता है ये दिखाई गई है यहाँ पर। वंस ही कैन रिटर्न होम हिज फैमिली सेल्स विद हिम, बीच में क्या होता है कि इसकी अपनी फैमिली वगैरह को भी लॉस्ट कर देता है, तो वंस ही कैन रिटर्न होम, फिर जब बाद में ये होम में आता है, घर पे आता है, हिज फैमिली सेल्स विद हिम बट अ स्टॉर्म सेपरेट्स देम सो पेरिक्लीज रिटर्न अलोन। तो फिर बीच में एक तूफान आता है, अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है, फिर ये अकेला रहता है, लेकिन बहुत टाइम बाद इसको अपनी फैमिली वापस मिल जाती है। ईयर्स लेटर पेरिक्लीज फाइंड्स हिज डॉटर एंड रीयूनाइट विद द वाइफ ही हैड थॉट वॉज डेड। बाद में इसको अपनी डॉटर भी मिल जाती है और वाइफ भी मिल जाती है, इसको इसको लगा था कि वो मर गई है। नेक्स्ट चलते हैं, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, नेट खत्म। ओके, सबका नेट खत्म होने लगा, अभी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आपका नेट फिनिश हो रहा है तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यहाँ पर फॉलस्टफ का करेक्टर जो है ये देखने को मिलता है, डिसाइड्स टू फिक्स हिज फाइनेंशियल वो बाय सेड्यूसिंग द वाइफ्स ऑफ टू वेल्दी मर्चेंट। दो वेल्दी मर्चेंट हैं, उनकी वाइफ्स हैं, तो फॉलस्टफ सोचते हैं कि कमाना वमाना अपनी मेहनत से तो बेकार है, ऐसे तो कितना ही कमा पाएंगे, कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो सोचता है कि भाई ये मर्चेंट की वाइफ हैं, धनी हैं, तो क्यों ना इनको इम्प्रेस कर लिया जाए। तो ये पूरा इसमें यही ट्राई करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। द वाइफ सेंड हिज, देखिए ही सेंड देम आइडेंटिकल लेटर्स एंड टेक रिवेंज बाय प्लेइंग ट्रिक्स ऑन फॉलस्टफ व्हेन ही कम्स कॉलिंग। तो इनके बीच में ही दरार डालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में इसका ही उल्लू खींच देती हैं ये दोनों मिलकर। लव्स लेबर लॉस्ट में क्या होता है? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब मैं लव लेबर लॉस्ट वगैरह ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछती हूँ, तो थोड़ा सा आप एक्टिव भी हो जाओगे। जैसे अभी जस्ट क्या है, क्या बोर हो गए होगे, आपको लग रहा होगा समझ भी नहीं आ रहा होगा चाहे सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, मेरे पास दूसरी ट्रिक भी है इसको कराने की, यानी कि आपका इंटरेस्ट फिर से क्रिएट करने की, ठीक है? जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा एक्टिव कर देती हूँ, होप सो कि आपको पसंद आएगा। चलो देखते हैं, चलो तो प्रैक्टिस टाइम ले लेते हैं, ठीक है? अभी आपको क्या होगा कि अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड रोमियो जूलियट से आगे चलते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं, अब आप एक्टिव हो जाएंगे। चलें करें, अब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, ठीक है? आर यू रेडी टू गिव आंसर्स? चलो रेडी हो सब लोग या नहीं? मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, लगभग हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो, व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस? तो ये क्या है, एक नैरेटिव पोयम है। ओके, इसके बारे में सारी डिटेल हमने पढ़ी ली है, तो ये दिस इज अ नैरेटिव पोयम। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर करो, मेरे सामने है, आपके सामने है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड एपिस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद हर फेदर्स। अब तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, क्या आंसर होगा? रॉबर्ट ग्रीन इज अ करेक्ट आंसर। कहाँ पर लिखा है, कैसे लिखा है, अभी आपको सारे फैक्ट्स पता हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है।
Next one is, who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? किसने इनको रेडिकल किया शेक्सपियर को स्पेशली ये कहकर स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक? अब तो आपको पता होगा ना अच्छे से, अब तो सारे आंसर्स आते हैं, तो बैन जॉनसन इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, बैन जॉनसन ने इनको ये उपाधि दी है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? बताए किसने बोला है, तुमको पता होगा ना, जल्दी से बताएं. शेक्सपियर के पास क्या है, सिर्फ हीरोइंस हैं और कोई मतलब हीरोज नहीं है. तो ये जॉन रस्किन का कमेंट है. जॉन रस्किन इज अ करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू गिव आंसर वेरी फास्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज, ड्राइडन प्लेज ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? जल्दी बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के. ड्राइडन ने जो प्ले लिखा है ऑल फॉर लव, वो कौन से प्ले पर बेस्ड है? तो ऑप्शन नंबर एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, सी इज अ करेक्ट वन. तो सी यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज, द फ्रेज वॉट इन अ नेम ऑकर्स इन, अभी जस्ट इस पर हमने डिस्कस भी किया था, आप सबको पता होगा कि वॉट इन अ नेम नाम में रखा गया है, गुलाब तो गुलाब है, ठीक है, चाहे उसे गुलाब कहो या ना कहो, महकी का तो ऐसे ही. तो ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट कहाँ पर कॉमेंट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जूलियट का कॉमेंट है, ये भी ध्यान रखना, बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो दिस कॉमेंट वॉज गिवन बाय जूलियट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द टाइटल ऑफ द नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस शेक्सपियर्स, बताइए. ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, एक नॉवल लिखा है विलियम फॉकनर ने एक नॉवल लिखा है द साउंड एंड द फ्यूरी. ये हमें क्या याद दिलाता है? हमें याद दिलाता है ये मैकबेथ की. ठीक है, हमें याद दिलाएगा ये मैकबेथ की. मैकबेथ में ये कॉमेंट है, मैकबेथ की एक सोलिलोक्वी है यहाँ पर. ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. तो यहां से इन्होंने ये टाइटल उठा लिया. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन इज, एल्डस हेक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवल ब्रेव. ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर. तो ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन में आ गया है तो आप बताइए कि इन्होंने इतने इसके लिए जो इनका नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर, तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है ये शेक्सपियर के कौन से प्लेस से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपको. तो यहाँ पर आंसर होगा आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, द टेम्पेस्ट से. ऐसे ऐसी चीज छोटी छोटी चीजें क्या हो जाती है, माइंड से निकल जाती है. तो देखिए, द टेम्पेस्ट जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा, आंसर होगा आपका, है ना, आप ध्यान रखना. टेम्पेस्ट को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना, अलग ही दुनिया थी टेम्पेस्ट के अंदर, समुद्र के पार थी, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से आंसर करते चलिए. ओके, नेक्स्ट है, शेक्सपियर्स किंग लियर, शेक्सपियर का जो किंग लियर है वाज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग. ये पूछा जाता है, शेक्सपियर का जो किंग लियर है, एक व्यक्ति ने उनको हैप्पी एंडिंग दे दी है, बाद में सब लोग मरते नहीं है, बल्कि कोडिला की शादी हो जाती है एडगर से. तो इस पर एडगर है, एडमंड है, चलो जो भी अभी आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर उससे शादी हो जाती है, एंड स्पेशली नाहम टेट ने ये काम कर दिखाया है. नाहम टेट, हाँ एडगर गेट में ठीक थी, तो एडगर से शादी हो जाती है कॉर्डिला की. नाहम टेट ने यहाँ पर जो एंडिंग है उसको चेंज कर दिया है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज, इन विच प्ले द शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स. कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें स्पेशली प्यूरिटन्स पर, प्यूरिटन्स के बारे में आप जानते हैं ना, याद करो जॉन मिल्टन को, यानी कि प्यूरिटन्स मतलब कि कट्टरपंथी, स्पेशली जो वहाँ के राजा है, किंग है, चार्ल्स के खिलाफ खड़े थे जो स्पेशली. ठीक है, मैम कॉर्डिला तो मर जाती है फिर कैसे? जूली समझो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यही तो बात है इस प्ले के अंदर, यही तो बात कही, ये लाइन है ना, क्वेश्चन ही यही है. क्वेश्चन में लिखा है, शेक्सपियर का जो किंग लियर है आप जानते हैं वो ट्रेजेडी है, उसमें हैप्पी एंडिंग हो नहीं सकती, ट्रेजेडी में सब लोग मर जाते हैं, दैट्स इट. लेकिन एक और व्यक्ति है नाहम टेट, उन्होंने क्या किया, उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसी एंडिंग हो, तो उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं. मतलब ऐसा नहीं, वहां जाकर इन्होंने इनकी बायोग्राफी भी तो दी है ना, तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर चेंज कर दिया. इन्होंने चेंज में क्या किया कि कॉर्डिला की बाद में शादी करा दी, तो ताकि लोग उसको अच्छा फील हो. ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा ना कि सबकी सबकी डेथ हो गई, दैट्स द पॉइंट. ये पॉइंट नहीं है कि किंग लियर में कॉर्डिला की शादी कैसे हो गई, है ना, बल्कि नाहम टेट ने ये किया है. अब थोड़ा शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को. चलिए, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स. तो हमारे पास में यहाँ पर जो प्ले है स्पेशली
ट्वेल्थ नाइट होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ट्वेल्थ नाइट ही करेक्ट है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। ट्वेल्थ नाइट के अंदर जो हमारे स्पेशली मालवेलियो का जो करेक्टर है ना, तो उसको जो करेक्टर को शो किया है वो प्यूरिटन्स की तरह ही इन्होंने दिखाया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये है ट्वेल्थ नाइट प्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, अबाउट अबाउट होम, अबाउट होम आर दीज लाइन्स स्पोकन, बताइए, एज कैन नॉट विदर हर। हाँ थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच। देखिए एज कैन नॉट विदर हर कौन है हमारी इतनी खूबसूरत, जिनको एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो और ज्यादा क्लेवर और ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है, ठीक है, इसलिए हर किसी का इंटरेस्ट किस में है, यहाँ पर क्लियोपेट्रा में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये किसका कमेंट है ये भी ध्यान रखेंगे, एनो बार्बस है इसमें, यही कमेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, किसने लिखी है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, फटाफट से बताएं जल्दी से। ओके थैंक यू, हाँ तो बताएं। ओके चार्ल्स लैम इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स लैम और उनकी सिस्टर ने मिलकर क्या किया है, चार्ल्स लैम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश चिल्ड्रंस बुक रिटन बाय द सिबलिंग चार्ल्स एंड मैरी लैम इन 1807, ठीक है, तो 1807 में इन्होंने लिखा है मिलकर। ये चीज ध्यान रखना कि जो मैरी लैम है वो रेस्पॉन्सिबल है स्पेशली, मैं एक सेकेंड, मैरी लैम, देखिए मैरी लैम जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेलिंग द कॉमेडीज, कॉमेडीज के लिए मैरी लैम एंड चार्ल्स लैम जो है स्पेशली ट्रेजेडीज को उन्होंने एज अ चिल्ड्रन बुक लिखा है, यानी कि चिल्ड्रन बुक के में इंक्लूड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट वन इज, इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, इमोजन अभी आपको पता होगा करेक्ट, इसमें रिवाइज भी कराए हीरोइन रिवाइज कराए, इमोजन कौन से इसमें देखने को मिलती है आपको, हाँ चार्ल्स फॉर ट्रेजेडीज एंड मैरी कॉमेडीज, ठीक है, ओके थैंक यू जूली। अच्छा आपको नेट दिख नहीं रहा है पर आंसर दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, तो अभी जस्ट मैंने बताया सिम्बलिन में आपको इमोजन जो है उसकी डॉटर है सिम्बलिन की, ठीक है, अभी जस्ट बताया था जो किंग सिम्बलिन है उनकी डॉटर का नाम है इमोजन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, सिम्बलिन इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 130 आर रिकंसिडरेशन, बताएं, E.M. Foster, W.H. Auden, Charles Lamb, Samuel Butler. इसमें पूछा गया है, एक वर्क दिया हुआ है सोनेट 130 आर रिकंसिडरेशन, किसका क्रिटिकल वर्क है, किसका है ये बता जल्दी से फटाफट, तो आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर सैम्यूल बटलर, बटलर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सैम्यूल बटलर ने लिखा है। आगे बताइए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये सब जब मैं प्ले पढ़ाती हूँ तो उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज बताती हूँ कि कौन सी कमेंट, कौन सी कोट किसने दी है, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में हम सिर्फ 2-4 घंटे में पढ़ के ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये रिविजन क्लास है, जब आप एक बाद में एग्जाम देने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो पहले पढ़ लेना, कभी सोचो कि मैम इसी क्लास से पास होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना टाइम जो आपको मिला हुआ है ना यूपी के लिए, आपके पास शिकायत करने का टाइम नहीं है फिर कि हाँ मैं टाइम नहीं मिला, तो तैयारी करके रखो एंड फिर फटाफट आंसर देते चलो। तो यहाँ पर जो ये कमेंट आता है आप लोगों का, तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी एज यू लाइक इट के अंदर ड्यूक सीनियर जो है उन्होंने कमेंट दिया है, यानी कि ऑब्वियसली बात है एडवर्सिटी जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं तो उसका भी जिस टाइम पर हमें रियल में अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है उस टाइम पर, खासकर जब सही टाइम चल रहा होता है तब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, तो एडवर्सिटी के भी जो परिस्थिति क्या होती है विपरीत होती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारा समय खराब चल रहा होता है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें अपने बारे में ऐसे पता चलती है, अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, ठीक है, और हम अपने लेवल से बहुत हाई कहते हैं सिर पे पड़ती है, तो फिर हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर जाएंगे, तो वो वाली सिचुएशन को इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या है, एज यू लाइक इट इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन इज, फ्रेलिटी दाई नेम इज अ वुमन, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर, तो फ्रेलिटी यानी कि कमजोरी, ठीक है, वुमेन तुम्हारा दूसरा नाम कमजोरी है, बहुत जल्दी तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ जाती है, हर वक्त सहारा ढूंढती रहती हो, तो ये दिस कॉमेंट वॉज गिवन बाय हैमलेट, ठीक है,
ओके एंड डायरेक्टली ये मदर से नहीं बोला गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पूछा जाए कभी क्या गर्टूड से कहा है, नो, वो अपने आप से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाइदर आ बो, देखिए बोरोवर नोर आ लेंडर भी, ये जल्दी से बताइए, नाइदर आ बोरोवर, ना उधार दो ना उधार लो, फॉर लोन ऑफ क्लोजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, लोन तो जाता ही जाता है, पैसा तो जाता ही जाता है, साथ में अपने फ्रेंड को भी आप खो देते हैं, रिश्तेदारी को भी खो देते हैं। तो दिस कॉमेंट वॉज गिवन बाय, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पोलोनियस टू हिज सन लेरिटीज, तो लेरिटीज को इन्होंने क्या किया है, पोलोनियस जो है अपने बेटे को समझा के भेज रहा है, बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा है उनका बेटा, हैमलेट के अंदर है ये मिस्टर पोलोनियस, तो इन्होंने क्या किया है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड के अंदर ये कॉमेंट दी है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शेप्स आर एंड्स दिस लाइन कम्स फ्रॉम, देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शेप्स आर एंड्स दिस लाइन कम फ्रॉम, कहां से आती है लाइन, ओके तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ओके तो जो स्पेशली यहाँ पर हैमलेट है उसी का स्टेटमेंट है, वो किससे कह रहा है यहाँ पर, होरेशियो से बोल रहा है कि यानी कि जो स्पेशली हर चीज क्या है भगवान के डिवाइनिटी जो है उसके हैंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कवर्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, तो दिस कॉमेंट वॉज गिवन बाय या फिर डायलॉग इज स्पोकन बाय जूलियस सीजर, ओके ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्लाइड चली नहीं रही है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ्स अ टेल बट टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, तो ये तो आपको पता ही है मैकबेथ इज अ करेक्ट वन आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में 21, आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ये भी जस्ट मैंने समझाया आपको, बताओ किसने कहा ये, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बिनेथ, ओके आंसर कर दो फटाफट से, पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ करेक्ट वन, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, इन्होंने कमेंट दिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और शाइलॉक से बात करी, कोर्ट में खड़ी हुई है जिस टाइप ये बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, स्ट्रैटफोर्ड वॉज नेम ऑफ टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न, वॉट इज एवन, एवन क्या है बताइए, तो एवन क्या है, हाँ शाइलॉक को बोल रही है वो, ठीक है, ओके कुसुम वेरी गुड, तो अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड इज सिचुएटेड, है ना, तो ये क्या है, एक रिवर है जो यहाँ पर क्या है, जो इनका विलियम शेक्सपियर है उनका स्ट्रैटफोर्ड जो टाउन है वो वहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 1564 में जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, 23 अप्रैल को ध्यान रखेंगे। चलो डेथ हुई 1616 में, नेक्स्ट बड़ी अच्छी लगती है मुझे कमेंट, द ल्यूनाटिक द लवर द पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, एक ल्यूनाटिक एक पागल, एक पोएट एक कवि एंड अ लवर और एक प्रेमी, ये सब क्या होते हैं एक ही कैटेगरी में रखेंगे, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये इनकी अलग दुनिया चलती रहती है, हमेशा ये सपनों में खोए रहते हैं रियलिटी से बहुत दूर, पोएट भी अपनी इमेजिनेशन करता रहता है हमेशा, लवर भी हमेशा यही रहते हैं, लवर्स वगैरह होते हैं, और जो पागल होता है तो वो भी, तो ल्यूनाटिक बोलते हैं हम पागल को, ठीक है, तो ये जो कमेंट है ये किसने कही है यहाँ पर, स्पेशली जो थीसिस है ड्यूक ऑफ एथेंस, तो राजा जो है वो ये कमेंट करते हैं यहाँ पर, एथेंस के ड्यूक, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज, दो हैं यहाँ पर, वी हैव टू क्वेश्चंस हियर, ओके लेट्स सी फर्स्ट वन, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हरसेल्फ वॉज अराउंड ऑफ हिज डिजाइंस, बताइए ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, यहीं से याद आ जाना चाहिए आपको किसने बोला है कमेंट, अभी जस्ट मैंने बताया था, ओके आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दिस कमेंट, हाँ तो आंसर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर, जी बिल्कुल, देखिए बैन जॉनसन ने ही कमेंट किया था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज पर फॉर ऑल, यहाँ पर जॉनसन ने फर्स्ट जो पोलियो है 1623 में जो एडिशन आया था वहां पर बोला है, फिर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंड साउंड, अब तो जस्ट क्लिक हो गया होगा आपको फटाफट से, मैम ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, अब देखो दो क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन ना मैंने ये स्लाइड पे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो मेरे फोन पे तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आंखें ऐसे करके जूम करके देख लो, है ना, ऐसे जूम हो जाते हैं ना, एक तो होता है जूम तो ऐसे करना होता है, लेकिन फिर भी ना जब हम अपनी आंखों से हमें कुछ चीज़ देखनी होती है तो हम ऐसे देखते हैं ना, खासकर हम चश्मेश लोग जो होते हैं जैसे मैं भी, मुझे भी यूज़ करना पड़ता है स्पेक्स का, ओके बट फिर भी अभी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ी नज़रें वापस आ गई हैं मेरी,
खुश रहती हूँ ना मैं, आप लोगों ने मुझे खुश रखते हो मुझे बिल्कुल, तो मैं आपके लिए काम करती हूँ, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत कूल। तो उससे मेरी आंखों की रोशनी भी आपको पता है पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेक्स की। कितनी अच्छी बात है, खुश रहने के कितने फ़ायदे होते हैं। खाने में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जैसा मिल जाता है वैसा खा लेती हूँ, बाहर के खानों को तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ठीक है, लेकिन वो अंदर की जो हैप्पीनेस होती है ना ये सब ठीक कर देती है, मुझे ऐसा लगता है। बॉडी अलग ही रेस्पॉन्स करती है ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा होगा आंसर क्या होगा यहाँ पर, जॉन ड्राइडन ने अपने ड्रामेटिक पॉइजी के अंदर एन एसे के अंदर लिखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है बस इस तरह से लिखे हुए हैं, जल्दी बताना। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय द शेक्सपियर इन हैमलेट, तो बताइए ये क्या है, द माउस ट्रैप का मतलब क्या है, शेक्सपियर ने एक प्ले में यूज किया है तो ये क्या है माउस ट्रैप, बताएंगे आंसर करेंगे, आंसर हम जल्दी से लेंगे। ये है यहाँ पर द प्ले विद इन अ प्ले हैमलेट, यानी कि हैमलेट के अंदर एक और प्ले डाला हुआ है इन्होंने, दिस प्ले इज नोन एज द प्ले विद इन अ प्ले, तो द मर्डर ऑफ गोंजेंगो नाम है इस प्ले का, क्या नाम ध्यान रखेंगे आप, द मर्डर ऑफ गोंजेंगो याद रहेगा प्ले का नाम। चलो नेक्स्ट था, लाइक व्हाट अ वॉकिंग शैडो ऑफ अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स इज आवर अपॉन द टेस्ट अपॉन द स्टेज, तो ये किसके, ये किसने बोला है, ये मैकबेथ ने अगेन बोला है एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे अदर सबाइडर क्वेश्चन, दो आर्ट फ्री आउटक्रॉपिंग नॉलेज, बाकी लोगों को हम जब वर्क्स पढ़ते रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मन में रेज होते हैं, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं हर क्वेश्चन का आंसर खुद से खुद ही देते चले जाते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या अलग ही तरह की कला है। तो किसने कहा है ये, तो यहाँ पर आंसर होगा आप लोगों का मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड का कमेंट है। नेक्स्ट वन इज सोल ऑफ द एज द अप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ आर स्टेज माई शेक्सपियर इन दीज वर्ड वर्ड्स, बताइए सोल ऑफ द एज किसने बोला ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर, बैम जॉनसन। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40 है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस आर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर, बस इतने से ध्यान रख लीजिए माइरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था, बताइए किसने बोला ये, कॉलरिज, कॉलरिज इज द करेक्ट आंसर, विलियम, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज है उन्हीं का कमेंट है किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, इन वॉट ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, ग्लोब थिएटर कब बिल्ट किया गया था, कौन से ईयर में बिल्ट किया गया था, तो बताएं, बेटी रो रही है, मैं आपकी, रो नहीं रही है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, शाउट बोल रहे हैं जैसे चिल्लाते हैं बच्चे किल्लियां मारते हैं, तो वो भाग रही है बहुत तेज ठीक है, और वो चीख रही है, वो खुश होकर मतलब मजे कर रही है क्योंकि रात का टाइम हो गया है, रात को बच्चों को सोना नहीं होता है, रात को बच्चों को प्ले करना होता है, जैसे ही 10 के ऊपर टाइम हुआ तो उनका प्ले टाइम शुरू हो जाता है, फिर तो मतलब उनको और कुछ नहीं सोचता, बस खेलना सोचता है, जैसे भी मैं सोऊंगी मैं इसमें चाहूंगी ना कि 11 बजे या 10 बजे उसको सुला दूँ, तो ना ना उस टाइम तो मस्ती करनी है। तो इन वॉट ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, तो ये 1599 में बिल्ट हुआ था, 1613 में जल गया था, 1614 में फिर से अगेन रिबिल्ट कर लिया गया था ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, आगे देखो 46 के बताइए, शेक्सपियर कोलेबरेटेड विद विच ऑथर, ये मैंने आपको बताया द टू नोबल किंग्स मैन में स्पेशली किसके साथ कोलेबरेट किया है, तो बताएं जल्दी से फटाफट, फ्रांसिस ब्यूमोंट, मार्लो, जॉन फ्लेचर, कौन है आपके, तो जॉन फ्लेचर का नाम आपको याद आ गया होगा होप सो ठीक है। ओके तो यहाँ पर क्या है, तो जॉन फ्लेचर इज अ करेक्ट आंसर ठीक है। स्टैमिना, स्टैमिना सब कुछ मन के है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जो दिमाग ने सोच रखा है ना, तो जब तक दिमाग ने मेरे ने सोचा हुआ है कि मुझे ये यहाँ तक कराना है तब तक मैं नहीं थकने वाली हूँ, हाँ बाद में मुझे महसूस होगा मेरे पैरों में दर्द हो रहा होगा चलते हुए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में विलियम शेक्सपियर में ये जो जॉन फ्लेचर हैं इन्होंने किया है कोलेब्रेशन इनके साथ में ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड, तो बताइए फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश होता है। गुड इवनिंग मैम, आई एम लेट, यू आर टू लेट अर्नब, बहुत ज़्यादा लेट हो आप ठीक है, क्योंकि क्लास तो एंडिंग टाइम आ गया, 7 बजे से अभी क्लास चल रही है ठीक है।
हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1623 इज अ करेक्ट वन। एंड ध्यान रखेंगे, अब ध्यान, आपने तो मुझे पता नहीं बताया होगा, नहीं या फिर मेरा ध्यान नहीं गया होगा कमेंट पे, तो जॉन हेमिंग्वे एंड हेनरी कॉन्डल, अभी जस्ट भी लास्ट ईयर ये पूछा गया कि कौन थे वो दो बंदे, तो ये दोनों से नाम ध्यान रखेंगे, जॉन हेमिंग्स एंड ये को एक्टर थे इनके साथ में हेनरी कॉन्डल, तो इन्होंने ही इनका कलेक्शन जो है प्लेस का वो लाने में मदद की है, आपके सामने शो करने में मदद करी है, ठीक है। ओहो, मेरे लिए तालियां बजनी है, वाओ, थैंक यू सो मच, ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू टू, यहाँ पे आपकी भी अच्छी बात है शुरू से। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो शुरू से अब तक हैं यहाँ पर मेरे साथ में, बताना जरा। देखो मेरी जो गर्ल्स हैं बेचारी, वो तो अब